सो so, हेलो कैसे हैं आप सब लोग आई होप एंड ऑफ यू इज इन सोलूटली गुड माई नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच प्रचंड के अंदर ऑन यकीन YouTube चैनल और आज हम लोग एक बहुत ही छोटा लेकिन एक बहुत ही मजेदार चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जिस माइक्रोब को आज तक हम सिर्फ गाली देते आए थे जिस माइक्रोब को आज तक हम सिर्फ किसी ना किसी बीमारी का कारण समझते आए थे हम ये समझते आए थे कि यह माइक्रोब सिर्फ हमारा खाना सड़ाता है आज उसकी बहुत सारी ट्रू एप्लीकेशन जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे होंगे और इस चैप्टर के माध्यम से हम सारे के सारे माइक्रोब्स को थैंक यू बोल रहे होंगे क्योंकि सारे माइक्रोब्स बुरे नहीं होते बचपन में साइंस में एक चैप्टर भी आता था शायद आपको याद भी हो बैक्टीरिया फ्रेंड एंड फो यानी दोस्त भी है दुश्मन भी है सेम केस आपका बचे हुए माइक्रोब्स के साथ भी है यह हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी कई ऐसे बैक्टीरिया हैं कई ऐसे माइक्रोब्स हैं कई ऐसे वायरसेस हैं कई ऐसे फंगसिस हैं जो हमें जानलेवा बीमारियां दे सकते हैं लेकिन इनमें से काफी सारे ऐसे भी हैं जो हमें जानलेवा बीमारियों से बचा भी सकते हैं उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यहां से कम से कम आपके दो सवाल नीट के अंदर अब पूछे जाएंगे क्योंकि इस चैप्टर की जो वेटेज है वो बढ़ चुकी है क्योंकि स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन नाम का चैप्टर डिलीट होने के बाद बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट में इस चैप्टर का दबदबा थोड़ा बढ़ चुका है और ये आठ नंबर आपकी झोली में सीधे आकर के टपकेंगे आई कैन मेक श्योर ऑफ दैट अगर आज का सेशन आप सिर्फ बैठ के सुन भी लेते हैं सारा काम याद कराना इज टोटली ऑन मी आराम से खुले दिमाग से इंफॉर्मेशन को इम्बाइब करने के इरादे से अगर बैठोगे तो आठ नंबर मैं दिलवा दूंगा इस बात का मैं दावा करता हूं लेकिन जैसा मैंने कहा दिमाग खुला होना चाहिए गुड इवनिंग एवरी सब कुछ ठीक है हालचाल बढ़िया तो फटाफट एक बार बता दीजिए जिससे कि हम इस सेशन को शुरू कर सके और मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट कर रहे होंगे तो टेंशन की कोई बात नहीं है because अचानक से दो बड़े बड़े चैप्टर्स आ जाते हैं आपके लिए भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को एकदम स्ट्रीमलाइन करना इससे बेटर यह है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से चलें। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ा अब माइक्रोब से थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं मूड को फिर पापा जी पापा मेरी जान चैप्टर को हम पढ़ेंगे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो चुटुर पुटुर बेटे पोते बचेंगे उनको हम खत्म कर देंगे यानी तीनों चैप्टर बचेंगे इकोलॉजी के ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन जिसका ऑर्गेनिजम्स पार्ट एन में से हट चुका है सिर्फ नीट में है तो एनसीआर की एक बढ़िया रीडिंग लगाएंगे पॉपुलेशन पार्ट को बहुत डिटेल में करेंगे इकोसिस्टम का भी आधा चैप्टर डिलीट हो चुका है उसको भी अच्छे से करेंगे एंड बायोडाइवर्सिटी को भी ढंग से पढ़ेंगे चले भैया शुरू करें बहुत मजेदार चैप्टर है एक चीज जो यहां पर समझने लायक है वो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उसके अलावा आप देखेंगे कि मोर और लेस ये पूरा चैप्टर अपने आप को कहीं ना कहीं रिपीट कर रहा है अगर आप इस प्रचंड सीरीज में जिसका नाम पहले आरंभ सीरीज था अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं मैं आपको अपने कई लेक्चर्स के रेफरेंसेस दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बातें मैं यहां पर कह रहा हूं ये सारी बातें आपको पहले से पता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको पहले से ना पता हो हर चीज रिलेट करके पढ़ा देंगे अलग अलग चैप्टर जो है वहां से हम लोग अलग अलग रेफरेंसेज उठाएंगे तो आपके बाकी चैप्टर्स के कुछ पार्ट भी रिवाइज हो रहे होंगे तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बहुत मक्खन की तरह फिसलता हुआ ये चैप्टर हमारे आज के इस शेड्यूल से बाहर निकल जाएगा और आपको आठ नंबर देके जाएगा नीट के लिए तो फटाक से हम अपनी तैयारी को शुरू करते हैं करेक्ट है भाई सर मेड इजी कब तक आएगी इसके बारे में थोड़ा इस लेक्चर के एंड में डिस्कशन करेंगे लेकिन हाँ आपके लिए गुड न्यूज ही है इसी वीकेंड आपकी मेड इजी प्रिंट होकर के आ जाएगी उसके अगले दिन से डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी मैं थोड़ा और डिटेल में आपको एक चीज बता दूंगा एक बार लेक्चर के एंड में मुझे याद दिला देना अभी हम क्या करते हैं अभी हम काम धंधे पे लगते हैं भाई बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं सीधा काम धंधे की बात पे आ जाते हैं सीधा मुद्दे पे कूद जाते हैं कि भैया माइक्रोब्स जो है ये बायोलॉजिकल सिस्टम में करते क्या है और माइक्रोब्स क्या बायोलॉजिकल सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है आप खुद बताइए आपने आज तक कितनी किंगडम्स पढ़ी हैं अभी बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा फेवरेट हमारा जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रहा था ये कौन सा रहा था सर आर एच विटेकर साहब द्वारा दिया गया फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1969 में उन्होंने दिया था और दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन्हें पांच किंगडम में डिवाइड कर दिया था मैं आपसे पूछता हूं कौन कौन सी किंगडम थी ये आप कहेंगे सर बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो एकदम ही इजी क्वेश्चन है सर पहली किंगडम का नाम है किंगडम मोनेरा मैं कहूंगा बहुत शानदार दूसरे किंगडम का नाम है किंगडम प्रोटिस्टा लाजवाब तीसरे किंगडम का नाम है किंगडम फंजाय बहुत खतरनाक चौथी किंगडम का नाम है किंगडम प्लांटे वाह भाई वाह और लास्ट किंगडम जिसमें हम रहते हैं जिसमें हम आते हैं इसका नाम है एनिमेलिया क्या इसमें किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं सर कोई डाउट नहीं है बहुत शानदार अब मेरे दोस्त ये जो मोनरा है इसमें किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे थे सर आपने अच्छे से बताया था कि इसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनमें एक सेल होता है और यूनिसेल्युलर होने के साथ साथ ये प्रोकैरियोटिक भी होते हैं यानी इनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता क्या यही बताया था मैंने हाँ सर आपने यही बताया था यानी अगर आप देखें तो क्या मैं कह सकता हूं कि मोनेरा किंगडम के अंदर काफी सारे माइक्रोब्स हैं क्या मैं बात कह सकता हूं भाई सारे के सारे यूनि हैं तो बहुत छोटे हुए ना एक ही सेल है इनके अंदर और वो भी प्रोकैरियोटिक जिसका साइज वैसे बहुत कम होता है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर मोनर माइक्रोब्स होंगे हां सर मैं कह सकता हूं दूसरा देख लेते हैं जब मैं प्रोटिस्टा की बात करता हूं तो क्या मैं प्रोटिस्टा में यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल्स को रख के बैठा था हां सर आप यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल्स को रख के बैठे थे ये भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं? क्या ये भी बहुत छोटे नहीं होंगे साइज में इनके पास भी तो एक ही सेल है सर बात तो सही है क्या इसमें भी खूब सारे माइक्रोब्स होंगे ज्यादातर माइक्रोब्स ही होंगे हां सर आप सही कह रहे हो फंगस में एक एक्सेप्शन था जिसको हम कह रहे थे यूनिसेल्यूलर फंगस जिसका आज खूब जिक्र होगा इसको प्यार से हम कहते हैं ईस्ट और इसका साइंटिफिक नाम था सेकेरोमाइसिस मुझे बताइए फंगस की कौन सी क्लास के अंदर सेकेरोमाइसिस पाया जा रहा था मैंने आपको क्या बताया था भाई यहां पर सैक शब्द आ रहा है तो ये सैक फंगस होगा सैक फंगस किसको कह रहे थे हम एस ए सी को कह रहे थे हम एस ए सी को नहीं कह रहे थे क्या बिल्कुल कह रहे थे तो क्या ये सेकेरोमाइसिस यूनिसेलुलर नहीं होगा क्या ये आपका माइक्रोब नहीं होगा बिल्कुल होगा आ जाओ भैया आगे आ जाओ यहां पर जब मैं प्लांट का जिक्र करता हूं तो क्या मुझे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एल्गी नहीं मिलेंगे क्या मुझे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एल्गा नहीं मिलेंगे सर मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे अगर मैं एनिमेलिया की बात करूं तो एनिमेलिया में क्या मुझे कोई भी ऐसा एनिमल नहीं मिलेगा जिसकी कोई माइक्रोस्कोपिक स्टेज हो इनफैक्ट काफी सारे बड़े बड़े भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें माइक्रोस्कोपिक स्टेजेस पाई जाती हैं जैसे काफी सारे राउंड वॉर्म्स एस्कलमेंस इनके भी काफी सारी स्टेजेस माइक्रोस्कोपिक होती हैं तो यहां पर भी आपको क्या मिलती है माइक्रोस्कोपिक स्टेजेस स्टेजेस इन लाइफ साइकिल इन लाइफ साइकिल ऑफ लॉट ऑफ एनिमल्स मानते हो मानना ही पड़ेगा कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो जिंदा नहीं है चैप्टर में अगर आप बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में अगर आप बात करें तो हम लोग पांचों किंगडम की स्टडी करने के बाद बेसिक बेसिक फीचर पढ़ने के बाद कुछ और पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने निकल पड़े थे क्या नाम था उन पार्टिकल्स का भैया एक ऐसा पार्टिकल जिसने हमें घरों में बंद कर दिया था वायरस उसी का नंगा पुंगा वर्जन वायरॉइड और प्रोटीनेशियस इंफेक्शन कॉज करने वाला प्रायोन ये प्रोटीन होता है तो ये वायरस वायरॉइड प्रायन ये सारे क्या आपके छोटे छोटे नहीं है क्या ये आपके माइक्रोस्कोपिक नहीं है सारे माइक्रोस्कोपिक है अगर आपको अगर आपको सेल वाला चैप्टर याद है तो हमने वहां पर वायरस का साइज क्या पढ़ा था वायरस का साइज आपने पढ़ा था 0.022 माइक्रोमीटर और हमने क्या पढ़ा था दोस्त और हमने यह पढ़ा था कि वायरस का साइज इक्विवेलेंट होता है प्रियन से तो क्या प्रियन का साइज भी लगभग इतना हुआ यस और हमने पढ़ा था वायरोइड का साइज छोटा होता है वायरस से यानी अगर आप इनके साइजेस को कंपेयर करें तो आपका साइज का कंपैरिजन चार्ट कुछ ऐसा होता है वायरस का साइज आपका प्रायन के बराबर होता है और इन दोनों का साइज आपका वायरॉयड से बराबर होता है वायरॉयड से सॉरी बड़ा होता है यानी अल्टीमेटली अगर आप देखें वायरस खुद इतना छोटा है तो प्रायोन भी इतना ही छोटा हुआ और वायरॉइड तो इससे भी छोटा हुआ क्या ये सारे माइक्रोस्कोपिक है बिल्कुल है सर ए चला लेता हूं एक सेकेंड क्या ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक हैं हां सर ये मैंने कई चैप्टर को मिला के डेटा लिया है ये वाली जो लाइन है हमें कहां से पता लग रही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ये वाला डेटा हमें कहां से पता लग रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से तो कई चैप्टर के मिश्रण से ये बात निकल कर के आई कि ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक है यहां हमने देखा कि काफी सारे ऐसे अलग अलग किंगडम में ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइक्रोस्कोपिक है तो क्या हम कह सकते हैं कि आपके माइक्रोब्स का व्यापार बहुत फैला हुआ है बहुत अच्छा खासा फैला हुआ बिजनेस है हर किंगडम के साथ इनका लेना देना है हां भैया सो दे आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम क्या आप कह सकते हो माइक्रोब्स आर मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ये मेजर कंपोनेंट है बायोलॉजिकल सिस्टम के बिल्कुल है अब एक और चीज रिवाइज कराता हूं जब हम लोग पढ़ रहे थे बैक्टीरिया के बारे में और जब हम लोग पढ़ रहे थे फंगस के बारे में तो एक चीज हमने कॉमन पढ़ी थी बताओ क्या है जब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे इन किंगडम मोनेरा और जब हम फंगस के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि बोथ ऑफ देम आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर यानी हर जगह पाए जाते हैं मेरे कमरे में भी फंगस है सर आपका कमरा तो साफ सुथरा है यहां कहां फंगस है एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा ला करके अगर अपने टेबल पे रख दूंगा और दो दिन के लिए उसे छोड़ दूंगा पता लग जाएगा कि मेरे कमरे में कहां फंगस है वो ब्रेड का टुकड़ा सड़ रहा होगा उस पर ब्रेड मोल्ड आकर बैठ रहा होगा ग्रो कर रहा होगा उस ब्रेड के टुकड़े पर फपुंदी लग रही होगी वो कहां थी थी तो मेरे आसपास ही ना लेकिन इतनी ग्रो नहीं हुई थी कि मुझे दिखाई दे जाए बाद में जब ग्रो करी तो मुझे दिखाई देने लगी यानी ये जो माइक्रोब्स हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी है फंगस भी है क्या ये भी कॉस्मोपॉलिटन है हर जगह पाए जा सकते हैं करेक्ट सर हर जगह पाए जा सकते हैं है ना हर जगह पाए जा सकते हैं सॉइल में भी पाए जा सकते हैं एयर में भी पाए जा सकते हैं वाटर में भी पाए जा सकते हैं हर जगह पाए जा सकते हैं सेकेंडली अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो दुनिया की सबसे ज्यादा रेयर जगहों पर पाए जाते हैं ऐसे भी होते हैं भाई क्या आप 100 डिग्री सेल्सियस बॉइल्ड पानी में अपना हाथ डालना पसंद करोगे नहीं सर हाथ जल जाएगा क्या आप बर्फ की सिल्ली के नीचे मस्त बैठना चाहोगे छह सात घंटे नहीं सर ठंडे हो जाएंगे कप कपी चढ़ जाएगी क्या आप एसिड अपने हाथ पैर पर गिराना चाहोगे नहीं सर हाथ पैर जल जाएंगे लेकिन ऐसी कंडीशंस में भी काफी सारे माइक्रोब सरवाइव कर रहे होते हैं और उनको हम कहते हैं क्या खतरों के खिलाड़ी एक्सट्रीमोफाइल्स और एक्सट्रीमोफाइल्स का सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल क्या है भैया सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है आर्की बैक्टीरिया इसे हम खतरों का खिलाड़ी ही कह रहे थे एक्सट्रीमो मतलब एक्सट्रीम यानी हार्श कंडीशन एकदम अलग कंडीशन हार्श कंडीशन दुनियादारी से अलग दुनियादारी से जुदा और फाइल का मतलब होता है लविंग यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि इन हार्श कंडीशन से प्यार मोहब्बत करें इन्हें एक्सट्रीमो फाइल्स कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया करेक्ट सर ऐसा कुछ बताइए जो दुनिया के हर माइक्रोब में कॉमन हो दुनिया के हर माइक्रोब में कॉमन हो क्या है ऐसा कुछ इनका साइज तभी तो इन सबको बोल रहे हैं माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों क्योंकि इन सबका साइज लगभग माइक्रोमीटर की रेंज में है इन सबको देखने के लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसे क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप माइक्रोब्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है यानी इनका साइज काफी छोटा होता है यानी मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइस इनमें से ज्यादातर को आप नंगी पुंगी आंखों से नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी तब आप इन्हें देख पाओगे यानी इनका साइज काफी ज्यादा छोटा है लेकिन मैंने अपनी लैब में काफी बार बैक्टीरिया को देखा है और आपने अपने घर में काफी बार फंगस को देखा है अगर आप एक संतरा को टेबल पे छोड़ दें पांच दिन के लिए तो संतरा सड़नी शुरू हो जाती है उसके ऊपर ऑरेंज रॉट नाम का फंगस लग जाता है अगर आप ब्रेड के टुकड़े को रोटी के टुकड़े को छोड़ दें अपने टेबल पे अपने डाइनिंग टेबल पे फॉर सेवरल डेज तो उसके ऊपर ब्रेड मोल्ड लग जाता है और आपके रोटी को सड़ाने लगता है सर वो हमें कैसे दिखाई दे जाते हैं बिकॉज दे आर इन एक्चुअल मिलियंस ऑफ फंगस एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया तो जाहिर सी बात है आपको आंख से एक बैक्टीरिया दिखाई नहीं देगा लेकिन जब करोड़ों बैक्टीरिया झुंड बनाएंगे तो, तो आपको दिखाई देंगे ना यानी आपको कॉलोनी दिखाई दे सकती है कॉलोनी इज वेरी मच विजिबल तो एक्चुअल में यह कैसे तैयार करी जाती है आराम से सुनिएगा कैसे बैक्टीरियल कॉलोनी बनती है यहां पर आपकी एक प्लेट है इट्स कॉल्ड कल्चर प्लेट है ना भैया ये मेरा कॉपी ही नहीं होता कोई बात नहीं दोबारा बना लेंगे यहां पर इट्स कॉल्ड कल्चर प्लेट यहां पर इट्स कॉल्ड कल्चर प्लेट ये जो कल्चर प्लेट है इसमें खाने पीने का माल भरा हुआ होता है जिसको हम क्या कहते हैं कल्चर प्लेट में खाने पीने का माल भरा हुआ होता है जिसको क्या कहते हैं कल्चर मीडियम इसे क्या कहते हैं कल्चर मीडियम कहते हैं तो ये क्या है कल्चर प्लेट या पेट्री प्लेट या पेट्री डिश भी कह सकते हो तो इट्स पेट्री डिश या कल्चर प्लेट एक कटोरी जैसी होती है ग्लास या प्लास्टिक की ग्लास की है तो बार 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 यूज कर सकते हो अगर प्लास्टिक की है तो आपको यहां पर इसको डिस्कार्ड करना पड़ता है यह आपका कल्चर मीडियम है खाने पीने का सामान इज कल्चर मीडियम खाने पीने का सामान इज कल्चर मीडियम यहां पर आपका क्या है एक बैक्टीरिया है यहां पर हमने एक बैक्टीरिया रख दिया जो कि हमको दिखाई भी नहीं दे रहा तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं इनविजिबल बैक्टीरिया और आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहां पर एक छोटा सा पॉइंट बना दिया है जिससे आपको पता लगे कि हां एक बैक्टीरिया तो है अब मैंने इस बैक्टीरिया को खाने पीने का सामान देकर के आठ से दस घंटे के लिए छोड़ दिया आठ से दस घंटे बाद जब मैं आकर के देखूंगा तो ये एक बैक्टीरिया क्या बन जाएगा आठ से दस घंटे बाद बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे और यहां पर आपको देखने को मिलेंगे एक कॉलोनी में टेन रेज टू दी पावर सेवन टू टेन रेज टू दी पावर एट बैक्टीरिया यानी 10 लाख से एक करोड़ बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियल कॉलोनी बैक्टीरियल कॉलोनी तो एक बैक्टीरिया हमको दिखाई नहीं दे रहा था इट वॉज इनविजिबल लेकिन इतने सारे अगर बैक्टीरिया हैं, एक कॉलोनी बना लेते हैं तो आपको साक्षात अपनी आंखों से दिखाई दे जाते हैं दे आर विजिबल दे आर विजिबल बाय नेकेड आईज आप इनको नंगी पुंगी आंखों से भी देख सकते हो यह होती है आपकी कॉलोनी फॉर्मेशन और बैक्टीरिया के साथ साथ फंगस भी अपनी कॉलोनी बना सकते हैं वो भी आपको बकायदा दिखाई दे सकती है करेक्ट एकदम करेक्ट है सर अब देखिए क्या हुआ अब देखिए क्या हुआ मैं आपको कुछ कॉलोनीज दिखाता हूं यहां देखिए यह आपकी पेट्री प्लेट है इस प्लेट को बस मैं ऊपर से देख रहा हूं एक ऐसी कटोरी रखी है मेरे सामने अगर उसको आप ऊपर से देखोगे तो आपको उसकी सर्कुलर आउटलाइन दिखेगी यह कटोरी है यह आपकी पेट्री प्लेट की आउटलाइन है और इसके अंदर ये जो छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही है ये आपकी बैक्टीरियल कॉलोनी है राइट right? ये क्या है आपकी बैक्टीरियल कॉलोनी है ये आपकी बैक्टीरियल कॉलोनी है कई सारी कॉलोनीज हैं यानी यहां पर अरबों बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाते हैं राइट right? सेकेंडली यहां पर ये यह एक पैट्री प्लेट है इसके अंदर आपको कॉलोनी दिखाई दे रही है फंगस की कॉलोनी है तो इट इज फंगल कॉलोनी इट इज फंगल कॉलोनी तो बैक्टीरिया और फंगस दोनों आपको नॉर्मली नहीं दिखाई देते लेकिन वेन इट कम्स टू लेकिन वेन इट कम्स टू कॉलोनीज तो वो आपको दिखाई दे रही होती हैं और अच्छे कलर से हम लिख देते हैं आर बैक्टीरियल ये आपको अच्छे से दिखाई दे रही होती हैं इसके अलावा अगर आप देखें तो जहां पर आपके बैट शेप या रॉड शेप बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहे हैं इनको जब आप बड़ा करके देखोगे तो आपको रॉड शेप बैक्टीरिया दिखाई देंगे इन रॉड शेप बैक्टीरिया को आप प्यार से क्या बोलते हो बैक्टीरिया के चार शेप थी मटोल कॉकस गोल मटोल, कॉकस रॉड शेप बेसिलस रॉड शेप बेसिलस कोमा शेप विब्रियो और स्पाइरल शेप, स्प्रिंग शेप स्पाइरिलम तो ये जो आपकी रॉड शेप है क्या ये बेसिलस कहलाएगी बिल्कुल कहलाएगी ये जो गोल मटोल है क्या ये कॉकस कहलाएगी बिल्कुल कहलाएगी ये जो बेसिलस और कोकस है इसको हमने लगभग 1500-1500 गुना मैग्नीफाई कर रखा है right? राइट 1500-1500 गुना मैग्नीफाई कर रखा है जितना इनका नॉर्मल साइज था उनसे डेढ़ हजार गुना अगर आप साइज बढ़ा दो तो ये ऐसे दिखाई देंगे और ये तो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं आपको किताब में तो और छोटे हैं एंड अगर आप यहां पर इसको पचास हजार गुना बढ़ा दो साइज में तो आपको इतना बेसिलस दिखाई देगा यानी आपको इनका साइज बहुत बढ़ाने की जरूरत है तब जाके आपको ये ठीक तरीके से दिखाई देते हैं यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है आपका ये आपका रॉड शेप वायरसेस हैं ये आपके रॉड शेप वायरसेस हैं कौन से टोबैको मोजैक वायरस टोबैको मोजैक वायरस क्या प्रॉपर्टीज थी इस टोबैको मोजैक वायरस की क्या पढ़ा हुआ है आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में बिल्कुल पढ़ा हुआ है सर यहां पर आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था एज ए जेनेटिक मटेरियल और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर हेलिकली हेलिक्स के फॉर्म में आपके क्या लगे हुए थे आपके कैप्सोमेयर लगे हुए थे तो ओवरऑल अगर आप देखो तो आपका एक लंबी रॉड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है वही रॉड जैसा स्ट्रक्चर यहां पे दिखाया हुआ है ये आपका क्या है भैया इसको पहचानते हो सर बैक्टीरियोफेज है बैक्टीरियो फेज क्या होता है ऐसा फेज ऐसा वायरस फेज का मतलब होता है वायरस जो किसको नुकसान पहुंचाए जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाए ऐसे वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियो फेज इसमें कैसा डीएनए था मेरे भाई इसमें कैसा डीएनए था डबल स्टैंडर्ड आपका डीएनए था कैसा जेनेटिक मटेरियल था डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहां पर पाया जा रहा था और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज जो आपको डायमंड शेप दिखाई दे रही है ये क्या है ये है क्या आपका adenovirus. इसके बारे में पूरी एनसीआरटी में थ्योरी में कहीं भी जिक्र नहीं दे रखा दिस इज एडीनो वायरस विच कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज तो कभी कोई रेस्पिरेशन चैप्टर से लिंक करके पूछ ले कि एडीनो वायरस क्या कॉज करता है तो आपका आए बैंगन ना हो जाए आपको यह पता होना चाहिए कि ये रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है क्यों कहां लिखा है सर यहां लिखा है मेरे दोस्त। विच रेस्पिरेटरी थ्योरी में इसका कोई जिक्र नहीं है इसका जिक्र सिर्फ और सिर्फ आपके इस डायग्राम के लिगेंड के अंदर है इसको लिगेंड कहा जाता है जो डायग्राम के नीचे इंफॉर्मेशन होती है तो आपका लिगेंड के अंदर ये दो लाइन के अंदर छुपा करके मैंने अलग से इसको हरे कलर से हाईलाइट किया है जिससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगे अगर कोई एडीनो वायरस पूछ ले तो सर नहीं खुजाना है कि सर ये तो हमको पता ही नहीं है ये तो हमको आता ही नहीं है क्या ये आउट ऑफ एनसीआरटी है नहीं भाई एनसीआरटी में ही है थोड़ा सा छुपा हुआ है कोने में लिखा हुआ है लेकिन अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस डायग्राम में क्या क्या दिखा रखा है आपको रॉड शेप बैक्टीरिया दिखा रखा है बेसिलस गोलमटोल दिखा रखा है कॉकस बैक्टीरियो फेज को हम आसानी से पहचान सकते हैं यह है आपका टोबैको टोबैकोमोजैक वायरस जिसकी इलोंगेटेड शेप आपको दिखा रखी है यह है एडीनो वायरस जो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कॉज करता है यह है आपके बैक्टीरिया की कॉलोनी खूब सारी और यह है आपकी फंगस की कॉलोनी यह आपकी कॉलोनी विजिबल होती है विद नेकेड आईज आप इनको देख सकते हो इनमें से किसी भी चीज को आप नेकेड आंखों से नहीं देख सकते इनका साइज बहुत छोटा है इनको आपको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ेगा तब जाके आपको ये दिखाई देंगे यहां तक क्लैरिटी है सब लोगों को यहां तक सारी क्लैरिटी है तारा तारा बोल दीजिए एक बार चैट सेक्शन में यहां तक सारी क्लैरिटी है हमने कुछ नहीं किया है हमने बस ये तीन लाइनें पढ़ी हैं अभी तक पहली लाइन कि दुनिया में बायोलॉजिकल सिस्टम में खूब सारे माइक्रोब्स होते हैं और अलग अलग किंगडम में पाए जाते हैं यानी बहुत डाइवर्सिटी है इनकी किंगडम मोनराबी भी में भी है प्रोटिस्टा में भी है फंगस में भी है प्लांट में भी है एनिमल में भी है यह हर जगह पाए जा सकते हैं तो कॉस्मोपॉलिटन भी है इनफैक्ट यह कुछ बहुत एक्सट्रीम जगहों पर भी पाए जाते हैं तो दे आर एक्सट्रीमोफिलिक एक्सट्रीमोफिलीकोल्सो इनका साइज बहुत छोटा है इसलिए इनको माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा है और इसमें से एक भी बात नई नहीं है मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा है मैंने कुछ भी आपको ऐसा बताया ही नहीं है जो आपको अभी तक ना आता हो सिर्फ अभी तक हमने रिपीटेशन करी है चीजों की अब हम क्या करेंगे अब हम थोड़ा सा अलग अलग टॉपिक्स पे बढ़ेंगे भाई हमने कहा ये तो बहुत काम काजी हैं ये तो कमाऊ बेटे हैं भैया इनसे ज्यादा तो काबिल कोई है ही नहीं ये माइक्रोब्स नहीं होंगे तो तो हम मर ही जाएंगे ऐसा क्या करते हैं ये माइक्रोब्स और हमारी डेली लाइफ में कैसे ये अपना रोल अदा करते हैं आइए उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं सबसे पहला काम जो ये करते हैं ये तूतक तूतक यह दही जमा देते हैं मेरे भाई तो कर्ड जमाने के लिए बेसिक प्रोसीजर क्या है पहले आप मुझे बताओ भाई खाना खजाना नहीं चल रहा है हर चीज के पीछे लॉजिक दूंगा और एनसीआरटी से उसको लिंक करके पढ़ाऊंगा कोई चीज यहां पर फिजूल नहीं जाएगी क्या आपने कभी अपनी मम्मी को दही जमाते हुए देखा है कभी ना कभी जरूर देखा होगा मम्मी क्या करती हैं दही जमाते टाइम एक दूध का पतीला लिया जितने का हमको दही बनाना है वो दूध का पतीला लिया उसमें पहले दही ही डाल दिया एक चम्मच दो चम्मच दही ऐड कर दिया इसे हम क्या कहते हैं जो दही हम ऐड कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं इट्स कॉल्ड इनोक्युलम या इसको कहते हैं स्टार्टर यानी दही जमाने के लिए आपको पहले थोड़ा सा दही ही चाहिए होता है अभी आप दूध को बचे हुए दूध को दही में कन्वर्ट कर पाओगे इस इनोक्यूलम में इस स्टार्टर में या इस थोड़े से दही में पहले से क्या होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जैसे ही दूध में जाएंगे ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे ये अपने नंबर बढ़ाना शुरू करेंगे क्या किसी भी टेम्परेचर पे नंबर बढ़ जाते हैं नहीं सर हमने अभी जस्ट सर्दियां गई हैं और अपनी मम्मी को देखा है कि वो जब दूध को दही में कन्वर्ट करती हैं तो उसके बाजू एक कपड़ा लपेट देती हैं जिस डब्बे में दही जमा रही हैं उसके आजू बाजू एक मोटा कपड़ा लपेट देती हैं और उसको कहीं छुपा कर रख देती हैं किसी अलमारी में रख देती हैं यानी गर्म जगह रख देती हैं क्योंकि ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है इनको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए डिवाइड करने के लिए अगर आप सर्दी में नॉर्मली कहीं पर भी रख दोगे अपना दूध का भगोना उसमें दही नहीं बनेगा इतनी पतली दही बनेगी कि आप उसे खाना ही नहीं चाहोगे अगर आपको गाढ़ा ढंग का क्वालिटी का दही जमाना है तो आपको उसे एकदम रैप करके अच्छा खासा तापमान देना पड़ेगा तब जाके दही जमेगा अगर आप गर्मी में देखो तो आप मस्त रख सकते हो कहीं पर भी सर्दी में उसका बहुत ख्याल होता है भाई छोटे बच्चों की तरह एकदम टोपा पहना के कोने में रखेंगे जिससे कि दही जम सके तो यहां से हमें दो चीजें पता लगी घर की बातों से ही हमें दो चीजें पता लगी कि दही जमाने के लिए इनिशियली दही ही डालना पड़ता है जिसे हम स्टार्टर या इनोकुलम कहते हैं और आपको एक प्रॉपर टेम्परेचर देना पड़ता है जिससे कि ये जो दही के अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया थे ये डिवाइड कर सके मल्टीप्लाई कर सके करेक्ट आराम से सुनिए आराम से देखिए मेरे भाई यहां पर आपको क्या करना है अगर आपको मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड इन मिल्क एज अ स्टार्टर Or inoculum as a starter or inoculum which contains millions of lactic acid bacteria. अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के इनिशियल अल्फाबेट देखिए भैया लैक्टिक का एल एसिड का ए बैक्टीरिया का भी क्या इनको लैब बोलेंगे लैब बोलेंगे अब एक कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स को सर क्या ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है ये एक्चुअल में क्या है एक कैटेगरी है इट्स अ कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया मतलब इसमें काफी बैक्टीरिया आते हैं इट्स अ कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया च कंटेन्स मैनी बैक्टीरियम्स लाइक लेक्टोबैसिलस तो भैया लेक्टोबैसिलस क्या है लेक्टोबेसिलस एक बैक्टीरिया का नाम है और हर वो बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड बना सकता है उसे हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक कैटेगरी हो गई पूरी की पूरी जितने भी बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बना सकते हैं उन सभी को हम लोग लैब बुला सकते हैं लेकिन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में भी कई स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस तो लैक्टोबैसिलस इज नेम ऑफ ए बैक्टीरिया जबकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज अ होल कैटेगरी आपको यह समझ में आना चाहिए अब हम क्या करेंगे भाई हमने दूध में दही डाल दिया उसको प्रॉपर टेम्परेचर दे दिया डिवीजन के लिए अब सर मुझे बाकी बातें तो याद करनी पड़ेंगी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा भाई मैं आपको यह कह रहा हूं कि इन बैक्टीरिया का नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो ये क्या करते होंगे जिसका नाम ही है एसिड बैक्टीरिया वो एसिड नहीं बनाता होगा क्या बिल्कुल बनाता होगा तो मिल्क के जो प्रोटीन है मिल्क के जो प्रोटीन है अब मैंने मिल्क के अंदर दही डाल दिया था थोड़ा सा मिल्क के जो प्रोटीन है इसको मैं क्या करता हूं डाइजेस्ट करता हूं इसको मैं क्या करता हूं डाइजेस्ट करता हूं पार्शियली डाइजेस्ट करता हूं और ये जो मिल्क के प्रोटीन है इनको क्या करता हूं कोएगुलेट करता हूं मतलब इकट्ठा करता हूं तब जाके क्या बन जाएगा आपका कर्ड बन जाएगा तब जाके कर्ट बन जाएगा अब मुझे यह बताओ कि दूध और दही में से गाढ़ा कौन दही दूध आपका लिक्विड होता है दही आपका काफी गाढ़ा होता है वो गाढ़ा क्यों है क्योंकि आपने कोएगुलेट कर दिया है मिल्क प्रोटीन्स को यानी मिल्क प्रोटीन जो आपके दूर 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 दूर, दूर प्रेजेंट थे बहुत मजे से अब आपने इनको पास पास ला करके कोएगुलेट कर दिया है तो आपके ये लिक्विड की जगह थोड़ा सा गाढ़ा अपना बिहेवियर शो कर रहे होंगे इसकी जगह ये ये बन रहे होंगे करेक्ट है एकदम करेक्ट है सर दूसरा आपको हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि दिन में आप दही खाइए क्यों क्योंकि दही आप खाओगे तो उसको पचाने में कम वक्त लगेगा आपको एसिडिटी कम होगी क्यों सर क्योंकि देखिए जब आपने दूध को दही में कन्वर्ट करना चाहा तो दूध में जो प्रोटीन थे इसका पार्शियल डाइजेशन तो पहले ही हो गया था दही बनने से पहले ही हो गया था तो जाहिर सी बात है कि आप जब दही खाओगे तो इट विल बी मोर इजियर टू डाइजेस्ट ना भाई इट विल बी ईजियर टू डाइजेस्ट एज इट इज ऑलरेडी पार्शली डाइजेस्टिड एज इट इज ऑलरेडी पार्शली डाइजेस्टिड तो इसको डाइजेस्ट करना तो कंपेरेटिवली आसान हो जाएगा राइट right? एंड अब हम दूध को दही में कन्वर्ट क्यों करते हैं भाई और भी कोई वजह तो होनी चाहिए सिर्फ अच्छा है डाइजेशन में इसीलिए तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करते एक्चुअल में दूध की न्यूट्रिशनल क्वांटिटी को भी बढ़ा देता है क्वालिटी को भी बढ़ा देता है विटामिन बी वन टू का लेवल बढ़ा देता है विटामिन बी वन टू को क्या कहा जाता है प्यार से साइनोकोबालमिन तो आपको विटामिन बी बढ़िया मिलता है साइनोकोबालमिन की वैल्यू ये बढ़ा देता है एंड सेकेंडली इट चेक्स डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आपके पेट को भी ये क्या करता है स्वस्थ रखता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को कम ग्रो होने देता है तो आपके लिए तो भैया बल्ले बल्ले हो गई सारे ही काम बढ़िया है आपको बीमारी से भी बचा रहा है आपको एडिशनल विटामिन भी दे रहा है डाइजेस्ट भी जल्दी हो जा रहा है तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्वांटिटी भी अच्छी है और हर तरीके से बेस्ट है इसीलिए हम दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं खाने के लिए और ये करता कौन है काम आपका बैक्टीरिया करता है नाम ही है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो ये काम कौन करता है बैक्टीरिया करता है बैक्टीरिया फंगस में कभी कंफ्यूज नहीं होना है सिमिलरली लेक्टोबेल लेक्टो मतलब लैक्टिक एसिड बनाने वाला बेसिलस मतलब आपका रॉड शेप ये किसकी शेप थी रॉड शेप कोकस बेसिलस ये किसकी शेप थी सर बैक्टीरिया की शेप थी तो ऑब्वियसली ये भी आपका इशारा कर रहा है लेक्टोबेसिलस नाम की ये बैक्टीरिया है और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो नाम से ही बता रहा है कि भैया मैं बैक्टीरिया हूं अब भी कंफ्यूज हो गए तो हो ही गए करेक्ट नाम से सारी चीजें आप निकाल सकते हो कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आएगी दूध से दही बना दिया इतनी बात सबको समझ में आई दूध से दही जमाना आ गया सर इजीली डाइजेस्टेबल है तो रात को खानी चाहिए ना मेरे दोस्त बफर टाइम कब रहता है आपके पास ज्यादा रात को या दिन में आप स्कूल जा रहे हो दूध पी करके तो आपको और भी तो काम करने हैं आपकी बॉडी तो मेनली एनर्जी डाइजेशन में ही दे रही होगी तो आपके बाकी काम कहीं ना कहीं एक दो परसेंट तो हेम्पर होंगे ना रात को तो दूध पी करके मस्त सो जाओ आपके पास पूरा का पूरा बफर टाइम है आप सुबह तक दूध को डाइजेस्ट कर लोगे है ना बाकी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो दिन में दूध को पीना कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं तो ऐसा कोई चीज हंड्रेड सही है हंड्रेड गलत नहीं होती वेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन कोई भी चीज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड नहीं होती कोई भी चीज कंप्लीटली रिकमेंडेड नहीं होती यह टोटली आपके मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को कैसे खाना प्रेफर करते हो और आपकी बॉडी धीरे धीरे उस चीज के लिए ससेप्टेबल भी हो जाती है तो मैं ये नहीं कह रहा कि दिन में दूध पीना ही नहीं चाहिए या रात को दही खाना ही नहीं चाहिए ये टोटली आपकी बॉडी को आप कैसे ढालना चाहते हो उस पर भी डिपेंड करता है लेकिन हाँ अगर आप दिन में दही खाओगे तो आप बाकी कामों में थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगा पा रहे हो डाइजेशन आपकी इजीली हो जाएगी दही की और रात को आपके पास पूरा पूरा टाइम होता है टू डाइजेस्ट मील अगर आप दूध पीकर के सो रहे हैं तो सुबह तक मस्त आप फ्रेश उठेंगे तब तक वो डाइजेस्ट हो जाएगा राइट right? बढ़िया तो हमने दूध से दही बना दिया और किसकी कृपा से बना दिया हमने बैक्टीरिया की कृपा से बना दिया विच इज माइक्रोब तो पहला काम तो हमने यही देखा कि भैया दूध से दही बनाना माइक्रोब का काम है अगला काम क्या है भैया डो मेकिंग डो क्या होता है कभी किसी ने अपनी मम्मी को आटा गूंदते हुए देखा है वो जो गूंदा हुआ आटा है पहले आटा सूखा सूखा रहता है फिर उसमें पानी मिलाती है मम्मी और उसके बाद उस आटे को गूंद देती है वो जो गूंदा हुआ आटा है दैट इज कॉल्ड एज डो और इंडस्ट्रियल लेवल पे काफी ज्यादा डो तैयार किया जाता है ऑन अ डेली बेसिस अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां पर इडली बनता है डोसा बनता है तो अल्टीमेटली वहां पर राइस डो आपका तैयार किया जा रहा होता है अगर कोई ऐसी आपकी छोटी सी मशीनरी है जहां ब्रेड बन रही होती है तो वहां भी आपका वीट का मैदा का डो तैयार किया जा रहा होता है तो ये जो डो है इसके बनने में भी बैक्टीरिया और फंगस का हाथ होता है तो अगर आप देखेंगे तो डो बनता है फॉर इडली एंड डोसा फॉर इडली एंड डोसा ये कौन बना रहा होता है यूजुअली बैक्टीरिया बना रहा होता है और आपका फॉर ब्रेड जो डो तैयार हो रहा होता है ये कौन तैयार कर रहा होता है ब्रेड बनाने के लिए बेकरी में एक ईस्ट लगता है उसको क्या कहते हैं हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं सर ये आपका शराब बनाने में भी काम आता है जब यह बेकरी में काम करता है तो इसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं और जब यह दारू की भट्टी पे काम करता है तो इसको ब्रिवर्स ईस्ट कहते हैं है, है आदमी सेम ही गंगाधर ही शक्तिमान है यही से अगर बेकरी पे बैठा है तो संत आदमी बन के बैठा है भैया हम तो रोटी बनाते हैं गरीबों का पेट भरते हैं और रात को भैया धूम मचाने के लिए अल्कोहल भी यही बनाता है तो फॉर ब्रेड मेकिंग बेकर्स ईस्ट आपका लगता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं सेकेरोमाइसिस कहते हैं सेकेरोमाइसिस सरवाइसी कहते हैं सेकेरोमाइसिस सरवाइसी कहते हैं जो कि आपका बेकर्स ईस्ट है करेक्ट है भाई एकदम करेक्ट है सर अगर आप देखें तो ये जो ब्रेड है इसका जो डो बनता है ना इसकी अपियरेंस थोड़ी फूली फूली होती है इट हैज पफ्ड अप अपियरेंस इट हैज पफ्ड अप अपियरेंस इट हैज पफ्ड अप अपियरेंस तो ये पफ्ड अप डियरेंस ये फूली फूली अपियरेंस किसके कारण होती है ये पफ्ड अप अपियरेंस होती है किसके कारण ड्यू टू सीओ टू सीओ टू रिलीज हो रही होती है तब जाकर के ये पफ्ड अप डियरेंस आपको दिखाई देती है सर ये सीओ टू क्यों रिलीज हो रही होती है रेस्पिरेशन पढ़े हो भैया मुझसे सर देर आर वेरी गुड चांसेस की पड़ी है है ना नहीं भी पढ़ी होगी तो समझ में आ जाएगा देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन एक में आप क्या कर रहे होते हैं तीन कार्बन के पायरुएट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तीन कार्बन के लैक्टिक एसिड में तीन कार्बन के पायरुएट को आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं तीन कार्बन के लैक्टेट में क्या कोई सीओ टू निकलेगी भाई तीन कार्बन का ही पायरुएट तीन कार्बन का ही लैक्टेट कोई सीओ टू नहीं निकलेगी लेकिन अगर आप इस तीन कार्बन के पायरुवेट को कन्वर्ट करते हैं दारू में या अल्कोहल में तो आपका अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है इथेनॉल का सी टू एच फाइव ओ एच तो दो कार्बन का अल्कोहल तो यहां बना और एक सीओ टू आपका यहां पर रिलीज हो जाएगा तो क्या यहां पर आपकी क्या यहां पर आपकी सीओ टू निकली निकली भैया अगर आप तीन कार्बन की चीज से तीन कार्बन की ही चीज बना रहे हो तो इक्वेशन बैलेंस हो गई लेकिन यहां पर थे आपके तीन कार्बन वहां पर है दो कार्बन का अल्कोहल तो एक सीओ टू रिलीज हुआ होगा तो आप क्या कह सकते हैं आप यह कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कोई सीओ टू नहीं निकलता जबकि आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अगर देखें तो उसमें आपका क्या निकलता है सीओ टू निकलता है तो कोई आपसे पूछ ले कि यहां किस प्रकार की फर्मेंटेशन हुई होगी तो आप क्या कह सकते हैं यहां अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुई होगी क्या मैं कह सकता हूं आंख मूंद कर भी कि यहां पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुई होगी बिल्कुल हुई होगी सर क्योंकि अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुई होती यहां पर कोई सीओ टू बनता ही नहीं देर इज नो सीओ टू रिलीज क्योंकि यहां पर सीओ टू रिलीज होने की जगह ही नहीं है तीन कार्बन के से तीन कार्बन बना दिया। कहां है थ्रीव टू यहां एक और कार्बन आना चाहिए तो वो सीओ टू का कार्बन है तो थ्री इक्वल टू टू प्लस वन दैट इज थ्री अब जाके इक्वेशन बैलेंस हुई है यहां एक सीओ टू निकालना पड़ेगा तो आपको पता लग जाता है कि भैया जब डो बन रहा होता है तो उसकी अप डरेंस फूली फूली अपियरेंस क्यों होती है सीओ टू के बनने की वजह से जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के कारण बन रही होती है करेक्ट है एकदम करेक्ट है सर फर्स्ट टाइम कर्ड कैसे बना ऋषिकेश मेरे भाई जरूरी नहीं है ना कि आप दूध में दही ही डालो मेन काम किसका है दही का नहीं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का या लैक्टिक एसिड का तो आप दूध में लैक्टिक एसिड डाल दो पहली बार दही बन जाएगा थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचा करो ना यार आपको किसी ने एक प्रोसेस बता दिया ए से बी ऐसे ही जाना है तो आप अलग तरीके से भी तो जा सकते हो ना तो किताब में लिखा हुआ है कि दूध से दही बनाने के लिए आपको इनिशियली दही चाहिए पर जो आप कह रहे हो वो सही भी है पहली बार थोड़ी आपके पास दही होगा तो सिर्फ अगर आप मिल्क के प्रोटीन्स को पार्शली डाइजेस्ट कर लेते हो तो भी तो आप दही बना पाओगे ना तो पहली बार दही बन गया है ना और भी चीजें डाल सकते हो भाई आप दूध को दही बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप दही ही ऐड करो अब भैया एक फिल्म के सीन का रेफरेंस लेंगे हम लोग टॉडी समझने के लिए टॉडी साउथ इंडियन की साउथ इंडियंस की एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है राइट जैसे पंजाब में लस्सी पी जाती है उसी हिसाब से साउथ इंडिया में ताड़ी पी जाती है यह जो ताड़ी है यह आपने देखी होगी रोबोट पिक्चर में फॉर श्योर जब रजनीकांत साहब चिट्टी रोबो को डिसमेंटल कर देते हैं और कूड़े में फेंक करके आ जाते हैं तो बहुत उदास होते हैं क्योंकि कई साल काम किया होता है उस प्रोजेक्ट के ऊपर तो ऐश्वर्या राय मैम उनको घुमाने के लिए बाहर ले जाती है और उस टाइम पर उनको एक आदमी मिलता है वहां पर तो ऐश्वर्या राय मैम बोलती है रजनीकांत भाई को कि अगर तुम मुझसे ढंग से बात नहीं करोगे तो मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो वो आदमी भैया मछली और ताड़ी लेकर के घूम रहा होता है एक मटके में एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है जो ऐश्वर्या राय मैम को ऑफर करता है कि लो भैया ताड़ी पी लो That ताड़ी इज बेसिकली टॉडी तो ये फर्मेंटेशन ऑफ पाम सैप से बनती है इट इज ट्रेडिशनल ड्रिंक इट इज ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया और ये बनती कैसे है इट इज मेड बाय फर्मेंटेशन इट इज मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ पाम पाम सैप के फर्मेंटेशन से आपकी क्या बनती है ताड़ी बन जाती है या टॉडी बन जाती है और इसके अलावा भी दुनिया में और चीजें हैं जो आपने शायद ना सुनी हो उनके भी फर्मेंटेशन से खाने पीने की चीजें बनती हैं जैसे फर्मेंटेशन आप और भी चीजों की कर सकते हो फर्मेंटेशन ऑफ फिशेज Soya bean, bamboo, etc., can also make various foods that is. आपका तोफू बनता है आपका सूफू बनता है आपका तेम्पे बनता है क्या है सर ये? अपने काम की चीज नहीं है भैया जापानी डिशेज है है ना तोफू सूफू फलाना वलाना अपन भैया नॉर्मल लिट्टी चोखा वाले आदमी है <laughs> तो अपने बस का है नहीं है तोफू सूफू सामने भी रख दोगे तो नहीं खा पाओगे भाई है ना हा? तो यहां पर बस ये है कि और भी चीजें हैं जिनको फर्मेंट करके खाने के अलग अलग सामान तैयार किए जा सकते हैं जरूरी नहीं है कि जो किताब में लिखा है वो खाके ही देखना है ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा हुआ है है भाई बंबू थोड़ी थोड़ी खाने बैठ जाओगे यहां पर पांडा थोड़ी हो है ना और बंबू के लिए भी एक मिसकनसेप्शन है कि ये तो बड़ा ही स्ट्रांग होता होगा है ना जब बंबू यंग होता है ना उस टाइम पर इसकी जो शूट होती है आर ग्रीन एंड वेरी सॉफ्ट है ना तो इनको फर्मेंट करके अलग अलग चीजें बनाई जा सकती है तो आप चाहो तो इनमें से कुछ ऑर्डर कर सकते हो भैया यहां पे मिलता है कि नहीं मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी ऐसी यू नो चमत्कारी चीज ऑर्डर करने के बारे में सोचा नहीं है आपका मन हो तो आप कर सकते हो भाई मेरे को यह भी नहीं पता है इनफैक्ट भैया कि इसमें कुछ और मिलता है कि नहीं ऊपर से तो लग रहा है ये बंबू और सोयाबीन वाला तो वेज है या फिशेस वाला नॉन वेज है अब इनमें से कौन सा तोफू सूफू क्या वेज है क्या नॉन वेज अपने को ये नहीं पता है इसीलिए हम लोग रिस्क नहीं लेते बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का क्या पता क्या मंगाया क्या निकल जाए है ना तोफू की जगह सूफू निकल गया तो मेरे तो भाई जीवन ही खराब हो जाएगा इतने से यू you नो know, तोफू सूफू के चक्कर में इसीलिए हम लोग इससे दूर रहते हैं अगली जो चीज है ये है दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम और ये मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा इतना तो बनता है दोस्त तुम अपने भाई हो इतना तो बनता है कि मैं आपको अपने हाथों से कोई चीज खिलाऊं और मैं आपको चिज्जी अगर खिलाऊंगा तो चीज ही खिलाऊंगा क्योंकि यहां मेरा नाम भी आएगा शर्मा है ना तो यहां आपका एक बैक्टीरिया होता है कॉल्ड प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी जिससे आपका स्विस चीज बनता है तो आपको ऐसे ही याद करना है कि टीचर साहब ने आपको क्या खिलाया था चीज खिलाया था तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम मेड बाय माइक्रोब्स इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स मेड बाय माइक्रोब्स और यहां पर अलग अलग जो चीज होते हैं ना इनका टेक्सचर, इनका फ्लेवर इनकी स्मेल ये अलग अलग होती है आपने टॉमेंट जेरी में एक चीज के टुकड़े के पीछे मारकाट मचती हुई देखी होगी जिसमें बड़े बड़े छेद होते हैं आप आराम से देखेगा और पहचानने की कोशिश करेगा कि आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं नहीं देखिए, ऐसा सा आपका एक चीज का टुकड़ा है करेक्ट और यहां थोड़ा डार्क कलर से हम बना देते हैं कि इसमें ना कुछ छेद हुए रहते हैं इस प्रकार से ना कुछ छेद हुए रहते हैं अलग से ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा बीच में से चीज कटा हुआ है इस प्रकार के आपके छेद हुए होते हैं करेक्ट ये आपका क्या है मेरे भाई ये आपका क्या है ये आपका क्या है मेरे दोस्त ये आपका स्विस चीज है ये आपका स्विस चीज है जिसके पीछे टॉम और जेरी मारकाट मचा के रखते थे दिस इज स्विस चीज दिस इज स्विस चीज एंड ये स्विस चीज जो है इसमें क्या होते हैं इट हैज लार्ज होल्स इसमें बड़े बड़े छेद होते हैं और ये बड़े बड़े छेद उसी केमिकल की वजह से होते हैं जिसकी वजह से डो की अपियरेंस फूली फूली होती है पफ डप होती है यानी लार्ज होल किसकी वजह से होते हैं ड्यू टू सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ये आपके लार्ज होल्स होते हैं और ये स्विस चीज हमें मिलता किससे है मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा है ना भाई आज आपको चीज खिलाएंगे तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी याद रखना है कि शर्मा जी ने क्या खिलाया था चीज खिलाया था तो चीज किससे बनेगा प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्रोपियोनी बैक्टीरियम से नाम में ही बैक्टीरियम आ रहा है मतलब बैक्टीरिया बनाता है इस चीज को बात खत्म याद रखने की ही जरूरत नहीं है ठीक है अब देखिए मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो चीज है उनका टेक्सचर यानी कैसे हैं वो छूने में कैसे हैं वो दिखने में जैसे यहां बड़े बड़े छेद हैं उनका फ्लेवर कि खाने में कैसे हैं डिस्टिंक्टिव फ्लेवर होना चाहिए और उनकी स्मेल सूंघने में कैसे हैं बहुत डिफरेंट होते हैं तो अगर प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्माने कोई चीज बनाएगा तो वो स्विस्ट चीज बनाएगा सिमिलरली आपके और भी चीज होते हैं जैसे कि आपका रॉक्यूफोट चीज रॉक्यूफोर्ट चीज रॉक्यूफोर्ट चीज कौन बनाएगा भैया रॉक्यूफोर्ट चिज्जी कौन बनाएगा रॉक्यूफोर्ट चिज्जी बनाएगा पेनीसिलियम रॉक्यूफोर्ट चीज है ना तो नाम क्या क्या जाएगा रॉक्यूफॉर्टी रॉक्यूफोर्ट है तो रॉक्यूफोटी पेनिसिलियम क्या है भैया फंगस है है ना किंगडम फंजाई में पढ़ा था ना एस्पर जिलस पेनीसिलियम क्या है फंगस है तो पंजाय है ये बैक्टीरिया नहीं है प्रोपियोनी बैक्टीरियम की तरह फंगस है और चीज देख लो रॉक्यूफॉर्ट चीज की तरह आपका और भी चीज हो सकते हैं जैसे चीज तो कॉमेंबर्ट चिज्जी कौन बनाएगा भैया ये भी सेम ही बनाएगा पेनिसिलियम रॉक्यूफोट चीज बना रहा था तो नाम के आगे रॉक्यूफोटर्ट चीज बनाएगा तो नाम के आगे कॉमेम्बर्टी याद करने की ही जरूरत नहीं पड़ी पेनीसिलियम कॉमेम्बर्टी यह भी क्या हो जाएगा आपका यह भी आपका फंगस हो जाएगा यह भी आपका फंगस हो जाएगा यानी बैक्टीरिया और फंगस दोनों के दोनों चीज बना सकते हैं अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको आइडिया होना चाहिए इसमें जरा सा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, है ना तो चीज जो है इसके अलग अलग फ्लेवर टेक्सचर और स्मेल हो सकते हैं डिफरेंट चीज हैव डिफरेंट फ्लेवर टेक्सचर एंड स्मेल फॉर एग्जाम्पल ये सारे चीज जो हमने यहां पर पढ़े स्विस चीज रॉकीफर्ट चीज और कॉम्बर्ट चीज अभी तक जितनी चीजें हमने यहां पर डिस्कस करी हैं क्या सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं बाकायदा कुछ नाम डिस्कस किए हैं और कुछ कंसेप्चुअल अभी तक डिस्कस किया ही नहीं है दही कौन जमाएगा भाई दूध में लैक्टिक एसिड ऐड करना है तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लेक्टोबेल दही जमाएगा उसके बाद हमने पढ़ा डो के बारे में डो कब बनेगा तो कि उससे CO2 निकलती है अप अपियरेंस होती है डो की तो ये कौन बनाएगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बन रहा होगा यूजली आपका ये ईस्ट बनाएगा यानी फंगस बनाएगा बैक्टीरिया भी बना सकते हैं जैसे इडली डोसा के लिए बना हुआ आपका डो उसके अलावा टॉडी आपका फर्मेंटेशन ऑफ पाम सेप से बनेगा और चीज

तीन टॉपिक हैं इनमें से एक सवाल यानी चार नंबर का काम जरूर आएगा जिसमें से दही के बारे में आप पढ़ चुके हो बाकी चीजों के बारे में आपको मैं और पढ़ा देता हूं करेक्ट है भाई करेक्ट है अब देखिए अब ये तो हो गई घरेलू बातें भाई आटा गूंद लिया दही जमा लिया ये तो घर की बातें हो रही है ना यार थोड़ा सा चीज बना लिया घर पे ही बट वेन इट कम्स टू मेकिंग मेडिसिन किंग अल्कोहल तो जो बहुत सारे लोगों के यूज के लिए कोई चीज बना रही है तो उसकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने के लिए यू नीड टू मेक दिन लार्ज वेसल्स कभी भी आप देखिएगा जब आप ज्यादा क्वांटिटी में किसी सामान को तैयार करते हैं तो उसकी कॉस्ट कम आती है कभी तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनकी खुद की फैक्ट्रीज होती है खुद की इन्वेंटरीज होती है क्योंकि आप अगर देखें तो रॉ मटीरियल लेना भी बहुत क्वांटिटी में सस्ता पड़ता है है ना और लेबर कॉस्ट भी काफी बचती है अगर आप छोटे छोटे हजार पतीलों में एक एक के जी के हजार पतीले हैं उनमें अगर आप अल्कोहल बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा हर पतीले को ऑपरेट करने के लिए एक आदमी चाहिए लेकिन अगर आप हजार लीटर की एक टंकी लगा देते हैं तो उसमें तो हजार लीटर अल्कोहल एक बार में ही बन जाएगी ऐसी टंकियों को हम क्या कहते हैं फर्मेंटर्स ऐसी टंकियां जिनमें एक बार में ही लार्ज स्केल फर्मेंटेशन हो सके इन टंकियों को हम फर्मेंटर्स कहते हैं और इनकी जो वॉल्यूम है ये 100 लीटर से हजार लीटर तक हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन आप क्या बना रहे हो कई चीजों में आपको प्रिसीजन की जरूरत पड़ती है तो वहां आप छोटी टंकियां लगाते हो जैसे मेडिसिन अगर कोई बना रहे हो आप इंसुलिन बना रहे हो तो आप छोटी टंकी में भी बनाना प्रेफर कर सकते हो लेकिन अगर आप कोई चीज लार्ज स्केल पे बना रहे हो तो आप बड़ी बड़ी टंकियों में भी उनको तैयार कर सकते हो जैसे अल्कोहल वगैरह करेक्ट तो यहां पर जब भी आप किसी चीज को इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाओगे तो आप टंकियों का इस्तेमाल करोगे जिन्हें फर्मेंटर्स कहा जाएगा सम प्रोडक्ट्स वेनेवर Some products are made in large quantities, in large quantities, they need to be made in heavy vessels. कॉल्ड फर्मेंटर्स ऐसे बड़े बड़े वेसल्स जिनमें फर्मेंटेशन हो सके इनको हम फर्मेंटर्स कहते हैं जिनकी वॉल्यूम कितनी होती है जिनकी वॉल्यूम होती है सौ से हजार लीटर के आसपास सौ से हजार लीटर के आसपास जिससे आप कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सको कोई भी चीज अगर आप बना रहे हो तो उसकी कॉस्ट कम आ जाए और आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाओ कैसे दिखते हैं फर्मेंटर्स कुछ ऐसे दिखते हैं भाई फर्मेंटर्स कैसे दिखते हैं कुछ ऐसे दिखते हैं दीज आर योर फर्मेंटर्स एंड दिस इज योर फर्मेंटेशन प्लांट तो यहां पे हमारे एक भैया खड़े हैं तो ये जो भाई साहब हैं इनकी हाइट आप देख लो ये आदमी है।, है ना और यहां आप फर्मेंटर का साइज देख लो ये हमारा फर्मेंटर है आप समझ पा रहे होंगे कि आदमी और फर्मेंटर की हाइट में कितना फर्क है राइट right? तो इतनी बड़ी बड़ी आपकी टंकियां होती हैं ये तो आपका तब भी छोटा फर्मेंटर है लेकिन आदमी के कंपैरिजन में हाइट देख करके आप समझ सकते हो कि आपकी छतों पे जो टंकी रखी रहती है ना भाई सिंटेक्स की पानी की जो टंकी रखी रहती है प्लास्टिक की लगभग आप आइडियली मान सकते हो उस साइज का आपका एक फर्मेंटर होता है सर फिर तो उसमें ज्यादा फर्मेंटेशन होनी चाहिए हजार लीटर तो थोड़ी कम क्वांटिटी नहीं हो गई आपकी बात सही है क्योंकि हमारे घर के ऊपर जो टंकियां रखी रहती हैं वो भी पांच हजार और दो हजार लीटर वो टंकियां पूरी की पूरी खाली होती हैं सिर्फ एक पाइप का कनेक्शन होता है ये जो फर्मेंटर्स हैं इनके अंदर भी जुगाड़ लगा होता है कि इस ब्रॉथ को जिसको आप फर्मेंट करना चाह रहे हो उसको घुमाना है उसमें एयर पाइप लगा हुआ है जिससे आप एयर पंप करोगे तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कनेक्टेड टू दैट फर्मेंटर तो अंदर की वॉल्यूम थोड़ी सी कम हो जाती है तो डिस्पाइट है कभी रेस्टोरेंट गए हो भाई जब रेस्टोरेंट आप जाते हो ना और आपने गलती से अगर दाल मखनी ऑर्डर कर दी तो दाल मखनी दी जाएगी एक बाल्टी में रेस्टोरेंट्स ने बहुत नया सिस्टम बनाया है एक बाल्टी में दाल मखनी आएगी आप सोचोगे अरे यार इसमें तो पूरा घर ही खा लेगा भैया खेल ही खत्म हो गया है ना नान ही नान मंगाएंगे अब दाल का तो काम खत्म जब उस दाल में चम्मच डालते हो ना तो भाई जितनी वो दिखती है बाल्टी बड़ी उससे आधी उसकी एक्चुअल वॉल्यूम होती है <laughs> यानी ये है वो कटोरी ही। उसकी सिर्फ शेप बाल्टी जैसी है सेम चीज यहां पर है मेरे भाई ये दिखने में टंकी जितनी बड़ी है लेकिन इसके अंदर इतना जुगाड़ लगा हुआ है कि आधी वॉल्यूम तो इसने खुद ही ऑक्यूपाई कर रखी है अपनी ही मशीनरी से तो एक्चुअल वॉल्यूम जो है फर्मेंटेशन के लिए वो बहुत कम बचती है इसीलिए डिस्पाइट ऑफ बींग सच ह्यूज इन साइज इसके अंदर का तब भी प्रोसेस्ड वॉल्यूम जो है वो काफी कम होता है है ना सब लोग भाई शिकार हुए हो ना इस दाल वाली बाल्टी का मैं तो बात कई बार हुआ हूं <laughs> तो खाने जाते थे भाई टक करके चम्मच अंदर डाल के देखी तो चम्मच का जो आगे वाला भाग रहता है उससे भी कई बार छोटी आपको दाल की बाल्टी मिलती है मैं कहें <laughs> ये बाल्टी है क्या भाई <laughs> चलो अब जो भी है ठीक ही है तो इतने बड़े बड़े वेसल्स में आपको इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाने होते हैं काफी सारे प्रोडक्ट्स और इनमें से सबसे महान प्रोडक्ट जो है वो है आपका अल्कोहल जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है अगर आप रात को जाकर के देखेंगे ठेका शराब देशी व ठंडी बियर के बाहर भीड़ तो आपको पता लगेगा कि अल्कोहल कितनी ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करी जाती है नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा बड़ा व्यापार है बेवरेजेस का एंड खासकर अल्कोहलिक बेवरेजेस का बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और कई जगह पर आपको जो बेरेन लैंड्स होते हैं वहां पर इनकी मशीन्स लगी हुई देखने को मिलती हैं यानी जहां पर बहुत सस्ती जमीन मिलती है ना जहां पर कोई अभी रह नहीं रहा है वहां पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े खेत खरीद के और उनमें फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी जाती है जिससे कि आपकी लैंड कॉस्ट भी बचे और वहां पर लोग काम करते हैं और दिन रात शराब बनाते हैं अगर आप बेवरेज को देखोगे तो इसमें सबसे ज्यादा जो धंधा है दैट इज अल्कोहलिक बेवरेजेस का अल्कोहलिक बेवरेजेस का और अल्कोहल का अगर आप देखें तो ये अल्कोहलिक बेवरेजेस या अल्कोहल बनते कैसे हैं अलग अलग तरीके से बनते हैं अलग अलग चीजों से बनते हैं या तो ये फ्रूट्स से भी बन सकते हैं जैसे हम लोग क्या करते थे पहले ना क्रिकेट खेलने जाते थे तो जहां हम क्रिकेट खेलने जाते थे ना उसके पीछे एक फैक्ट्री थी तो वहां बोतलें पड़ी रहती थी अलग अलग कोई प्लास्टिक की बोतल पड़ी रहती थी तो उस पर लिखा रहता था संतरी तो कई दिन तो हम लोग ऐसे यू नो आउट ऑफ फैसिनेशन ये सोचते थे कि भाई संतरी क्या है तो इसका मतलब वो संतरा की बनाई हुई शराब है कहीं लिखा रहता था अंगूरी तो वो क्या रहती थी कच्ची शराब होती थी जिससे आदमी अंधे भी हो जाते हैं आई होप आपको पता ही होगा पीछ, उसके पीछे का लेकिन होती है की अगर आप तब की तब पक्की शराब पी लोगे, पी लोगे तो आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी नॉर्मलाइज हो जाएंगी अगर बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है तो राइट right? तो कच्ची शराब जो होती है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो आपके जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनको फर्मेंट करके अंगूर है तो अंगूरी संतरा है तो संतरी है ना जो की भी बनती है आपकी जो की मतलब जो की, की बात नहीं कर रहा मैं जौ है ना जौ की बनती है है ना? है ना शब्दों का संधि विच्छेद करना भैया यहां पर फिर आपका वीट की भी बन सकती है, है ना तो सीरियल्स की भी बनती है यानी ये जो खाने पीने के अनाज होते हैं इनसे भी बनती है इनको भी आप यूज कर सकते हो फॉर मेकिंग बेवरेजेस तो इन्हें माल्टेड सीरियल्स कहा जाता है कि सीरियल्स को आप माल्ट उनसे माल्ट निकाल रहे हो माल्ट शुगर निकाल रहे हो माल्टोज निकाल रहे हो जो हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ा था कि जिबल के दो काम क्या थे बोल्टिंग माल्टिंग बोल्टिंग माल्टिंग है ना तो माल्टोज बना रही थी तो यहां पर माल्टिंग बन सकती है आपके या माल्ट शुगर बन सकती है आपके सीरियल से या फ्रूट जूसेस से भी तो दोनों चीजें हो सकती हैं राइट तो इट कैन बी मेड बाय फर्मेंटिंग फर्मेंटिंग सीरियल्स और या तो सीरियल्स या फ्रूट्स है ना या तो फलों से बना लो या सीरियल से अनाज से बना लो इनसे अलग अलग प्रकार की शराबें बनती हैं इस शराब की कंसंट्रेशन किस चीज पर डिपेंड करती है इसकी शराब की कंसंट्रेशन किस चीज पर डिपेंड करती है कि आपने उसको कितना डिस्टिल किया है आपने अगर मुझसे रेस्पिरेशन पढ़ी है या किसी से भी रेस्पिरेशन पढ़ी है तो एनसीआर में एक लाइन लिखी थी कि भैया जब ईस्ट शराब बनाता है जब ब्रिवर्स शराब बनाता है तो शराब की कंसंट्रेशन जब तेरह परसेंट के आसपास होती है ना तो वो इतनी टॉक्सिक हो जाती है ईस्ट के लिए कि वो खुद की डेथ करना ज्यादा पसंद करता है खुद को ही पॉइजन कर लेता है यह बात सुनी होगी सबने तो तेरह से ज्यादा कंसेंट्रेटेड शराब कैसे बनती है डिस्टिलेशन से है ना डिस्टिलेशन से तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो एक ही लाइन में अगर बात खत्म करना चाहो तो डिस्टिलेशन अगर आपकी ज्यादा करोगे आप डिस्टिलेशन अगर आपकी ज्यादा करोगे आप तो अल्कोहलिक कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा हो जाएगी अल्कोहलिक कंसंट्रेशन आपकी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी मोर द डिस्टिलेशन मोर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल करेक्ट और एक चीज आपने सुनी होगी भैया सर, एक चीज आपने सुनी होगी कि दोस्त कई बार आपको प्रोत्साहित करते हैं भैया फ्रूट बियर पी लो इसमें तो कुछ भी नहीं होता फ्रूट बियर पी लो इसमें तो कुछ भी नहीं होता ये तो एकदम जीरो अल्कोहल कंटेन करती है सुना होगा किसी ना किसी दोस्त ने आपसे पक्का कहा होगा इसका मतलब हमें यह समझ में आता है कि बियर में कम अल्कोहल होती है मानते हो क्योंकि फ्रूट बियर जो मार्केट में मिलती है उसमें सच में कम अल्कोहल होती है तो दो प्रकार से आपकी शराब बनाई जा सकती है विदाउट डिस्टिलेशन और विद डिस्टिलेशन करेक्ट विदाउट डिस्टिलेशन और विद डिस्टिलेशन तो विदाउट डिस्टिलेशन कौन सी बनेगी भैया जिसमें नशा कम है जिसकी कंसंट्रेशन कम है जैसे चार अल्फाबेट का बियर और चार अल्फाबेट का वाइन चार अल्फाबेट से ज्यादा और कम है अगर तो विद डिस्टिलेशन ज्यादा आपका इसका अल्कोहोलिक कंटेंट होगा जैसे रम तीन अल्फाबेट वाला विस्की छह अल्फाबेट वाली यानी चार अल्फाबेट को छोड़ के कुछ भी और ब्रांडी है ना ये आपकी चार अल्फाबेट अगर कंटेन कर रही है बियर के साथ वाला है तो कम अल्कोहलिक होगा बियर के अलावा कुछ भी है तो ज्यादा अल्कोहलिक होगा इजीली याद रहेगा कभी कंफ्यूज नहीं होगे जीवन में राइट right? करेक्ट यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए कौन बनाता है इस अल्कोहल को कौन बनाता है इस अल्कोहल को कौन बनाता है इस अल्कोहल को ईस्ट बनाएगा ब्रिवर्स ईस्ट कहा जाएगा इसको गंगाधर ही शक्तिमान है जब ब्रेड बना रहा है तो गंगाधर और जब शराब बना रहा है तो शक्तिमान ब्रिवर्स ईस्ट करेक्ट ब्रिवर्स ईस्ट जो है ये भी आपका सेम ही है जस्ट लाइक बेकर्स ईस्ट ये भी आपका क्या है सेकेरोमाइसिस ही तो है ये भी आपका सेकेरोमाइसिस सर्वाइसी ही है दीज आर रिलेटेड टू अल्कोहल एक सवाल अगर आएगा तो सीधा सीधा सवाल आएगा विदाउट डिस्टिलेशन कौन सी बनी विधिलेशन कौन सी बनी? Without distillation जो बनेगी उसमें alcoholic content come, fruit beer का जिक्र कर लेना, तो बियर और वाइन में सेम सेबेट है खेल खत्म और इनको छोड़कर जो भी है सब विद डिशन बनी है कोई स्टूडेंट पूछ रहा था सर वोडका वोटका में बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है अल्कोहल की और किससे बनती है वोडका प्रोसेसड आलू से यानी पटेटो से अगली बार जब आलू की सब्जी खाओ तो थोड़ा सा बचके है ना कहीं पता लगा भाई घूम रहे हो फिर धूम मचाते हुए इधर उधर आलू की सब्जी जो है <laughs> पर ये सारी काम फर्मेंटेशन के बाद होते हैं तो टेंशन मतलब आलू की सब्जी से कुछ नहीं होगा लेकिन अगर आलू को फर्मेंट करोगे डिस्टिलेशन करोगे उसकी तो आपको एक बहुत खतरनाक चीज देखने को मिलती है दैट इज योर वोडका ठीक है जी यहां तक एनसीआरटी मैया के दर्शन कर लिए जाए बताइए फटाफट यहां तक एनसीआरटी मैया के दर्शन कर लें अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार देख लें किताब में पुस्तक में कि क्या क्या लिखा हुआ है फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर सबसे पहले हमने यह देखा कि माइक्रोब जो है ये मेजर कंपोनेंट है बायोलॉजिकल सिस्टम के क्योंकि आप कोई भी किंगडम उठा लो उसमें कोई ना कोई माइक्रोव मिलेगा ही हमने ये बात प्रूव कर दी है एनसीआरटी में नहीं लिखा है पर हमने हर किंगडम में देखा कि कहां कहां कौन कौन सा माइक्रोब हो सकता है यह आपके हर जगह पाए जा सकते हैं सॉइल में वॉटर में लैंड पे यानी कॉस्मोपोलिटन होते हैं हमने एक शब्द में ही बात खत्म कर दी थी ये ऐसी जगहों पर भी पाए जा सकते हैं जहां नॉर्मल लाइफ फॉर्म्स नहीं पाए जा सकती यानी ये एक्सट्रीमो भी हो सकते हैं हार्श कंडीशंस में भी पाए जा सकते हैं जैसे कि खतरों के खिलाड़ी यानी आर बैक्टीरिया जिसके बारे में हम जानते हैं अगर आप किंगडम प्रोटिस्टा की बात करो तो उसमें जो प्रोटोजोवा है यह भी माइक्रोब है अगर आप मोनेरा की बात करो तो बैक्टीरिया जो है यह भी माइक्रोब है किंगडम फंजाई की बात करो तो सेकेरोमाइसिस ये भी आपका क्या है माइक्रोब है अगर आप एनिमल और प्लांट को कॉज डिजीज कॉज करने वाले वायरसेस की बात करो तो ये भी माइक्रोस्कोपिक है वायरॉइड की बात करो तो ये भी माइक्रोस्कोपिक है और प्रायॉन भी माइक्रोस्कोपिक है इसके अलावा कुछ प्लांट भी हैं और कुछ एनिमल भी हैं जिनकी एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल माइक्रोस्कोपिक हो सकती है ये सारे पॉइंट हमारे मोर देन क्लियर है अगर आप दूध से दही जमाना चाहते हो अगर आप कर्ड बनाना चाहते हो मिल्क से तो आपको लेक्टोबेसिलस नाम के बैक्टीरिया को इस्तेमाल करना होगा लेक्टोबेसिलस बिलोंग्स टू अ कैटेगरी कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी ऐसे बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड बना सकते हैं तो अगर आप दूध में थोड़ा सा दही डाल दोगे तो ये जो दही है ये इनोक्युलम या स्टार्टर कहलाता है जिसमें खुद मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं अब जब आप प्रॉपर टेम्परेचर दोगे इस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को तो ये डिवाइड करता है और जब ये डिवाइड करेगा तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है तो लैक्टिक एसिड बनाएगा जिसकी वजह से आपके मिल्क प्रोटीन पार्शली डाइजेस्ट हो जाएंगे और कोएगुलेट हो जाएंगे यानी पास पास आ जाएंगे और अगर पास पास आ जाएंगे तो दूध का दही बन जाएगा और जब दूध का दही बन जाता है तो इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है क्योंकि विटामिन बी ट्वेल्व भी यहां पर बढ़ जाता है और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को भी ये दही जो है स्टमक में चेक करता है यानी कि आपका डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की ग्रोथ को भी हॉल्ट करता है यानी आपको सेफ सुरक्षित भी रखता है बीमारी कॉज करने वाले माइक्रोब्स की क्वांटिटी को भी घटाता है और विटामिन बी वन टू भी इंक्रीज हो जाता है इसमें यानी ओवरऑल क्वालिटी भी बढ़ जाती है करेक्ट अगर आप देखें तो डो अब आपका गूंदा हुआ आटा जो है गूंधी हुई मैदा जो है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे अगर आप इडली डोसा बनाते हैं तो आप बैक्टीरिया से यह डो बनवा रहे होते हैं लेकिन अगर आप बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए डो बनवा रहे होते हैं तो आपका यह बेकर्स ईस्ट यानी सेक्रोमाइसिस से डो बन रहा होता है जो कि आपका सीओ रिलीज करता है यानी यहां पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही होती है साउथ इंडिया की एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसका नाम है टॉडी या ताड़ी जो कि किससे बनती है इट इज मेड बाय फर्मेंटिंग पाम सैप तो पाम सैप को फर्मेंट करने से बनती है इसके अलावा आप फिश को सोयाबीन को या फिर बेंबू शूट्स को अगर फर्मेंट करोगे तो अलग अलग खाने की चीजें बनेंगी जैसे सोफू तूफू और तेम्पे ठीक है चीज जो है ये आपका दुनिया का ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स का रोल है इसको बनाने में अलग अलग प्रकार के चीज होते हैं जिनका टेक्सचर फ्लेवर और टेस्ट और स्मेल अलग अलग होती है यहां पर अगर आप देखोगे स्विस चीज तो इसमें बड़े बड़े छेद होते हैं जो कि सीओ की, की वजह से होते हैं जस्ट लाइक डो और ये कौन बनाता है स्विस चीज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी नाम में ही बैक्टीरियम आ रहा है तो ये बैक्टीरिया बनाता है इसके अलावा रॉक्यूफोट चीज जो है ये फंगस बनाता है पेनिसिलियम रॉक्यूफोटी और कॉमबर्ट चीज जो था यह भी फंगस बनाता है आपका कॉमन कॉम्बर्टी ये हमने अच्छे से देख लिया अब आपको बड़े स्केल पे कोई चीज बनानी है जैसे कि शराब या एंटीबायोटिक्स यानी दवाइयां तो आप बड़े बडे टंकियों में यह बनाना प्रेफर करोगे यानी आप फर्मेंटर्स में यह बनाना प्रेफर करोगे तो आपका जो ईस्ट ब्रेड बना रहा था वही ईस्ट आपका शराब भी बनाता है यानी सेक्रोमाइसिस जो है यही आपका क्या करेगा भैया आप रिवर्स ईस्ट कहलाएगा और यही आपका शराब बनाएगा या तो सीरियल से बनाएगा अनाज से बना लेगा या फिर आपका फ्रूट जूसेस से बना लेगा अगर चार अल्फाबेट वाली चीजों की आप बात करें वाइन और बियर की तो इनमें अल्कोहलिक क्वांटिटी कम होती है तो ये विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं और अगर आप इनके अलावा किसी चीज की बात करेंगे जैसे विस्की ब्रांडी या रम जिसमें चार अल्फाबेट नहीं है तो ये डिस्टिलेशन से बनते हैं यानी इनका अल्कोहल का कंटेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है ज्यादा नशीले ये होते हैं करेक्ट भाई एकदम करेक्ट सर ये है हमारा अभी तक का डिस्कशन इस पूरे के पूरे चैप्टर का अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं यहां तक क्लैरिटी है सबको एक बार फटाफट तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज फटाफट बता दीजिए बताइए भैया यहां तक सारी चीजें क्लियर क्लियर है तो तुनिक तुनिक कर दो भैया चैट सेक्शन के अंदर जिससे हम लोग आगे बढ़ सके यानी अब हमने शराब बना ली है अब हम क्या करेंगे दवाई बनाएंगे क्योंकि अक्सर इन दोनों शब्दों का जिक्र साथ साथ ही होता है ना भाई दवा दारू बोला जाता है तो अब दारू बना ली तो अब दवा बनाने का काम आ जाता है हमारे पास यानी एंटीबायोटिक हम बनाएंगे नाम को तोड़ करके देखिए क्या समझ में आ रहा है एंटी मतलब एंटी का मतलब क्या होता है एंटी का मतलब होता है हमेशा अपोजिट और बायो का मतलब क्या होता है बायो का मतलब होता है भाई बायो के स्टूडेंट है हम बायो का मतलब क्या है लाइफ साइंसिस यानी बायो का मतलब होता है लाइफ जिंदगी जीवन तो एंटी का मतलब क्या होता है अगेंस्ट या अपोजिट अगेंस्ट वॉट अगेंस्ट लाइफ यानी एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल्स हैं जो लाइफ के अगेंस्ट हैं किसकी लाइफ के अगेंस्ट बुरे की लाइफ के अगेंस्ट हमारे लिए तो ये प्रो लाइफ हैं हमारे तो ये जीवन को बढ़ा देते हैं हमारे लिए तो अच्छी ही चीज है पहले एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किन्ों ने करी है ना अगेंस्ट लाइफ है पर हमारे लिए तो ये प्रो लाइफ है सो दे आर प्रो लाइफ फॉर us they are pro life for us first antibiotic discovered was what first antibiotic discovered was penicillin was penicillin which is मेड बाय अ फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम नोटाटम तो इस पेनिसिलियम नोटाटम के नाम से ही पेनिसिलिन शब्द को उठाया गया है जो कि एक एंटीबायोटिक है तो यहां पर इस एंटीबायोटिक की खोज कैसे हुई आराम से सुनिएगा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलेक्सेंडर फ्लेमिंग साहब और एलेक्सेंडर फ्लेमिंग साहब रिसर्च कर रहे थे एक बैक्टीरिया के ऊपर जिसका नाम था स्टेफाइलो बैक्टीरिया अब जब वो इस कोकस बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने काफी सारी प्लेट्स तैयार कर रखी थी काफी सारी पेट्री डिश तैयार कर रखी थी उन पेट्री डिशेज में से कुछ पेट्री डिशेज ऐसी थी जिन पे फंगस लग गया था फफूंद लग गई थी यानी वो गंदी हो गई थी अनवॉश्ड थी तो यहां पर उन्होंने देखा कि ये जो फंगस है ना भाई उन्होंने देखा कि ये जो फंगस है ना इसके आसपास आने वाले बैक्टीरिया किल हो जा रहे हैं और बैक्टीरिया इससे काफी दूर पाए जा रहे हैं तो वो जिस बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे ना स्टेफाइलो वो इन्होंने देखा कि काफी दूर पड़ा हुआ है यह आपका इस फंगस के आसपास नहीं आ रहा यहां से एलेक्सेंडर फ्लेमिंग साहब ने सोचा कि यह फंगस कोई ना कोई तो ऐसा केमिकल बनाता है जिससे बैक्टीरिया डर रहे हैं जिससे बैक्टीरिया मर रहे हैं तो एलेक्सेंडर फ्लेमिंग साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट की दिशा मोड़ी और उन्होंने यह पता लगाने पर फोकस किया कि फंगस ऐसा क्या बनाता है जिस वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है एंड देन आफ्टर ही डिस्कवर्ड पेनिसिलिन फिर उनको पता लगा कि वो केमिकल जिसकी वजह से आपके बैक्टीरिया की डेथ हो जा रही थी वो आपका केमिकल क्या था पेनिसिलिन था विच इज एन एंटीबायोटिक करेक्ट तो यहां पर अगर आप देखें तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय होम इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एलेग्जेंडर फ्लेमिंग इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग करेक्ट फ्लेमिंग साहब ने इसकी डिस्कवरी करी फ्लेमिंग साहब ने इसकी डिस्कवरी करी है ना एंड इसको क्या बोला गया इट वॉज कॉल्ड एज द बिगेस्ट डिस्कवरी इट वॉज कॉल्ड एज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ ट्वेंटी एथ सेंचुरी ट्वेंटी एथ सेंचुरी मतलब ट्वेंटी एथ सेंचुरी मतलब उन्नीस सौ से दो हजार के बीच दैट इज ट्वेंटी एथ सेंचुरी राइट तो इसको ट्वेंटी एथ सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी कहा गया क्योंकि इसने कई लोगों की जान बचा ली जिस टाइम पर आपकी पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इट वॉज गिवन टू अ लॉट ऑफ अमेरिकन सोल्जर और उनकी जान बची वर्ल्ड वॉर टू के दौरान वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इट वॉज गिवन टू इट वॉज गिवेन टू अलॉट ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स करेक्ट बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स को यह दी गई जिस वजह से उनकी जान बचाई जा सके तो जब अलेक्जेंडर फ्लैमिंग साहब ने पेनिसलिन की डिस्कवरी करी तो उसका पूरा पोटेंशियल एनालाइज नहीं कर पाए थे हर बार यही होता है आप किसी भी केमिकल को देखेंगे तो उसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट हमारे पास आता है इट इज नॉट द मोस्ट इफेक्टिव कोई भी चीज बनती है तो धीरे धीरे बेहतर होती है ना पहली बार में वो सबसे सही फॉर्मेट में आप तक नहीं पहुंचती तो एलेक्सेंडर फ्लेमिंग साहब ने जब पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी तो उसका पूरा पोटेंशियल वो एनालाइज नहीं कर पाए तो दो साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी उन्होंने पेनिसिलिन को अच्छे तरीके से और प्योरीफाई किया और उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा दिया और इसी काम के चलते इन तीनों को एलेक्सेंडर फ्लेमिंग को चेन को और फ्लोरी को तीनों साइंटिस्ट को 1945 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया राइट right? तो यहां पर क्या हुआ फुल पोटेंशियल फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन वॉज इल्यूसिडेटेड बाय अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड लॉरी एंड दैट्स वायन उन्नीस सौ पैंतालीस ऑल थ्री ऑफ देम वर गिवन नोबेल प्राइज और उसके बाद तो एंटीबायोटिक्स की जैसे झड़ी ही लग गई काफी और साइंटिस्ट ने अलग अलग एंटीबायोटिक्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक आई थी वो फंगस से डेराइव करी गई थी लेकिन इसके बाद जो एंटीबायोटिक्स आई वो बैक्टीरिया से भी डेराइव होने लगी है ना और कई सारी एंटीबायोटिक्स फिर मार्केट में आई लेकिन शुरुआत किन होने करी करी फ्लेमिंग साहब ने विद द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन और कई बीमारियों पर हमने काम करना शुरू कर दिया जैसे काली खांसी वूपिंग कफ इसको हम लोगों ने इरेडिकेट कर दिया डिपथेरिया इसको हम लोगों ने इरेडिकेट कर दिया राइट इसके अलावा और भी बीमारियां हैं जिनको हम लोगों ने एकदम करेक्ट कर दिया है ना कुष्ठ रोग है आपका इसको हम लोगों ने करेक्ट कर दिया गलगोटू है डिप्टेरिया को गलगोटू भी कहा जाता है तो ये सारी बीमारियां जो हैं धीरे धीरे आपकी ऑमिट होने लगी खत्म होने लगी क्योंकि इनके खिलाफ हम लोगों ने क्या बना ली आपकी दवाइयां बना ली एंटीबायोटिक्स बना ली करेक्ट है यहां तक सबको क्लैरिटी अबाउट दिस एंटीबायोटिक एक बार एनसीआरटी में देख लेते हैं सिर्फ ये टॉपिक और इसके बाद के सारे टॉपिक फिर हम इकट्ठा देख लेंगे एंटीबायोटिक देखिए क्या हुआ नाम क्या है एंटीबायोटिक है ना इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी 1900 से 2000 के बीच में एंटी का मतलब होता है अपोजिट या अगेंस्ट और बायो का मतलब होता है लाइफ यानी ये लाइफ के अगेंस्ट है किसकी लाइफ के अगेंस्ट बुरे पैथोजन की लाइफ के अगेंस्ट हमारे लिए तो ये क्या है प्रो लाइफ है हमारे लिए तो ये अच्छी चीजें हैं तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो हमको मिली वो पेनिसिलिन मिली एलेक्डर फ्लेमिंग साहब ने इसकी डिस्कवरी करी ये स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे और इन्होंने देखा कि अनवॉश्ड प्लेट्स पे पे ग्रो नहीं कर पा रहा है जहां पे फंगस लगी हुई है यानी फंगस ऐसा कोई तो केमिकल बनाता है जो स्टेफाइलो की ग्रोथ को रोकता है इनको मार देता है तो उन्होंने उस केमिकल पर रिसर्च स्टार्ट करी इन्होंने पाया कि जो मोल्ड है अनवॉश्ड प्लेट्स पे जो फंगस लगी हुई है जो फफुंदी लगी हुई है वो एक फंगस है दैट इज नोटाटम और इसी के बेसिस पे पेनिसिलिन नाम इन्होंने एंटीबायोटिक का रखा दो साइंटिस्ट और आए जिन्होंने पेनिसिलिन के फुल पोटेंशियल को एनालाइज किया इनका नाम था अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी इन सभी को 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया क्योंकि इन्होंने काफी सारे अमेरिकन सोल्जर्स की जान बचाई थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर वन और टू में कंफ्यूज नहीं होना है है ना? टाइम आप देख सकते हो 1945 के आसपास का है वर्ल्ड वॉर टू जो है यहां पर रेलेवेंट रहती है। इसके अलावा काफी सारी बीमारियां हैं जिनसे आज हमें छुटकारा मिल चुका है जैसे प्लेग है वूपिंग कफ है कफ है तो इसको क्या कहते हैं काली खांसी कहते हैं डिप्तेरिया है जिसको क्या कहते हैं गल घोटू कहते हैं गलघोटू परोजी क्या है आपका कुष्ठ रोग है इन सभी से हमको छुटकारा मिल चुका है जो पहले लाखों लोगों की जान ले लिया करते थे ऐसी सारी बीमारियों से हमको क्या मिल चुकी है राहत मिल चुकी है तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि एंटीबायोटिक आने के बाद से काफी चीजें अच्छी हुई हैं काफी चीजें इंप्रूव हुई हैं काफी चीजें बेटर हुई हैं बायोलॉजी का एक नया एवेन्यू खुल गया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म से भी हम दवाइयां निकाल सकते हैं जिसने आज पूरी की पूरी बायोलॉजी को चेंज करके रख दिया है तो दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग करेक्ट है भाई एकदम करेक्ट है अब देखिए और क्या क्या बन सकता है आपका और क्या क्या बन सकता है आपका अलग अलग माइक्रोब से आराम से देखिएगा यहां पर ऑर्गेनिक एसिड्स बन सकते हैं अलग अलग एसिड्स बन सकते हैं जैसे सिट्रिक एसिड कौन बनाएगा सिट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड बनाएगा एस्परजिलस नाइगर एस्परजिलस क्या होता है फंगस होता है भैया एस्परजिलस पेनिसिलियम सॉरी ये सारे क्या थे फंगस है ना ये सारे आपके कौन सी फंगस की क्लास में पाए जा रहे थे एक बार बता दीजिए फटाफट है ना लाला भैया ने लिखा है एस्कोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल क्या थे नासा एन ए सी ए न्यूरोस्पोरा एस्परजिलस क्लेविसेप्स तो कहा आया एसकोमाइसिटीज में आया एकदम सही है यानी फंगस में आया एकदम सही है याद करने की जरूरत नहीं है एसिटिक एसिड कौन बनाएगा नाम में ही है एसिटिक तो एसिटोबेक्टर बनाएगा एसिटिक एसिड एसिटोबेक्टर ही बनाएगा एसिटी एसिटी आ रहा है नाम में खेल खत्म नाम है एसिटोबेक्टर तो ये तो बैक्टीरिया हुआ ना नाम में ही बैक्टर आ रहा है तो याद करने की जरूरत ही नहीं है ब्यूटायरिक एसिड कौन बनाएगा ब्यूटायरिक एसिड इसके बनाने वाले ऑर्गेनिज्म के नाम में भी ब्यूट है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये क्या है आपका बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड किसने बनाया था अभी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने बनाया था लैब ने बनाया था लेक्टोबेल ने, ने बनाया था तो ये क्या था बैक्टीरिया था एकदम सही है याद करने की आवश्यकता ही नहीं है नाम से ही आइडिया लग रहा है ब्यूटायरिक एसिड कौन बनाएगा ब्यूटाइलिकम एसिटिक एसिड कौन बनाएगा एसिटोलेक्टिक एसिड कौन बनाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया सिट्रिक एसिड कौन बनाएगा एस्पर बचपन से पढ़ रहे हैं भाई तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अल्कोहल कौन रहा बना रहा था आपका ईस्ट बना रहा था दैट इज सेकेरोमाइसिस. दैट इज सेकेरोमाइसिस. ईस्ट बना रहा था और ये जो एक टेबल है इस एक टेबल से मेरी बात बहुत गौर से सुनना इस एक टेबल से मैं आपको पांच पीवाई क्यू दिखा दूंगा पिछले पांच साल में ऐसा कोई साल नहीं जहां सवाल बना हो और इस टेबल से ना बना हो ये चार लाइनें सिर्फ आपको हर साल चार नंबर देती हैं मैं अभी आपको पीवाई क्यू कराऊंगा पीछे कुछ स्लाइड्स है जब आप पीवाई क्यू कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे इन चारों में से एक लाइन आपकी हर साल रिपीट होती है इन पीवाईक्यू क्यू और एकदम कांस्टेंट है आनी ही आनी है कोई रोक ही नहीं सकता यहां नॉर्मली इन चीजों पर सवाल बनता ही है कोई हाथ नहीं पकड़ सकता भाई अगर आपको ये टॉपिक याद है तो लाइपेजेस क्या होते हैं याद करने की जरूरत ही नहीं है आराम से खुद सोचो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लाइपेज क्या करता होगा नाम से क्या लगता है क्या करता होगा लाइपेज सर नाम से मुझे लग रहा है लाइपेज एज, एज मतलब एक एंजाइम है ये लाइप मतलब लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम है यानी ये लिपिड को काटता है भाई प्रोटीन को काटने वाले को प्रोटीएज कहते हैं न्यूक्लिक एसिड को काटने वाले को न्यूक्लिएज कहते हैं तो लिपिड को काटने वाले को लाइपेज नहीं बोलेंगे क्या बिल्कुल बोलेंगे तो वट इट इज गोइंग टू डू इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट लिपिड और लिपिड में कौन कौन आता है भैया लिपिड में स्टेरॉड्स स्टेरॉल्स भी आते हैं ऑयल्स भी आते हैं फैट भी आते हैं तो समझ लीजिए अगर मैं खेल रहा था कहीं और गलती से तेल पे फिसल गया भैया कुछ भी खेल रहा था कोई ऑयली स्टेन लग गया है खाना खा रहा था अचार गिर गया है तो भैया इस ऑयली स्टेन को क्या आप आसानी से रिमूव कर सकते हो नहीं क्योंकि आप पानी से धोगे अपनी शर्ट को आप पानी से धोगे तो पानी और ऑयल का तो कोई लेना देना है ही नहीं मेरे भाई इमिसिबल है तो जाहिर सी बात है आप सिर्फ पानी से तो इस ऑयली स्टेन को इस ग्रीसी स्टेन को नहीं निकाल सकते तो आपको डिटर्जेंट में कुछ ऐसा मिलाना पड़ेगा जो इस लिपिड को तोड़ ही दे इसके टुकड़े टुकड़े कर दे और ये कपड़े से आसानी से रिमूव हो जाए तो आप डिटर्जेंट की फॉर्मुलेशन में क्या डालते हैं लाइपेज डालते हैं सिंपल सी बात है यानी कुछ याद करना ही नहीं पड़ा हमने लॉजिक से पूरा टॉपिक तोड़ दिया नाम है लाइपेजिज तो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा यानी ऑयल को डाइजेस्ट करेगा तो इट इज यूज इन डिटर्जेंट फॉर्म्यूलेशंस टू तो रिमूव ऑयल स्टीन्स From clothes. कपड़ों से ऑयल स्टेन हटाने के लिए लाइपेज का इस्तेमाल किया जाता है अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए भैया यहां पर भैया यह पैक्टिनेज और प्रोटीज़ क्या करते होंगे लाइपेज से ही समझ सकते हो लाइपेज में जैसे हमने डिकोड करी थी चीजें ये प्रोटीज़ क्या करेगा भैया प्रोटीन को तोड़ेगा और ये पैक्टिनेस किसको तोड़ेगा भैया जब आप प्लांट की सेल वॉल की बात करते हो तो हम क्या कहते हैं प्लांट की सेल वॉल किस चीज की बनी है सेलीलोग, सेलीलोग और पेक्टिन की क्या करेगा पेक्टिन को तोड़ेगा ये जो पेक्टिन है ये प्लांट की सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है तो अगर आप इसको तोड़ दोगे तो चीजें सॉफ्ट हो जाएंगी समझ लीजिए आप घर पर बना रहे हैं आम का जूस अभी आने वाले टाइम में आम आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगले पंद्रह बीस दिन में आम का जूस आपने बनाया एक तो आपने घर पे जूस बनाया तो उसका जो पल्प था काफी मोटा था काफी गाढ़ा जूस बना काफी अन सा जूस बना किसी जगह से मोटा, किसी जगह जगह से से मोटा पतला लेकिन जब आप मार्केट में वही जूस बॉटल्ड जूस पीते हैं तो वो यूनिफॉर्म होता है आप माजा अगर पिएंगे आप फ्रूटी अगर पिएंगे आप स्लाइस अगर पिएंगे तो आपको वही आम का जूस एकदम यूनिफॉर्म दिखाई देगा क्यों क्योंकि आपने उस बॉटल्ड जूस में ऐड कर दिया है जो मोटे मोटे प्रोटीन को बड़े बड़े पैक्टिन को तोड़ देगा तो सारी चीजें यूनिफॉर्म हो जाएंगी मानते हो है ना बस यही आपका टॉपिक है और बताओ क्या करना है अगर आप देखेंगे तो बॉटल्ड जूसेस बॉटल्ड जूसेस आर मोर क्लियर एंड यूनिफॉर्म बॉटल्ड जूसेज आपकी बहुत ज्यादा क्लियर और यूनिफॉर्म होती है तो जाहिर सी बात है कि यहां आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो प्रोटीएस का इस्तेमाल कर रहे हो प्रोटीएस क्या करेगा नाम से ही पता लग रहा है प्रोटीएस क्या करेगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा एंड पैक्टिनेस क्या करेगा भैया पैक्टिनेज क्या करेगा आपका पैक्टिन को डाइजेस्ट करेगा तो आपके मोटे मोटे जो पार्ट है ये डाइजेस्ट हो जाएंगे और आपका जो जूस है वो आपका इवन बनेगा क्लियर बनेगा डाइजेस्ट पैक्टिन या पेक्टोज करेक्ट तो नाम है लाइपेज तो लिपिड को तोड़ेगा नाम है पैक्टिनेज पैक्टिन को तोड़ेगा नाम है प्रोटीज प्रोटीन को तोड़ेगा करेक्ट है भाई यहां तक सबको क्लैरिटी है फटाफट बताइए यहां तक सबको क्लैरिटी है नाम सही टॉपिक उड़ा दोगे भाई उड़ा देंगे सर बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है अब यहां देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेस ये स्ट्रेप्टोकाइनेस कौन बनाता है फटाफट लिख करके बताइए कौन बना सकता होगा स्ट्रेप्टोकाइनेस नाम से क्या लगता है स्ट्रेप्टोकाइनेस कौन बना सकता होगा स्ट्रेप्टोकाइनेस से मिलता जुलता कोई शब्द आ रहा है दिमाग में सर आ रहा है एक शब्द सुना तो ना थोड़ा मिलता जुलता ही है स्ट्रेप्टोकाइनेस से स्ट्रेप्टोकोकस यानी एक अगर आपका कोकस है तो इट इज मोनोकोकस दो अगर है तो डिप्लोकोकस तीन अगर है तो ट्रिप्लोकोकस चार है तो टेट्राकोकस पेंटाकोकस हेक्साकोकस एंड सो so ऑन इस हिसाब से अगर मैं पूरी चेन बना देता हूं तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस बोला जाएगा बिल्कुल स्ट्रेप्टोकोकस बोला जाएगा और अगर ये स्ट्रेप्टोकोकस है अगर ये स्टेप्टोकोकस है इसके नाम में अगर कोकस आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये बैक्टीरिया है बैक्टीरिया की एक शेप है कोकस बेसिलस विब्रियो बैक्टीरिया की शेप है तो स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे बनेगा बैक्टीरिया से बनेगा बनेगा सर कोकस बनाएगा इसको बनाएगा सर तो स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या स्ट्रेप्टोकोकस से बनेगा स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टो शब्द आ रहा है यहां पर एकदम बन जाएगा सर होता क्या है ये आराम से सुनिए ये होता क्या है मेरे दोस्त वट इज दिस स्ट्रेप्टो काइनेज क्या होता है लिख के बताने की कोशिश करिए अगर आपको पता है तो वट इज इट स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है रोतुजाई सिंह हार्ट अटैक नहीं होने देता मोर और लेस करेक्ट है <laughs> वर्षा कह रही है क्लोथ बस्टर अरे क्लॉट बस्टर है ना क्या ऐसा कौन सा ऑटो करेक्ट सेट कर रखा है भैया चैट में है ना बुरा मत मानना मैं जस्ट ऐसे मजाक कर रहा हूं दोस्त यार मान के है ना हम लोग दोस्त हैं ऐसे क्लास में कोई टेंशन नहीं है तो इट्स नॉट क्लोथ बस्टर इट्स क्लॉट बस्टर है ना क्लॉट को तोड़ता है कपड़े नहीं चीर देता फाड़ के आपको हल्क नहीं बना देता है ना तो इट्स क्लॉट बस्टर एकदम सही है दोस्त बहुत अच्छा बताया क्लॉट बस्टर क्लॉट बस्टर क्या होता है दोस्त क्लॉट बस्टर ये आपकी नस है यानी ब्लड वेसल है अब ये जो ब्लड वेसल है ना इसमें कई बार अंदर डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है अलग अलग मटेरियल्स की है ना फैट वगैरह भी जमा हो सकते हैं कैल्शियम वगैरह भी जमा हो सकता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी जमा हो सकता है तो यहां क्या है आपका क्लॉट बन सकता है तो यहां से जो ब्लड आ रहा है उसको आगे जाने के लिए प्रॉपर रास्ता नहीं मिलेगा तो आप क्या चाहते हो आप यह चाहते हो कि ये जो आपका यहां पर क्लोट सा बन गया है ये डिजोल्व हो जाए और जब ये डिजोल्व होगा तो ब्लड के फ्लो में कोई रुकावट नहीं आएगी और ब्लड अच्छे तरीके से फ्लो कर जाएगा यही तो बात होती है आराम से सुनिए हमारे घर में एक मोटर होती है पानी की सप्लाई के लिए और आपने ये हरकत तो जरूर करी होगी कि जब मोटर चल रही होगी और उसके साथ जो पाइप कनेक्टेड होगा उस पाइप को दबा लेते ना जिससे कि वो पतली धार बन जाए दूर तक पानी जाए ये तो हर बच्चे ने अपने बचपन में किया है मैंने तो खूब किया है भाई तो जब हम उस पाइप को दबा देते हैं तो कई बार पीछे प्रेशर ज्यादा लग रहा होता है और हमारी नलकी मोटर में से डिस्कनेक्ट हो जाती है क्योंकि हमने तो उसे आगे से दबा रखा है हमने ब्लॉक कर रखा है कम पानी आगे जा रहा है मोटर पर दबाव पड़ रहा है अब आप एक और केस सोच के देखो कि आपने पैर ही रख लिया है पाइप के ऊपर कि पानी आगे जाने ही नहीं दूंगा आपने पाइप के ऊपर पैर रख लिया है और समझ लीजिए मोटर और पाइप के बीच का कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग है पाइप निकल भी नहीं सकता क्या हो जाएगा मोटर फूक जाएगी तीस सेकेंड के अंदर तीस सेकेंड में मोटर खराब हो जाएगी आपने अगर बहुत टाइट तार से बांध रखा है अच्छे तरीके से पाइप को मोटर के साथ और आगे आप पानी भी नहीं जाने दे रहे हो आप मोड़ के बैठ गए पाइप को भाई गांठ मार के बैठ गए तो मोटर फूक जाएगी एंड दैट मोटर इज योर हार्ट आपका पंपिंग ऑर्गन क्या है ब्लड को पंप करने के लिए इट्स हार्ट और ब्लड वेसल क्या है नलकी है अब ये नलकी अगर चौक हो गई ब्लॉक हो गई तो ब्लड तो आगे जा नहीं पा रहा है तो मोटर फूक जाएगी हार्ट अटैक आ जाएगा लेकिन अगर आप इस क्लॉट को साफ कर देते हो तो आप इस पर्टिकुलर समस्या से बच सकते हो तो इट इज क्लॉट बस्टर दैट इज बेसिकली यूज इन पेशेंट्स ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन जिससे कि उनको हार्ट अटैक से बचाया जा सके ये आपकी बात है तो स्ट्रेप्टोकाइनेज बनता है स्ट्रेप्टोकोकस से आगे है भैया साइक्लोस्पोरिन ए साइक्लोस्पोरिन ए क्या है साइक्लोस्पोरिन ए इज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इट्स एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट और ये कौन बनाता है फटाफट बताइए पड़ ये जो आपका साइक्लोस्पोरिन ए है ये कौन बना रहा होगा ये कौन बना रहा होगा नाम से ही याद रख लीजिए स्पोर आ रहा है ना नाम में तो ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा पॉली पोरम साइक्लोस्पोरिन स्पोरम समझ में आ रहा है तो अगर आप नाम से खेलना सीख गए आपको आधे उत्तर तो खुद ही मिल जाएंगे सर इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट क्या होता है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दे तो ये यूज होता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट इट इज यूज ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट इट इज यूज जूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर लेट से कोई इंसान बीमार है लेट से एक आदमी है उसकी एक किडनी फेल हो गई है उसके पास एक ही किडनी है ही नीड्स अ राइट डोनर वट आई मीन बाई राइट डोनर इज ऐसा डोनर जिसकी किडनी में एक्सेप्ट कर सकू अदरवाइज वो जो किडनी है रिजेक्ट हो जाएगी इसे ग्राफ्ट रिजेक्शन कहा जाता है तो आई नीड टू मेक श्योर बिफोर गेटिंग ऑर्गन फ्रॉम ए डोनर सारे के सारे चेक किए जाए और तभी डॉक्टर जब सारे के सारे के चेक कर लेंगे तभी किसी की किडनी लेकर के आपके अंदर लगाई जा सकती है ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान की किडनी आपके अंदर फिट कर देंगे दैट्स नॉट पॉसिबल बहुत सारे टेस्ट होते हैं वो सारे करने पड़ते हैं जब आप उन सारे चेक्स को पास करोगे इसका मतलब आपका ऑर्गन और, और सामने वाले का ऑर्गन मैच कर सकता है तभी आपके अंदर वो ऑर्गन डाला जाएगा समझ लीजिए आपको किडनी की घनघोर जरूरत है और आपके अंदर किडनी डालनी भी है लेकिन डर इस बात का है कि कहीं हमारा इम्यून सिस्टम उस किडनी पर अटैक ना कर दे भाई एक छोटा सा बैक्टीरिया हमारे नाक के थ्रू भी अगर हमारे शरीर में घुस गया है तो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम उसके पीछे पड़ जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स उसके पीछे पड़ जाते हैं बैंड बजा देते हैं उस बैक्टीरिया की इतनी बड़ी किडनी किसी की डाल लोगे भैया अपने शरीर में और हमारा इम्यून सिस्टम रिटेलिएट नहीं करेगा यह हम सोच भी कैसे सकते हैं सारी की सारी फौज सारी की सारी आर्मी जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है सब आ जाएंगे भैया चलो दुश्मन आ चुके हैं लेकिन अगर उस किडनी पर हमला किया तो खुद की ही बैंड बच जाएगी ऐसे भी क्या आत्मरक्षा ऐसा भी क्या सेल्फ डिफेंस जिससे खुद की ही मौत हो जाए यार फिर तो हम खुदू कहलाएंगे ना जीवन में मतलब खुद के डिफेंस करते करते ही मैं मर गया तो इससे बढ़िया तो मैं बैठा ही रहता ज्यादा बढ़िया मौत मिलती है ना तो यहां पर क्या है आप चाहते हो कि आप अपने इम्यून सिस्टम को रोक लो कि भैया ये जो किडनी है इस पर अटैक नहीं करना है इस पर हमारा जीवन डिपेंड करता है लेकिन बॉडी तो है आदत से मजबूर अटैक करेगी तो हम अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं हम बोलते हैं बेटा थोड़ी देर प्यार से बैठो अभी जिंदगी मौत का सवाल है गोली बेटा मस्ती नहीं अभी अपने सारे के सारे बी सेल्स टी सेल्स डब्ल्यू को साइड में बैठा देते हैं भाई थोड़ा सा रुक जाओ दिस इज कॉल्ड एज इम्यूनो सप्रेशन तो क्या सर ये बहुत अच्छी चीज है नहीं दोस्त बहुत अच्छी चीज नहीं है क्योंकि जब किसी इंसान का वक्त खराब चल रहा होता है तब उसको असलियत में लोगों की औकात का पता लगता है जो बैक्टीरिया कल तक हमारा सगा बन रहा था हमारी बॉडी में रह रहा था वो भी हमारे ऊपर अटैक कर देता है व्हेन इट कम्स टू आर बैड कंडीशन ड्यू टू तो इम्यूनो सप्रेशन इसे कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन यानी ऐसा पैथोजन जो आपका नॉर्मली कुछ नहीं बिगाड़ रहा था लेकिन जिस दिन आपकी तबियत खराब हुई जिस दिन आपका इम्यून सिस्टम आपका साथ देना बंद कर रहा होगा उस दिन ही आपके ऊपर अटैक कर देंगे यानी पैथोजन तो है लेकिन अपॉर्चुनिटी की तलाश में था और ऐसे कई अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन हमारी लाइफ में हमारे आसपास ही बैठे होते हैं उनका पता तब लगता है जब रियलिटी चेक का टाइम आता है तब आपको आइडिया लगेगा कि कौन सच में अपना था और कौन सिर्फ हमारे साथ अच्छे वक्त में सहयोग कर रहा था पीछे से फिर उसके बाद छूरा भोंक दिया जाएगा सेम चीज लाइफ में भी होती है सेम चीज यहां पर भी होती है तो इसका एक डिमेरिट बस यही है कि काफी सारे अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन आपकी तबियत खराब करते रहेंगे बहुत रेगुलरली क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अब उनसे लड़ नहीं सकता आपने उसको जानबूझ के ऑफ कर दिया है लेकिन एटलीस्ट आप जिंदा तो हो इस बात की खुशी भी है है ना यह है भैया आपका यह है आपका साइक्लोस्पोरिन ए जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट बनाता है ट्राइकोडर्मा पॉलिसपोरम से ट्राइकोडर्मा पॉलिसपोरम क्या हो सकता है बैक्टीरिया या फंगस खुद बताइए मैं कह रहा हूं नाम से उत्तर निकाल लोगे मैं तो निकाल लूंगा आप यह बताइए नाम से उत्तर निकाल सकते हो कि नहीं ये फंगस है या बैक्टीरिया मेरे को दो ऐसी चीज पता लग रही है जिससे मैं बता सकता हूं ये क्या है फंगस है स्नेहा सिंह बैक्टीरिया है बाकी लोग कह रहे हैं अभी तक फंगस है भाई अगर आप देखोगे पॉलिसपोरम स्पोर फॉर्मेशन किसमें होती है ज्यादा बैक्टीरिया में या फंगस में बैक्टीरिया में यूजली जो डिविजन होता है दैट इज बाया बाइनरी फिजन ज्यादातर लेकिन फंगस में कैसे हो रहा था चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में क्या लिखा है वाया मिलियंस ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स ट्राइकोडर्मा डर्मा, डर्मा मतलब स्किन स्किन रैशेज स्किन इंफेक्शन कौन कॉज करता है फंगस तो क्या हो जाएगा ये ट्राइकोडर्मा पॉलिसपोरम फंगस नहीं हो जाएगा अगर आपको शब्दों से खेलना आता है बायोलॉजी इज अ केक वॉक फॉर यू एटलीस्ट नीट बायोलॉजी इज अ केक वॉक फॉर यू आधे से ज्यादा नंबर तो आपको धमाके से ही मिल जाएंगे भैया मुफ्त में मिल जाएंगे इट्स केक फॉर यू राइट उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप शब्दों से खेलना सीख गए बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आसान हो जाती हैं अगली जो चीज है क्या है भैया ये है स्टेटिन क्या लिखा हुआ है स्टेटिन स्टेटिन का मतलब क्या होता है जनरल भाषा में अगर देखें अगर हम बायोलॉजी ना पढ़ रहे हो अगर हम इंग्लिश भाषा पढ़ रहे हो अगर हम जनरली स्टेटिन बोल रहे हैं देन वट इज स्टेटिन स्टेटिन मतलब किसी चीज को रोकना किसी चीज को स्टैटिक कर देना राइट? Right? तो ये जो है ये क्या करता है? किस चीज को रोकता है ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनने को रोकता है तो स्टेटिन क्या कर रहा होगा इट लोअर्स कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन हमारी बॉडी में जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है उसको ये इनहिबिट कर देता है स्टेटिन उसको ये इनहेबिट कर देता है स्टेटिन इट इन्हेबिट्स इट इन्हेबिट्स द एंजाइम विच यूज टू फॉर्म कोलेस्टरॉल इन इसको हम क्या करते हैं इनिबिट करते हैं और कैसे इनिबिट करते हैं कॉम्पिटेटिवली कैसे इनिबिट करते हैं कॉम्पिटेटिवली मेरे भाई अगर मेरे बस में होता तो मैं एक ऐसा सवाल बनाता जिसमें मैं बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक लेके आता कॉम्पिटेटिव इनिबिशन का और उसमें चुपचाप स्टेटिन डाल देता मजा आता मतलब जितनी भी जगह कॉम्पिटेटिव इनिबिशन की बात हो रखी है एनसीआर में उस हर जगह से मैं कुछ कुछ निकालता और एक नया सवाल तैयार करता जो कि मेरिट सेटिंग सवाल होता कितना मजा आता एक बहुत अच्छा सवाल तैयार हो सकता था जो अभी तक नहीं हुआ है कॉम्पिटेटिवली आपका बाइंड कर सकता है यह उस एंजाइम से जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है फॉर एग्जाम्पल ये आपका वो एंजाइम है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है तो इस पर ऐसा सबस्टेट बाइंड कर सकता है जो कोलेस्ट्रॉल बनाना चाहता है या फिर हमारा स्टेटिन बाइंड कर सकता है जो कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देना चाहता तो ये दोनों ही आपके यहां पर बाइंड कर सकते हैं कॉम्पिटेटिवली मतलब वो बाइंड करेगा जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मैं जानबूझ के स्टेटिन की कंसंट्रेशन ज्यादा दूंगा तो यहां कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल जब बनना बंद हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली हमारे लिए एक अच्छी चीज भी है बिकॉज हम लोगों ने सेल बायोलॉजी में पढ़ा था इट्स अ इट्सर ये मैमब्रेन को स्टेबिलाईज करता है लेकिन जब इसकी क्वांटिटी एक्सेस हो जाती है तो एक बुरी चीज भी है तो अति और कमी हर चीज की बहुत बुरी होती है कोलेस्ट्रॉल बहुत कम हो जाएगा तो भी हमारे लिए घातक चीज है लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी भैया हार्ट अटैक देगा ऐसी ब्लॉकेज करेगा तो उसको कई बार हमको रोकना होता है बनने से तो हम इसको रोक देते हैं कौन बना रहा होता है स्टेटिन कौन बना रहा होता है स्टेटिन मोनास्कस परफ्यूरियस मोना चाहती है कि मेरी बॉडी में कम से कम कोलेस्ट्रॉल हो है ना लड़कियां भाई तेल खाने से दूर भागती है ना तो मोना भैया डाइट कॉन्शियस है तो मोना कोलेस्ट्रॉल बनने को इनहिबिट कर रही है अपनी बॉडी में मोनास्कस परप्यूरियस थोड़ा बहुत हिंट ले लो तो पेपर में चीजें काम आती हैं और कुछ नहीं थोड़ा सा रिकॉलिंग में आसान होता है इन सब चीजों को पढ़ना बाकी कोई दिक्कत नहीं है है ना चलो भाई सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले थोड़ा एनसीआरटी में घुस जाया जाए और थोड़े से कुछ सवाल कर लिए जाए देखिए एस्परजिलस क्या बनाता है सिट्रिक एसिड बनाता है इट्स अ फंगस एस्कोमाइसिटीज है सिट्रिक एसिड बनाता है एसिटोबैक्टर एसिटी क्या बनाएगा नाम में ही एसिटो है एसिटिक एसिड बनाएगा क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम नाम में ही ब्यूटैरिक है तो ब्यूटैरिक एसिड बनाएगा लेक्टोबेसिलस नाम में ही लेक्टो है तो लेक्टिक एसिड बनाएगा यह है आपके ऑर्गेनिक एसिड जिससे सवाल पूछा जाता ही जाता है ईस्ट जो है सेक्रोमाइसिस आपका क्या करता है बेकर्स ईस्ट है तो आपका डो बनाएगा ब्रेड बनाएगा और रिवर्स ईस्ट है तो इथेनॉल बनाएगा लाइपेजिस तोड़ते हैं यानी ऑयल को तोड़ते हैं तो इनको आप डिटर्जेंट में यूज कर सकते हो ये आपके ऑयल को रिमूव कर रहे होंगे ऑयल स्टेन्स को हटा रहे होंगे आपके कपड़ों पे से जो बॉटल में जूस मिलता है हमको मार्केट में वो ज्यादा क्लियर होता है यूनिफॉर्म होता है क्योंकि इसमें पैक्टिनेज होते हैं जो पैक्टिन को डाइजेस्ट करते हैं और आपका प्रोटीज होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे बनता है भैया स्ट्रेप्टोकोकस से बनता है कोकस मतलब ये एक बैक्टीरिया है तो ये क्लॉट बस्टर का काम करता है वो पेशेंट जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है मायोकार्डियल इंफॉक्शन हो सकता है इनको ये बचाता है साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये कौन बनाएगा साइक्लोस्पोरिन स्पोर वर्ड यहां पर आ रहा है तो ये कौन बनाएगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बनाएगा स्पोर शब्द यहां पर भी आ रहा है एक इम्यूनो सपेसिव एजेंट है जो ऑर्गन रिजेक्शन को रोकता है स्टेटिन कौन बनाएंगी मोना जी बनाएंगी है ना क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़े तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट होते हैं या आपके कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकते हैं कॉम्पिटेटिवली जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है उसके साथ कॉम्पिटेटिवली बाइंड कर जाता है स्टेटिन और बनने से रोकता है आपके कोलेस्ट्रॉल को यहां तक क्लैरिटी है सवाल सॉल्व करे जाए यहां तक सब कुछ ठीक है भाई सवाल सॉल्व करे जाए फटाफट बताइए आइए दोस्त पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा इडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसिव मॉलिक्यूल साइक्न ए सिर्फ नाम से तोड़ सकते हो पूरे के पूरे सवाल को सिर्फ नाम से तोड़ सकते हो साइक्लोस्पोरिन मैंने क्या बताया स्पोर स्पोर ढूंढ लो अब देखो कहां कहां आ है। मिलते जुलते नाम कितने ही हो सकते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलिसपोरम अभी अभी बताया था स्पोर शब्द यहां पर आ रहा है बाकी कहीं पर भी स्पोर शब्द नहीं आ रहा है इजीली तोड़ लिया और आपको चार नंबर नीट एग्जामिनेशन में मिल गए सिर्फ नाम से ही यानी सवाल से जवाब ढूंढा और चार नंबर हमको नीट एग्जामिनेशन में मिल गए और बताओ क्या चाहिए जीवन में नाइंटी एट परसेंट लोगों ने सही किया है यार खतरनाक अगला सवाल देखिए फटाफट बताइए एस्पर जिलस नाइगर एसिटोबैक्टर एसिटी क्लोस्टेडियम ब्यूटाइलिकम लेक्टोबेसिलस सेम नाम से टूटेगा मतलब आपको अगर कुछ ना भी समझ में आए पूरे चैप्टर में तो भी आप इसको नाम से कर सकते हो लेक्टोबेसिलस क्या बनाएगा लेक्टिक एसिड बनाएगा लेक्टोलेक्टो तो डी का क्यू हो गया डी का क्यू एक में ही है चार उत्तर आ गया भाई खेल खत्म और देख लो लेकिन फिर क्लोस्ट्रेडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाई आ रहा है यानी आपका ब्यूटाइरिक एसिड यह बनाएगा एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटो एसिटिक एसिड बनाएगा और आपका एस्पर जिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बना रहा था सारी चीजें लगाने के बाद आपका उत्तर डी ही आएगा फॉर श्योर ये आपका उत्तर हो गया दैट इज डी अराउंड 87 सेवन परसेंट लोगों ने सही कर दिया है इस उत्तर को आगे देखो भैया और नहीं ये आप अभी नहीं कर पाओगे ये आ जाओ भाई मैच द फॉलोइंग कॉलम्स सेम वही उत्तर आ गया आपका देखो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम स्पोर तो क्या बनाएगा आपका साइक्लो स्पोरिन ए बनाएगा इसका यह हो गया भैया बी का पी हो गया बी का पी एक में ही है उत्तर ही आ गया खेल ही खत्म मैच द फॉलोइंग द्वेशन की सबसे खास बात यही है आपको कुछ करना ही नहीं होता एक भी अगर आपका मैच कर गया आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको मिल जाएगा ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक ब्यूटायरिक एसिड एसिड बनाएगा बनाएगा मोनास्कस परप्यूरियस मोनास्कस क्या चाहती है कि उनकी बॉडी में कम कोलेस्ट्रॉल हो तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट स्टेटिन एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड उत्तर तो आपका वही आना है जो हमको पहले ही मिल गया था आपका उत्तर आ जाएगा ए करेक्ट है 84 परसेंट यानी लगभग 85 परसेंट लोगों ने सही कर दिया है बहुत शानदार चीज है और आगे देखो भैया वही सवाल घूम घुमाकर बार बार पूछा जा रहा है फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड कौन से माइक्रोब को यूज किया जाता है सिट्रिक एसिड बनाने के लिए लेक्टोबैसिला सिट्रिक एसिड क्यों बनाएगा लेक्टिक एसिड बनाएगा सैक्रोमाइसिस क्या बनाएगा अल्कोहल बनाएगा Butylicum, नाम में butylic है तो क्या बनाएगा ब्यूटैरिक एसिड बनाएगा एसपर जिलस बचा आपका सिट्रिक एसिड बनाएगा यानी आप एलिमिनेशन से भी इसको कर सकते थे बिना किसी प्रायर नॉलेज के आप सिर्फ एलिमिनेशन से भी इस सवाल का सही जवाब निकाल सकते थे और 95% परसेंट लोगों ने निकाल भी लिया है बहुत शानदार यहां देखो ये सेम सवाल रिपीट हुआ है भैया साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनेगा स्पोर शब्द देख लो ट्राइकोडर्मा पॉलिसोरम से बनेगा बिल्कुल बनेगा उत्तर क्या हो गया आपका थ्री हो गया पोल लगाने की भी जरूरत नहीं अभी किया था 2022 में भी आया था 2020 में फिर रिपीट हो गया यानी इस चैप्टर से अच्छे सवाल बहुत कम बनते हैं रिपीटेटिव सवाल ज्यादा बनते हैं तो आपको उन्हीं पर फोकस करना है पूरा चैप्टर अगर हम आज पढ़ लेंगे एक भी सवाल हमारा बाहर नहीं जाएगा फॉर श्योर आराम से इस चीज को हम लोग समझें करेक्ट है भाई और देखो ये भी सेम सेम सी चीज है करके देख लेते हैं एसिटोबैक्टर एसिटी नाम में ही एसिटो है एसिटिक एसिड बनाएगा है ना सेक्रोमाइसिस सरवाइसी क्या बना सकता है आपका बेकर सीस्ट है तो ब्रेड बना लेगा एस्परजिलस नाइगर क्या बनाएगा आपका सिट्रिक एसिड बना लेगा और लेक्टोबैसिलस आपका क्या बना लेगा लेक्टोबैसे आपका क्या बना लेगा लेक्टिक एसिड बैक्टीरिया है कर्ड बना लेगा दूध से दही जमा देगा यानी चीज इनमें से कोई नहीं बना रहा ना इसमें प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी है जो स्विस चीज बना ले ना आपका पेनिसिलियम आपका रॉक्यूफर्टी है ना कॉम बर्टी है तो चीज कोई नहीं बनाएगा बाकी सारे उत्तर आपके यहां पर आ जाते हैं देख लो भैया कहां पर क्या मैच कर रहा है डी से टी मैच कर रहा है डी से टी दो में मैच कर रहा है वन और थ्री हमारे एलिमिनेट हो गए सी से आपका आर मैच कर रहा है सी से आर कहां मैच कर रहा है सी से आर दोनों में मैच कर रहा है नहीं मिला उत्तर बी से आपका एस मैच कर रहा है बी से एस आपका कहां मैच कर रहा है सिर्फ टू में उत्तर क्या हो जाएगा टू हो जाएगा एकदम सही है कुछ करना ही नहीं पड़ा सवाल आया और बोला भाई चार नंबर दे दूं तुमको तुमने कहा हाँ दे दो तो देके चला गया दैट सिंपल च ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोवर करने का काम किसका है मोनाजी क्या बना रही थी अपनी बॉडी में क्या बनवा रही थी मोनाजी स्टेटिन कर रही थी आपके कोलेस्ट्रोल को बढ़ने नहीं दे रही थी स्टेटिन बना रही थी मोनाजी है लाइपेज क्या करता है डिटर्जेंट में काम आता है ऑयली स्टेन को तोड़ता है स्टेप्टोकाइनेस क्या करता है क्लॉट बस्तर है िन क्या है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है बचा क्या स्टेटिन जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट आपका हो जाएगा मानते हो उत्तर क्या हो गया आपका बी हो गया बी हो गया 91 परसेंट लोगों ने एकदम सही कर दिया है यह है भैया आपकी बात बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या कोई परेशानी कोई तकलीफ बताओ भैया यहां तक कोई भी दिक्कत है तो झटपट यहां तक किसी को कोई समस्या अगर नहीं है तो तुनिक तुनिक या तारा रारा रा इन द चैट सेक्शन प्लीज जिससे कि हम लोगों को आइडिया लग जाए कि वी आर गुड टू प्रोसीड अहेड हम लोग तैयार हैं हम लोग आगे इस चैप्टर को और भयंकर तरीके से फोड़ने वाले हैं फटाफट बता दीजिए क्या सब कुछ सही है लीडर बोर्ड दिखा दीजिए सर फटाफट देख लो यार है ना देखिए भाई यार ये बच्चा है ये चाइनीज बच्चा हमेशा टॉप करता है भाई औिंग वेरी गुड मेरे भाई अपनी क्लास में तो ऑयिंग भाई का ही जलवा रहता है गुरु इस बार थोड़ा रैंक इंप्रूव करके आए हैं सेकेंड नंबर पे ऐश्वर्या दही इतना घुसो चैप्टर में कि नाम ही दही रख लो भैया आज दही प्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा दूध से दही जमाया दीदी ने नाम ही दही रख लिया वेरी गुड यह डेडिकेशन हमको बहुत पसंद आई ऋतिक यादव भाई यहां पर हैं शिवानी मौर्य यहां पर हैं दीपक गाबा यहां पर है, है ना है ना गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड ये भी साइंटिफिक है गावा भैया हमारे स्नेहा कुमावत यहां पर है कनिका शर्मा यहां पर है मानसी भट्ट पर है प्रिया तिवारी मानसी गवित मोहित जयसवाल नेहा भोया सुषमा धकाने और नेहा सबा बाकी यार नीचे देखते रहना किसी का और का नाम आए तो बहुत अच्छी बात है है ना चलो डन डन लीडर बोर्ड आए भाई <laughs> <laughs> एक पूछ रहे सर मेरा नाम कहाँ है अरे कुछ करो तो नाम आए ना भैया मैं बैठ के थोड़ी लिख रहा हूं यार <laughs> तो मुझे मुझे इसके लिए दोष ना दिया जाए दिस इज़ ऑल टेक्नोलॉजी माई फ्रेंड्स इसमें मेरा हाथ पैर अंगूठा नाखून कुछ नहीं है इस पूरे प्रोसीजर में यह तुमने जो किया उस हिसाब से जो पॉपअप हुआ वो मैंने आपको दिखाया मेरा कुछ भी नहीं है इसमें मेरा कोई लेना देना है ही नहीं तो मुझे इसके लिए ब्लेम ना किया जाए दोस्त है ना हो सकता है आपके सारे क्वेश्चन सही हो इसमें फिर टाइम का भी कुछ इशू रहता है कि किसने कम टाइम में बताए है ना यहां अगर आप देखोगे तो टाइम भी रहता है कि एवरेज टाइम अगर आप देखोगे तो साढ़े तीन सेकंड में भैया ने कर दिया काम है ना तो यहां पर टाइम का भी कुछ इशू रहता है तो हो सकता है आपने सारे सवाल सही भी बताए हो राइट लेकिन थोड़ा टाइम लग गया हो देखो यहां पर करेक्ट आंसर पांच ये जो सारे टॉप रैंकर्स हैं सबके ही सारे उत्तर सही है है ना देखो एंड तक भाई साहब कहां तक क्वेश्चन अटेम्प्टेड पांच करेक्ट आंसर पांच कईयों के किस रैंक तक देखो तीस रैंक तक सबके ही है, है ना दैट्स वाई तो हो सकता है कि आपका नाम हो लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो है ना चलो भाई बढ़िया कोई फर्क नहीं पड़ता इन छोटी मोटी चीजों से सच बता रहा हूं मैं तो दिखाता ही नहीं हूं कभी लीडर बोर्ड ये अभी मैं पिछले एक दो क्लास से करने लगा हूं मेरे को इसमें जेनुअली कोई इंटरेस्ट नहीं है कामखा बच्चों में होड़ लग जाती है बच्चे खुद ही मतलब यू नो फिर जल्दी बताने के चक्कर में गलती करते हैं मैं इस चीज के थोड़ा सा अगेंस्ट रहता हूं मेरा यह है कि आप लेट बता दो सही बता दो सटीक बता दो सवाल देखो और उसके बाद आराम से उसके बारे में चर्चा करो अब हम थोड़ी सफाई की बात कर लेते हैं सफाई अभियान शुरू करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे कई सेंचुरी से यानी कई सौ सालों से सीवेज का ट्रीटमेंट उसी तरीके से हो रहा है जैसे आज होता है और कोई मैन मेड टेक्नोलॉजी माइक्रोब्स को रिप्लेस नहीं कर पाई है यानी सीवेज को ट्रीट करने में यानी सीवेज को साफ करने में माइक्रोब्स का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है और इसके लिए जो प्लांट लगाए जाते हैं वो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्लांट का मतलब मैं यहां पर पेड़ पौधे की बात नहीं कर रहा हूं प्लांट का मतलब यहां पर क्या है प्लांट का मतलब यहां पर है एक पूरी की पूरी मशीनरी जिसमें सीवेज प्रोसेस होता है उसे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं करेक्ट तो सीवेज होता क्या है सबसे पहले तो ये देखो आपको पता होना चाहिए ना सीवेज है क्या अगर मैं एक शब्द में बताऊं बहुत कम शब्दों में अगर मैं आपके सामने रखूं, व्हाट इज सीवेज देन इट इज म्यूनिसिपल वेस्ट हमारे घर की गटर की टंकी से जो जा रहा है माल बाहर गटर की नाली में दैट इज सीवेज हम लोग बोलते हैं ना यार घर के बाहर सीवर लाइन बिछाने आए हैं है ना हमारे घर के पास से सीवर लाइन भी जाती है तो इट जब मैं भी अपना घर 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 बना रहा था तो always make sure कि घर के पास कुछ essential commodities होनी चाहिए में पानी की एक लाइन कनेक्टेड होनी चाहिए जिससे कि बिजली का कनेक्शन होना चाहिए इंटरनेट वहां पर अवेलेबल होना चाहिए कुछ बेसिक असेंशियलिटीज हैं जो आपको देखनी ही देखनी होती है राइट तो यहां पर सीवेज क्या है? इट इज म्यूनिसिपल वेस्ट जो आपके टॉयलेट से निकलता है इट इज दैट म्यूनिसिपल वेस्ट और टॉयलेट से निकलता है तो यहां पर सिर्फ यूरिन को कंसिडर नहीं किया जाएगा टॉयलेट से निकलता है मतलब सब कुछ एक नंबर दो नंबर सब वो आपका म्यूनिसिपल वेस्ट कहलाता है तो इस म्यूनिट म्यूनिसिपल म्युनि, म्युनि, वेस्ट में होता क्या क्या है भैया ऑर्गेनिक मैटर होता है ऑर्गेनिक मैटर होता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्लस यहां क्या होते हैं माइक्रोब्स होते हैं विच आर डिजीज कॉजिंग यानी आपके कई ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं अगर डायरेक्टली ये जो आपका सीवेज वाटर है यह आप नदी में रिलीज कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा नदी का कबाड़ा हो जाएगा वहां पर आपने बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया है और कई सारे डिजीज कॉजिंग पैथोजन हैं तो उस पानी में आप कोई नहाएगा उस पानी को अगर कोई कंज्यूम करेगा तो अल्टीमेटली बीमार हो जाएगा वो व्यक्ति तो हम डायरेक्टली कभी भी सीवेज को पानी में नहीं छोड़ सकते नदी में नहीं छोड़ सकते हमें उसे पहले प्रोसेस करना होता है एंड फॉर दैट प्रोसेस वी हैव सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे पास क्या है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है सो ये जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है दैट शुड बी प्रोसेस्ड बिफोर रिलीजिंग इन रिवर है ना प्रोसेस्ड बिफोर रिलीजिंग इन रिवर तब जाके आपके रिलीज किए जाते हैं रिवर में तो आपको उससे पहले कहां भेजना है इनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजना है एस में भेजना है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजना है करेक्ट और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये आपका दो तरीके से आपका इस सीवेज को ट्रीट करता है पहला आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट पहला है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको आप क्या कहते हो फिजिकल ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट और दूसरा है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या हुआ मेरे भाई एक स्विमिंग पूल है एक स्विमिंग पूल है उस स्विमिंग पूल को साफ करने का सारा का सारा कार्यभार आपके कंधों पर रख दिया गया कि यार इस स्विमिंग पूल को साफ करो आप क्या करोगे सबसे पहले क्या वो कचड़ा रिमूव नहीं करोगे जो बहुत एविडेंटली आपको दिखाई दे रहा है उस स्विमिंग पूल में पांच छह पत्ते गिर गए हैं उस स्विमिंग पूल में किसी बच्चे का कच्चा छूट गया है उस स्विमिंग पूल में किसी और बच्चे का फुटबॉल छूट गया है क्या भैया नेट डाल करके एक डंडे पे एंड में नेट बना होता है क्या उससे पहले उस पत्ते को अलग नहीं करोगे जाले को करेंगे सर क्या वहां से भैया बच्चे का फुटबॉल नहीं उठाओगे उठाएंगे भाई जो कचरा एविडेंटली दिखाई दे रहा है आंखों के सामने है उसको तो अलग कर लो मेरे भाई फिजिकल ट्रीटमेंट तो कर लो देन आफ्टर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे फिर पानी की एक्चुअल सफाई पे जाएंगे कि इसमें क्लोरीन डालना है फ्लोरीन डालना है बाकी केमिकल ट्रीटमेंट बाद में लेकिन सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है वो तो खत्म कर लो तो सीवेज में जो मेजर ऑर्गेनिक मैटर है इसके अलावा और भी तो चीजें होंगी भाई गटर की नाली में किसी की चप्पल गिर गई हवाई चप्पल क्या नॉर्मली फिल्ट्रेशन से नहीं निकाल लोगे जाला फेंक के नहीं निकाल लोगे उसको नाली में फंस जाने दोगे नहीं सर ऊपर की ऊपर निकाल लेंगे किसी बच्चे की प्लास्टिक की बॉल गिर गई यार ये तो सब लोग रिलेट करोगे ना यार यार बचपन में कितना क्रिकेट खेला है हमने नाली में बॉल गिर जाती थी तो हमारे एम्पायर खुद जाते थे एक एम्पायर जो एम्पायर भी है जो विकेट कीपर भी है वो दोनों एंड से बॉलिंग भी कर सकता है बैटिंग भी कर सकता है दूर का छक्का मार दिया तो नाली से बॉल भी उठा के लेके आएगा उसको टप्पे खिलाते खिलाते जिससे कि भैया सारा नाली का गंध जो है वो रास्ते में ही झड़ जाए सूखी हुई बॉल मिले बॉलर साहब को है ना तो उसको खूब टप्पे मारते हुए लेके आते थे ना पट 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 जिससे कि बॉल एकदम साफ हो जाए तो व्हाट इज इज दिस? दिस दिस फिजिकल ट्रीटमेंट भाई जो दिख रहा है वो तो कर लो केमिकल ट्रीटमेंट में घुसने की इतनी क्या जल्दी है तो आप क्या करो आपके पास गंदा पानी है वट इज दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वट इज दिस सीवेज गंदा पानी इस गंदे पानी में कोई ऐसी चीज होगी जो तैर सकती होगी वो ऊपर तैरेगी और कोई ऐसी चीज होगी जो डूब सकती होगी भाई अगर आप एक ग्लास पानी में मिट्टी मिलाएं तो मिट्टी सारी नीचे सेडिमेंट हो जाएगी कोई पत्थर का टुकड़ा है नीचे सेडिमेंट हो जाएगा तो कई चीजें नीचे सेडिमेंट हो जाएंगी और कई चीजें ऊपर फ्लोट करती रहेंगी या नीचे की चीज और ऊपर की चीज तो निकालो जिससे कि बीच का पानी बच सके मानते हो राइट मानते हो ना भाई यहां पर यही चीज हम लोग कर रहे हैं आराम से देखना यह है आपका यह है आपका गंदा पानी यह है आपका गंदा पानी इट इज सीवेज ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा मतलब ऐसे बोलोगे सर क्या कर दिया है आपने आराम से सुनना मेरे दोस्त सुनना बड़े आराम से पर यह सीवेज है यानी गंदा पानी है यानी कई चीजें यहां पर नीचे की साइड आकर के सेडिमेंट हो जाएंगी और कई चीजें यहां पर ऊपर तैरती रहेंगी मानते हो और बीच में आ जाएगा आपका पानी बीच में आ जाएगा आपका पानी ऊपर <coughs> जो आपकी चीजें हैं इसको आप फिल्ट्रेशन से सही कर लोगे ऊपर जो आपकी चीजें हैं ये आप फिल्ट्रेशन से निकाल लोगे भाई एक जाला फेंको और फिल्ट्रेशन से इनको निकाल लो यहां पर जो नीचे चीजें हैं जैसे कि आपका सॉइल है मिट्टी है ग्रिट है कीचड़ है है ना स्मॉल पेबल्स है छोटे छोटे आपके पत्थर के टुकड़े हैं ये आपके सेडिमेंट हो जाएंगे यानी नीचे बैठ जाएंगे करेक्ट है भाई कुछ चीजें नीचे बैठ गई कुछ चीजें ऊपर चली गई और बीच में जो बचा यह है हमारा पानी यह है हमारा पानी इट्स कॉल्ड एज इफ्लुएंट इट्स कॉल्ड एज इफ्लुएंट करेक्ट यह हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है आराम से देखो मैंने क्या किया मेरे पास गंदा पानी था उसके ऊपर कुछ चीजें तैर रही थी मैंने वो आपकी रिमूव कर दी वाया फिल्ट्रेशन और नीचे कुछ चीज जमा हुई जिसको मैंने क्या बोल दिया सेडिमेंट बोल दिया या मैंने इसको बोल दिया प्राइमरी स्लज नीचे जो बैठ जाता है इसको स्लज कहा जाता है यह है आपका प्राइमरी स्लज और इसके अलावा बीच का जो पानी बचा ऊपर नीचे की गंदगी तो हट जाएगी बीच का जो पानी बचा जिसको मैं आगे ले जाना चाहता हूं साफ सफाई के लिए उसे मैं कहता हूं इफ्लुएंट इसे मैं क्या कहता हूं इसे मैं कहता हूं इफ्लुएंट राइट ये इफ्लुएंट वो पार्ट है जो आपका ऊपर रह गया इसको मैं क्या करना चाहता हूं इसको मैं आपका आगे ट्रीट करना चाहता हूं सो दिस फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन दिस इज वॉट दिस इज प्राइमरी ट्रीटमेंट दिस इज वॉट दिस इज प्राइमरी ट्रीटमेंट दिस इज प्राइमरी ट्रीटमेंट करेक्ट है भाई प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया अब मैं क्या करूंगा अब मेरे पास ये जो आपका इफ्लुएंट था अब मेरे पास ये जो आपका इफ्लुएंट था मैं इसको एक टैंक में भेजूंगा इस टैंक का नाम क्या है आराम से सुनना एरेशन टैंक इस टैंक का नाम क्या है एरेशन टैंक नाम से क्या समझ में आ रहा है नाम से यह समझ में आ रहा है मेरे भाई कि यहां एयर देने की बात करी जा रही है एरेशन टैंक यानी इस टैंक में एयर पंप करने की बात करी जा रही है तो इस टैंक में क्या होगा इस टैंक में एक आपका इनलेट होगा जिससे मैं क्या कर सकूं? जिससे मैं एयर को इसके अंदर पंप कर सकूं? जिससे मैं एयर को इसके अंदर पंप कर सकूं अगर मैं एयर को इस एरेशन टैंक में पंप कर देता हूं तो अंदर आपकी ऑक्सीजन खूब बढ़ेगी ऑक्सीजन खूब बढ़ेगी अब अगर ऑक्सीजन बढ़ेगी आराम से सुनिएगा अब अगर ऑक्सीजन बढ़ेगी तो इस पानी में क्या क्या था इस पानी में था ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब अगर ये ऑक्सीजन बढ़ेगी तो जो एरोबिक माइक्रोब होंगे जो ऑक्सीजन में ग्रो कर सकते हैं क्या वो अपनी सेल डिवीजन शुरू करेंगे यस yes, सर करेंगे और सेल डिवीजन के दौरान क्या चाहिए होता है इन माइक्रोब्स को एनर्जी चाहिए होती है यस yes. तो एनर्जी कहां से मिलेगी खाने पीने की चीजों से मिलेगी इनके सामने ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है क्या ये माइक्रोब ग्रो करते टाइम इसी ऑर्गेनिक मैटर को खा जाएंगे यस yes, सर खा जाएंगे इनके सामने जो आएगा उसी को खा जाएंगे तो यहां पर अगर आप देखें तो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं यहां पर एंड फंगस एरोबिक एंड हेट्रोट्रॉफिक भाई फंगस तो होता ही हेट्रोट्रोफिक है खुद का खाना खुद नहीं बना सकता एरोबिक एंड हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया एंड फंजाई ग्रो ऑन दिस ऑर्गेनिक मैटर एंड मेक फ्लॉक्स फ्लॉक्स क्या होते हैं एफ से शुरू हो रहा है फ्लॉक तो हमेशा याद रखना यहां पर फंगस के फिलामेंट्स है फंगस फिलामेंट्स यानी फंगस के हाइफे हैं यहां पर प्लस बैक्टीरिया है इनकी जुगलबंदी को हमने फ्लॉक कहा तो यहां पर ऑक्सीजन है खूब तो यहां पर क्या हो जाएंगे फंगस अपने फिलामेंट ग्रो करने शुरू कर देंगे और इसी के साथ साथ यहां पे और क्या आ जाएंगे बैक्टीरिया भी आ जाएंगे तो फ्लॉक्स बन गए यहां पर फ्लॉक्स बन गए यहां पर करेक्ट है फ्लॉक्स बन गए अब ये जो फ्लॉक्स है ये क्या करेंगे ये खाना स्टार्ट कर देंगे ऑर्गेनिक मैटर को इस पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है इसको खाना शुरू कर देंगे तो एक्चुअल में क्या होगा जब ये बैक्टीरिया और फंगस ग्रो कर रहे होंगे तो जितना ज्यादा इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उतनी ज्यादा इनको भूख लगेगी उतना ज्यादा ये ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे तो विद टाइम बैक्टीरिया और फंगस बढ़ते जाएंगे इस पानी में और विद टाइम ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा इसको हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होना बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होना या बीओडी कम होना ऑक्सीजन की डिमांड कम होना भाई सबसे पहले जब मुझे ऑक्सीजन मिला मैं क्या चाहूंगा कि मुझे और ऑक्सीजन दिया जाए जिससे कि मैं डिवाइड करूं और बहुत सारा खाना खाऊं मुझे और ऑक्सीजन दिया जाए जिससे मैं डिवाइड करूं और खाना खाऊं लेकिन जब धीरे धीरे ये सारा खाना खत्म हो जाएगा ये सारा ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा तो क्या मैं अब और ऑक्सीजन मांगूंगा भाई खाना ही खत्म हो चुका है अब अगर मैं और ज्यादा डिवाइड करूंगा तो मेरे लिए खाना अवेलेबल नहीं है मैं भूख से मर जाऊंगा इट्स बेटर कि मैं डिवाइड करना बंद कर दूं और ऑक्सीजन लेना बंद कर दूं तो मेरी ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी यानी जब बीओडी कम हो जाए तो इसका मतलब यह है जब बीओडी कम हो जाए इसका मतलब यह है कि पानी साफ हो चुका है इसका मतलब यह है कि पानी आपका साफ हो चुका है ये मतलब है बीओडी कम होने का जब ये बैक्टीरिया और फंगस ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहे थे इसका मतलब इनको और डिवाइड करना है इनको और खाना खाना है इसका मतलब खाना अच्छा खासा है पानी के अंदर मिला हुआ गंदगी अच्छी खासी है लेकिन जब वो गंदगी धीरे धीरे कम हो जाती है जब ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे कम हो जाता है तो आपके फंगस बैक्टीरिया भी इसको खाना बंद कर देते हैं बोलते हैं हमें और ऑक्सीजन मत दो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो गई है करेक्ट। पर आपने एरेशन टैंक में देखा फ्लॉक बने और आपका ऑर्गेनिक मैटर हो गया कम अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर हो गया है कम तो ये पानी हो गया है कंपैरेटिवली साफ अब इस पानी में एक ही गंदगी है अब इस पानी की गंदगी क्या है खुद बताओ ऑर्गेनिक मैटर तो खा गए सारे के सारे बैक्टीरिया और फंगस क्या अब ये पानी भेज सकते हैं हम लोग आगे आगेज ट्रीटमेंट बोल करके आगे भेज सकते हैं नदी में नहीं मेरे भाई ये बैक्टीरिया और फंगस थे ये कैसे थे पैथोजेनिक थे डिजीज कॉजिंग थे हम क्या कह रहे थे ऑर्गेनिक मैटर और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है इसके अंदर उन्हें डिजीज कॉजिंग माइक्रोब का तो हमने नंबर बढ़ाया है यानी यहां पर ये जो फ्लॉक है अब ये तो असली गंदगी है ना भाई ये जो फ्लॉक है ये तो असली गंदगी है तो हम क्या करते हैं इस फ्लॉक को हम क्या करते हैं इस फ्लॉक को एक और टैंक में डालते हैं एक और टैंक में डालते हैं और इस टैंक को हम क्या कहते हैं इस टैंक को हम क्या कहते हैं इस टैंक को हम कहते हैं अन स्लज डाइजेस्टर एरोबिक स्लज डाइजेस्टर यहां से जो आपका आ रहा है फ्लॉक इसे हम क्या कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज क्योंकि आपका डाइजेस्ट कर सकता है इस पूरे के पूरे ऑर्गेनिक मैटर को तो इट तो इज एक्टिवेटेड स्लज इसको हमने यहां डाल दिया यानी यहां पर आपके फ्लॉक मौजूद है यहां आपके फ्लॉक मौजूद है करेक्ट यहां आपके फ्लॉक मौजूद है बैक्टीरिया और फंगस अब मुझे बताइए आराम से बताइए देखना यार बायोलॉजी कितनी प्यारी चीज है यहां पर ऑक्सीजन दिया जिससे एरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक फंगस ज्यादा ग्रो कर सके यहां पे अनएरोबिक कंडीशन दे दी और अन एरोबिक कंडीशन दे दी तो ये तो एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस हैं तो ये क्या हो जाएंगे मर जाएंगे एरोबिक फ्लॉक डाय एरोबिक फ्लॉक्स मर जाएंगे यहां पर कौन ग्रो करेगा फिर इनके ऊपर इनके ऊपर कौन ग्रो करेगा अनएरोबिक बैक्टीरिया आप कुछ अन एरोबिक बैक्टीरिया इनके ऊपर ग्रो करा दो आप कुछ अनएरोबिक बैक्टीरिया इनके ऊपर ग्रो करा दो तो अन एरोबिक बैक्टीरिया है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में अनएरोबिक कंडीशन में ये ग्रो करेंगी और इनको खा जाएंगी ये जो मरते जा रहे हैं इनको खा जाएंगे यानी अब पानी में क्या है अब पानी में सिर्फ अन एरोबिक बैक्टीरिया मौजूद है बाकी पूरा का पूरा पानी साफ हो चुका है सर अब इस अनएरोबिक बैक्टीरिया को कैसे मारेंगे मारना ही नहीं है रोबिक कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में छोड़ दो खुद मर जाएंगे स्कीम अच्छी है सर स्कीम तो अच्छी है भाई सबसे पहले हमारे पास पानी था जिसमें सारा का सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है और जिसके अंदर खूब कूड़ा कचड़ा है डिजीज कॉजिंग पैथोजन है मैंने नीचे जो मिट्टी गर्दा जमा हुआ उसको हटा दिया और ऊपर किसी का जूता चप्पल पड़ा था उसको हटा दिया फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन नाम के प्रोसेसिस से यानी पर मैंने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया अब ये जो बीच का पानी बचा इसमें एक्चुअल में ऑर्गेनिक वेस्ट है प्लस इसमें आपका डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है मुझे इसको हटाना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा इस पानी के अंदर इस गंदे पानी के अंदर जो माइक्रोब है उसी को यूज करूंगा ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए यहां माइक्रोब थे आपके बैक्टीरिया फंगस थे मैंने इनको क्या बोला चलो भैया खूब ऑक्सीजन दूंगा तुम्हें जितना ग्रो कर सकते हो ग्रो करो जितना रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस कर सकते हो उतना रिप्रोड्यूस करो खाने पीने की चीजें आपके आपके पास है, आपके पास है है ऑर्गेनिक मैटर तो ये खूब खाएंगे पिएंगे खूब रिप्रोड्यूस करेंगे सारा ऑर्गेनिक मैटर खा गए और ये खुद मोटे मोटे हो गए अपना नंबर बढ़ा लिया इन्होंने खूब तो अब इस पूरे पानी में इकलौती गंदी जो चीज बची है वो है ये ये बैक्टीरिया और फंगस इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज जैसे दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए पहले दही ही चाहिए वैसे ही जब आपको फर्दर कभी पानी को साफ करना पड़ा तो थोड़े बहुत फ्लॉक तो चाहिए ना तो इसको वापस से इसमें डाल भी सकते हो फ्लॉक यूज कर सकते हो ठीक है अब ये जो आपके एरोबिक बैक्टीरिया फंगस है इनको हमने डाला अनैरोबिक स्लज डाइजेस्टर में ये तो एरोबिक थे तो अनैरोबिक जगह पर ग्रो नहीं कर पाएंगे ये अनैरोबिक वाले जो हैं इन सारे के सारे फंगस बैक्टीरिया को मार मार कर खा जाएंगे तो फ्लॉक सारे रिमूव हो गए बचे आपके सिर्फ और सिर्फ अनएरोबिक बैक्टीरिया और ये जो अन एरो बैक्टीरिया है मेरे दोस्त ये आप नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में लेके जाओगे तो दोबारा से ठीक हो जाएंगे मतलब यहां पर इस पानी में सिर्फ ये गंदगी बची हुई है अनएरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया जो थे यहां ग्रो नहीं कर पा रहे थे एनएरोबिक कंडीशन में तो अन एरो कैसे ग्रो कर पाएंगे एरोबिक कंडीशन में दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल तो जब नदी में आप इस पानी को छोड़ोगे तो यह अनएरोबिक वाले जो है ये सर्वाइव थोड़ी कर पाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये भी मर जाएंगे सिर्फ आपका साफ पानी बचेगा वो आपने छोड़ दिया है आपका नदिया के अंदर और आपका पानी हो गया है साफ ये है आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहां आपने एरोबिक बैक्टीरिया का और फंगस का इस्तेमाल किया फॉर डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यहां आपने अन बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया टू डाइजेस्ट एरोबिक बैक्टीरिया तो यहां ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहलाता है ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ये जो आपका फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन था ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट था यहां तक क्लियर मजेदार है भाई बहुत यस सर बहुत मजेदार है अब हमारी सरकार ने कई सारे ऐसे प्लान्स बनाए जिनसे हम अपनी नदियों को साफ रख सके तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने कई स्कीम्स निकाली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने कई स्कीम्स निकाली जिनमें से कुछ स्कीम्स थी गंगा एक्शन प्लान यानी जीएपी जिसमें हमें यह कहा गया कि गंगा नदी के आसपास खूब सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने चाहिए क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है जैसे जैसे घर घरौंदे सोसाइटी बढ़ रही है उस हिसाब से आपका सीवेज की क्वांटिटी तो बढ़ी लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का नंबर नहीं बढ़ा तो हमारा ये पर्पज है कि हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का नंबर भी बढ़ाएं, जिससे कि जो बढ़ता हुआ सीवेज है इसको हम आगे और ट्रीट कर सके एंड अल्टीमेटली हमको एक बेटर यहां पर सिस्टम देखने को मिल सके हम पानी को साफ सुरक्षित कर सके ये हमें देखने को मिला दिस इज अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट करेक्ट है एन में देखिए क्या लिखा हुआ है और फिर इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल टॉपिक्स पर पता नहीं क्यों इससे सवाल नहीं आते पिछले पांच साल में सिर्फ एक सवाल आया है जबकि अगर इससे कोई सवाल अगर बनाना स्टार्ट कर दे तो इट इज द बेस्ट टॉपिक जहां सबसे अच्छे सवाल बन सकते हैं कितने प्यारे प्यारे सवाल बने है ना और यहां पे अगर आप देखेंगे यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो अन स्लज डाइजेस्टर वाले जो अनएरोबिक बैक्टीरिया है ना ये जो अनरोबिक बैक्टीरिया है इन फ्लॉक्स पे अटैक करके क्या बनाते हैं अलग अलग गैसेस भी बनाते हैं अलग अलग गैसेस भी बनाते हैं प्रिडोमिनेंटली क्या तैयार करते हैं मीथेन सी एच फोर आपका हाइड्रोजन दैट इज एच टू आपका हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज एच टू एस आपका सीओ टू कि आगे चल के क्या बना सकती हैं गोबर गैस भी बना सकती हैं तो हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद वो है आपका गोबर गैस प्लांट या आपका बायोगैस प्लांट तो कई अनुबिक बैक्टीरिया आपके सेल्यूलोजिक मटीरियल पे ग्रो करते हैं अब ये जो बैक्टीरिया है इसकी यू you नो know, जो है वो थोड़ी अलग है इट इज ऑफ पेप्टीडोग्लाइकन ये जो आपका फंगस है इसकी सेलवॉल थोड़ी अलग है इट इज ऑफ काइटिन लेकिन कई बार ये प्लांट मटेरियल पे ग्रो करके उसको तोड़ते हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं एंड बनाते हैं अलग अलग गैसेस जिनसे आप बायोगैस तैयार कर सकते हो तो अगला टॉपिक हमारा यही है तो इसके बारे में खूब डिस्कशन कर रहे होंगे हम भी अभी के लिए हम देख लेते हैं कि एनसीआर के अंदर क्या लिखा हुआ है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में क्या लिखा हुआ है दोस्त देखिए मेजर कंपोनेंट जो है वेस्ट वाटर का यह है ह्यूमन एक्सक्रीटा बिकॉज इट इज म्यूनिसिपल वेस्ट तो उसमें हमारा एक्सक्रीटा तो होगा ही तो इस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को हम लोग क्या कहते हैं सीवेज कहते हैं इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है यानी हमारा एक्सक्रीटा भी होता है और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स भी होते हैं यानी पैथोजन भी होते हैं जो बीमारी कॉज कर सकते हैं तो इन बीमारी कॉज करने वाले माइक्रोब्स को और इतनी सारी गंदगी को हम लोग तो डायरेक्टली तो नदी में डिस्चार्ज नहीं कर सकते तो हमें इनको पहले ट्रीट करना होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जिससे इसको पानी को सेफ बनाया जा सके लेस पॉल्यूटिंग बनाया जा सके जिससे हमारी नदियां पॉल्यूट ना हो तो दो तरीके के हम लोग यहां पर ट्रीटमेंट करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो अगर आप देखें तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने फिजिकली जो दिखाई देने वाला कचड़ा था इसको रिमूव किया ऊपर ऊपर जो कचड़ा तैर गया उसे फिल्ट्रेशन से निकाल लिया और नीचे जो आपका कीचड़ मिट्टी बैठ गया यानी कि आपका कोई डबरी अगर ऊपर तैर रहा है तो उसको फिल्ट्रेशन से निकाल लिया और कीचड़ यानी आपका मिट्टी और छोटे छोटे कंकड़ जो नीचे बैठ गए उनको सेडिमेंटेशन से निकाल लिया है ना जो सारा कचरा नीचे बैठा है इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्लज और जो इफ्लुएंट है जो ऊपर रह गया जिसमें मेन पैथोजन और गंदा पानी है एक्सक्रीटा है उसे हम कहते हैं इफ्लुएंट तो इस इफ्लुएंट को हम अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे तो इस इफ्लुएंट को हम डालते हैं एरेशन टैंक में जहां हम खूब सारी ऑक्सीजन पंप करेंगे अ टैंक अगर आप ऑक्सीजन पंप कर रहे हैं तो एरोबिक माइक्रोब जो है इनका नंबर बढ़ जाएगा ये फ्लॉक्स बना लेंगे ये फंगस और बैक्टीरिया जो एरोबिक थे ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खूब ग्रो करेंगे और खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर खाएंगे यानी बीओडी को घटा देंगे तो आपका बैक्टीरिया और फंगस जो कि एरोबिक थे ये खूब ग्रो करेंगे और आपका मेजर पार्ट जो है आपका ऑर्गेनिक मैटर का इसको कंज्यूम कर लेंगे अगर ऑर्गेनिक मैटर आपका कंज्यूम हो रहा है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी तो आपका बीओडी कम हो जाएगा यानी पानी धीरे धीरे साफ हो जाएगा उसका ऑर्गेनिक मैटर हम खत्म करते रहेंगे राइट right? तो आपका बीओडी जब कम हो जाएगी तो आपके पानी में अब कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं बचा है सिर्फ और सिर्फ जो गंदगी बची है दैट इज फ्लॉक तो आप क्या करेंगे आप उस फ्लॉक को अब अनैरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देंगे पहले बीओडी ज्यादा थी यानी पानी गंदा था अब बीओडी कम है यानी आपका पानी साफ है तो आप क्या करेंगे अब यहां से जो आपके फ्लॉक आए इसको आपने कहा डाल दिया ये जो फ्लॉक है इसे एक्टिवेटेड स्लज हम लोगों ने बोला और इसको डाल दिया अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में कुछ अन एरोबिक बैक्टीरिया को मौका मिला भैया इन बैक्टीरिया और फंगस की जो एरोबिक इनको खा जाओ तो इनको खाने के चक्कर में उन्होंने मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस बनाई यानी बायोगैसेस बनाई और आपका ये जो एरोबिक बैक्टीरिया थे ये डाइजेस्ट हो गए एरोबिक फंगस डाइजेस्ट हो गए अन बैक्टीरिया जो बचे हुए हैं इनको जैसे ही आप नदी में छोड़ोगे हैं, तो ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ये खुद ही खत्म हो जाएंगे पानी आपका साफ हो गया है तो कई सालों से आपका कोई भी मैन मेड टेक्नोलॉजी आपके इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोसेस को चेंज नहीं कर पाई है इसमें फ्लॉक्स की जरूरत अनएरोबिक बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती ही पड़ती है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने भी कई प्लान्स बनाए हैं टू क्रिएट मोर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नियर सम रिवर्स जैसे कि यमुना एक्शन प्लान यमुना को सेफ करने के लिए और गंगा एक्शन प्लान गंगा को सेफ करने के लिए जिससे लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपके बनाए जा सकें ये हमें देखने को मिला यह आपका एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है काफी बड़ा है दूर से दिखाई दे रहा है ऊपर भैया ड्रोन से फोटो ली गई है यह जो आपको पूरी की पूरी एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग जो चैम्बर्स हैं कितने बड़े होंगे कोई आपका अनरोबिक स्लज डाइजेस्टर है है ना कोई आपका एरोबिक चबर है इस हिसाब से आपके खूब बड़े बड़े यहां पर प्लांट्स तैयार किए गए हैं दिस इज अज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत बड़ा होता है बहुत बड़ी जमीन के टुकड़े पर यह बनाया गया होता है आइए भैया एक ही सवाल है ये कर लेते हैं यहां पर आपके लिए टाइम है अच्छा खासा बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इन टू अन एरो स्लज डाइजेस्टर अनएरो स्लज डाइजेस्टर में अनएरो बैक्टीरिया के प्रेजेंस में हमने किसको तुड़वाया फ्लोटिंग डेब्रिज फ्लोटिंग डेब्रिस तो पहले ही हटा दी थी हमने फिल्ट्रेशन से इफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट इफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट को तो हमने एरेशन के लिए भेजा था अभी तो उसमें फ्लॉक जैसी कोई चीज तैयार ही नहीं हुई है उस इफ्लुएंट को जब हमने एरेशन के लिए भेजा तब फ्लॉक बने प्राइमरी स्लज तो आपका कचरा था जो नीचे बैठ गया था कीचड़ था जो नीचे बैठ गया था प्राइमरी ट्रीटमेंट में एक्टिवेटेड स्लज इसमें आपके फ्लॉक है इसमें एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस हैं जिसको हमने अन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा अन एरोबिक बैक्टीरिया से कहा इन एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस की बैंड बजा दो राइट तो यहां थ्री वुड बी द राइट आंसर सी वुड बी द राइट आंसर 98 परसेंट लोगों ने क्या बात है दोस्तों क्या बात है आपने एकदम सही कर दिया है इस सवाल को यह है आपका अभी तक का चैप्टर यह है आपका अभी तक का चैप्टर ठीक है मैं एक छोटा सा मैसेज कर लेता हूं एक जरूरी कॉल मेरे पास आया था मुझे सिर्फ दस सेकंड चाहिए आपके ठीक है दोस्त डन बस दस सेकंड मतलब दस सेकंड ही यहां तक सब कुछ क्लैरिटी है फटाफट बता दीजिए यहां तक सब कुछ क्लैरिटी है भैया सब कुछ मजे से समझ में आ गया है ओके सर एरेशन टैंक में अन कैसे बच गए अनएरोबिक थे ही नहीं एरेशन टैंक में और अगर होते तो भी नहीं बचते अन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में आपने खुद से कुछ अनुबिक बैक्टीरिया को ऐड किया है वो थे नहीं राइट right? वो थे नहीं भैया बीच में सैया हो गया बहुत अच्छी बात है यार कमाल शानदार चलो आगे बढ़ते हैं बायोगैस प्लांट के बारे में जिक्र कर लेते हैं ये टर्म पहली बार कहां सुनी थी मुझे ये बताओ ये टर्म पूरे सिलेबस में क्या हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अगर पढ़ चुके हैं तो कहां पढ़ चुके हैं मुझे एक बार कृपया बता दीजिए दोस्तों ये जो टर्म है बायोगैस या गोबर गैस अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम मोनेरा आर्टिकल था आपका आरकी बैक्टीरिया और उसमें स्पेसिफिकली मिथेनोजेंस अलग अलग प्रकार के आर के बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था थर्मो एसिडोफिल थे बैरोफिल थे एनसीआरटी में चलो बैरोफिल नहीं बैरोमो एसिडोफिल था आपका हेलोफिल था और उसी के साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था मिथेनोजन्स भी पढ़ा था यानी ऐसे बैक्टीरिया मिथेनोजन्स जो मिथेन को जनरेट कर सकते हैं और ये कहां पाए जा रहे थे गट ऑफ र्यूमिनेंट में पाए जा रहे थे ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हैं सेल्यूलोर्स खाते हैं प्लांट मटीरियल खाते हैं उनके र्यूमन के अंदर आपका क्या पाया जा रहा था आपका मिथेनोजेंस पाए जा रहे थे तो बायोगैस में मेन गैस क्या है मेन गैस इज मीथेन। मेन गैस इज मीथेन, जिसको सी एच फोर भी कहते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी गैसेस पाई जा सकती हैं अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले सारी गैसेस लिखी थी अगर आपको याद हो तो स्लज डाइजेस्टर में क्या क्या बन रहा था सी एच फोर बन रहा था सीओ टू बन रहा था हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा था एंड आपका हाइड्रोजन बन रहा था करेक्ट ये सारी गैसेस हो सकती हैं, हो सकती हैं सर राइट right? तो मेन गैस आपकी मिथेन है तो उसको बनाने वाले बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहेंगे बैक्टीरिया

मिथेनो बैक्टीरियम ऐसा बैक्टीरियम जो आपका मिथेन बनवा दे इसे मिथेनो बैक्टीरियम कहा जाता है तो ये क्या करते हैं मिथेनो बैक्टीरियम और बाकी मिथेनोजन दे ग्रो ऑन सेल्यूलोस एंड मेक डिफरेंट गैसेज लाइक दिस एंड मेक बायोगैस बायोलॉजिकल कई गैसेज बनाते हैं जिन्हें बायोगैस कहा जाता है और ये जो मिथेनोजन है और कहां पाए जा रहे थे ये जो मिथेनोजन थे और कहा पाए जा रहे थे इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स अलग अलग एनिमल्स जो हैं उनके गट के अंदर ये पाए जा रहे थे गट ऑफ र्यूमिनेट्स में पाए जा रहे थे तो अगर ये गट ऑफ र्यूमिनेंट में पाए जाते हैं अगर ये गट ऑफ र्यूमिनेंट में पाए जाते हैं तो इनके गोबर से ये जो गाय भैंसे हैं इनके गोबर से आप गोबर गैस भी तो तैयार कर सकते हो है ना तो ये फर्दर आपका क्या बना सकते हैं गोबर गैस बना सकते हैं तो गोबर गैस और बायोगैस सेम ही है क्योंकि उसमें बनेगी क्या मिथेन ही बनेगी क्योंकि दोनों जगह पाए जा रहे हैं तो बनेगा आपका गोबर गैस ही करेक्ट बनेगा आपका गोबर गैस ही ये जो गोबर गैस के प्लांट हैं या जो बायोगैस के प्लांट हैं ये गांव में ज्यादा लगाए जाते हैं क्योंकि वहां ज्यादा गोबर होता है फॉर ऑब्वियस रीजन है ना गाय भैंसे वहां पर पाली जाती हैं तो वहां पर ज्यादा गोबर आपको देखने को मिलता है तो यहां क्या है भैया आपका एक कॉन्क्रीट का टैंक है यहां पर आपका एक कॉन्क्रीट का टैंक है तो इस प्रकार का आपका एक कॉन्क्रीट का टैंक यहां पर आपको देखने को मिलेगा और ये जो कॉन्क्रीट का टैंक है मेरे दोस्त ये दस से पंद्रह पर लगा रहेगा एक फ्लोटिंग कवर इसके ऊपर लगा रहेगा एक फ्लोटिंग कवर कवर किसका काम करता है फ्लोटिंग कवर आपके कुकर की सिटी का काम करता है भाई आपने अपने घर में कुकर देखा है okay, lag हो गया? कोई लैग नहीं है भाई मेरे सामने चल रही है स्क्रीन कोई लैग नहीं है मुझे तो कोई लैग नहीं आ रहा नो no लैग फटाफट बता दीजिए भाई नो लैग नो लैग नो लैग ना ओके हुआ सर लैग हो गया कोई बात नहीं दोबारा से समझा देता हूं आराम से सुनिए कोई बात नहीं है भाई लैग हो गया तो थोड़ा सा आराम से सुन लीजिए दोबारा रिपीट कर देता हूं अभी तक जितना बनाया है वो दोबारा रिपीट कर देता हूं देखिए गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट गांव में लगता है क्यों क्योंकि गांव में भैंस गाय पाली जाती हैं सिंस गोबर ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो वहीं पर गोबर गैस प्लांट लगना चाहिए टेक्निकली राइट यहां पर आपने क्या किया एक कंक्रीट का टैंक बनाया कंक्रीट मतलब आराम से आपने सीमेंट लगाई ईंट लगाई और 10 से 15 फीट डीप आपने एक टैंक बनाया और इस टैंक के ऊपर आपने क्या लगा दिया इस टैंक के ऊपर आपने लगा दिया फ्लोटिंग कवर यह फ्लोटिंग कवर किसका काम करता है भैया ये फ्लोटिंग कवर किसका काम करता है आपके कुकर की सिटी का काम करता है अगर आपने कभी कुकर में दाल बनाई है या बनते हुए देखी है तो आपको पता होगा कि हम हमेशा यह बोलते हैं कि यार इसको ना पकाओ दो सीटी तक तो जब अंदर कोई भी चीज पक रही होती है एंड बहुत ज्यादा वो चीज गर्म हो जाती है पक जाती है तो वेपर्स सीटी को ऊपर की तरफ उछाल देते हैं वो सीटी बजने लग जाती है तो विल गेट एन आइडिया कि खाना पक चुका है सिमिलरली जब इस बायोगैस प्लांट में इस टैंक में गैस बनेगी तो ये गैस आपके इस फ्लोटिंग कवर को ऊपर नहीं उछाल देगी कुकर की सिटी की तरह है ना तो फ्लोटिंग कवर विल राइज व्हेन गैस विल इंक्रीज जब गैस भर जाती है इस टैंक के अंदर तो फ्लोटिंग कवर क्या हो जाता है आपका राइज हो जाता है और जब फ्लोटिंग कवर राइज हो जाएगा तो हमको पता लग जाएगा कि भैया यहां से गैस निकालनी है तो यहां से हम क्या करेंगे गैस निकाल लेंगे तो यहां से एक आउटलेट होता है जिसको हम कहते हैं आउटलेट वन इसको हम कहते हैं आउटलेट वन ये आउटलेट वन क्या करता है बायोगैस को निकाल लेता है और यह बायोगैस जो है आपकी आसपास के घरों में सप्लाई कर दी जाती है एंड इट इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग ऐसा नहीं है कि देश का सारा का सारा खर्चा आप खुद ही निकाल लोगे कि भैया आज से तो बिजली का बिल आएगा ही नहीं अब तो शादियों में जनरेटर चलाएंगे भाई गोबर से नहीं कुकिंग और लाइटिंग यानी एक आधा बल्ब जला सकते हो खाना बना सकते हो उतनी एनर्जी आपको ये बायोगैस दे देगी दूसरा आपका यहां पर जो आउटलेट आएगा ये दूसरा जो आउटलेट आएगा यह क्या है ये आपका है स्पेंट स्लरी का आउटलेट इट इज यूज एज स्पेंट स्लरी आउटलेट टू स्पेंट स्लरी क्या होता है ऐसी स्लरी जो वेस्ट हो गई है ना लेकिन गोबर का पानी है ये तो आखिरकार किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है भैया गोबर को हम लोग खेतों में भी तो इस्तेमाल करते हैं ना एज अ फर्टिलाइजर तो इसको एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जा सकता है आपका खेतों में डालने के लिए स्पेंट लरी का मतलब क्या है स्पेंट्स लरी का मतलब क्या है एक बार मैसेज किया है पूजा को एक है ना कर ली बात ठीक है ठीक है भाई यहां देखिए जब आप अंदर गोबर गैस बना रहे होते हो तो क्या आपको ऊपर से कुछ नहीं डालना पड़ेगा डालना पड़ेगा सर क्या डालेंगे ऑब्वियसली गोबर ही डालोगे ना यार गोबर गैस बन रही है तो है ना चवन पास थोड़ी डालोगे तो यहां पे क्या डाला आपने गोबर डाला यहां पे आपने क्या डाला गोबर डाला और गोबर को अकेले डालोगे ना भाई सूखा सूखा तो बुरा मान जाता है तो गोबर को प्रोसेस करने के लिए इसके साथ हम क्या डाल देते हैं पानी डाल देते हैं प्लस हमारे घर की बची खुची चीजें भी हम लोग डाल सकते हैं कोई सब्जी के छिलके हैं कोई वेजिटेबल वेस्ट है फलों के छिलके हैं बचा खुचा जो भी मटेरियल है आप अंदर डाल सकते हो अंदर आपने डाला गोबर का पानी इस गोबर के पानी ने गैस बनाई वो गैस हमने घर को चलाने के लिए निकाल ली और यहां पर जो बचा हुआ गोबर है जो गैस नहीं बना पाया उसको हमने सेकंड आउटलेट से निकाल लिया जो कि फर्टिलाइजर के तौर पे काम आएगा यहां पर आपकी खूब सारी गैसेस बनी इन गैसेस में से प्राइम गैसेस कौन सी थी भैया आपकी मीथेन आपकी सीओ आपकी एच एंड आपकी एच और गांव गांव में ये जो सेटअप लगाया गया है इस सेटअप की शुरुआत किन्होंने की आपकी आई ए आर आई ने यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और केवीआईसी ने केवीआईसी क्या है भैया खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन इन दोनों ने मिलकर एक प्रोटोटाइप बनाया जो कि आप आराम से अगर गांव में रहते हो तो खुद भी तैयार कर सकते हो और खुद भी गोबर से एनर्जी बना सकते हो इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और रूरल इलाकों में खूब सारे गोबर गैस प्लांट बनाने में अपना योगदान दिया आई एंड के इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन इन दोनों ने खूब सारे बायोगैस प्लांट दुनियादारी में बनवाए यहां तक क्लैरिटी है एक बहुत बड़ी टंकी है जिसमें आप गोबर का पानी डाल रहे हो गोबर गैस बन रही है अंदर गोबर के प्रोसेस होने से एक तरफ से आप गैस निकाल ले रहे हो दूसरी तरफ से आप गोबर जो बचा खुचा है वो निकाल ले रहे हो सिंपल सेटअप है इतना ही है सिंपल इसके अलावा कुछ नहीं है पढ़ने को अब हजार बनने और पढ़ लो भाई है ना टाइम पास करूं तो इसी में दस घंटे लगा दू इसी चीज में लेकिन करोगे क्या उस चीज का बताओ है ना नंबर आ जाने चाहिए आसानी से कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए मिनिमम पॉसिबल टाइम में दैट इज योर प्रायोरिटी ऑल्सो एट दिस टाइम आपकी भी तो यही प्रायोरिटी है ना कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजें हो वही हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं बायोगैस क्या है एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है जिसमें मेन है मीथेन और इसके अलावा सीओ टू एच टू एस एच टू और भी गैसेज है यह फ्यूल की तरह इस्तेमाल करी जा सकती है तो अलग अलग माइक्रोब्स अलग अलग ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे ग्रो करते हैं जैसे आपका स्लज डाइजेस्टर में बैक्टीरिया किस चीज ग्रो कर रहे थे वहां तो कोई सेल्यूलोज नहीं था वहां तो बैक्टीरिया और फंगस था यानी पेप्टिडोग्लाइकन और काइटिन था लेकिन तब भी गैस बन रही थी तो वहां पर क्या है मेरे भाई जैसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिस पे कोई बैक्टीरिया ग्रो करेगा माइक्रोब ग्रो करेगा वैसा ही गैसेस बन जाएंगी तो यहां पर भी अगर आप देखें तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोजिक मटीरियल पे ग्रो करते हैं यानी प्लांट मटीरियल पे ग्रो करते हैं और आपका मिथेन के साथ साथ CO2 और H2 भी बनाते हैं जैसे कि आपका मिथेनो बैक्टीरियम नाम या तो ऐसा बैक्टीरिया जो मिथेन बनाता है और ओवरऑल सारे मिथेन जनरेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम मिथेनोजन कहते हैं है ना कॉमनली दे आर फाउंड इन स्लज स्लज में जैसा मैंने कहा बैक्टीरिया थे जो कि आपका फंगस और बाकी एरोबिक बैक्टीरिया पे ग्रो कर रहे थे इसके साथ साथ कई आपके ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके र्यूमन में भी पाए जाते हैं ऑफ कैटल ये भी आपका गोबर गैस बना रहे होते हैं तो गोबर गैस भी यहां बनती है जिसे बायोगैस कहा जाता है ये जो र्यूमन में पाए जा रहे हैं बैक्टीरिया आपके गट ऑफ र्यूमिनेंट में पाए जा रहे हैं ये आपके सेल्यूलोजिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं और आपके मिथेनोजन्स जो है ये गाय भैंस के गोबर में भी पाए जाते हैं तो जब आप इस गोबर को ट्रीट करोगे तो मिथेनोजन क्या करेंगे इनका काम ही है मिथेन जनरेट करना है मिथेन जनरेट कर देंगे जो आप पाइप से निकाल करके कहीं कहीं पहुंचा सकते हो तो बायोगैस प्लांट जो है ये 10 से 15 फीट डीप एक कंक्रीट टैंक है जिसमें आपने स्लरी ऑफ डंग यानी गोबर और पानी डाल दिया है इसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर है कुकर की सीटी जैसा जो कि आपका उठता रहेगा जैसे जैसे इसके अंदर गैस भरती रहेगी एक आउटलेट जो है यह तो आपका बायोगैस को सप्लाई करेगा आसपास के घरों में और दूसरा जो आउटलेट है यह आपका क्या करेगा बचा कुचा जो गोबर है जो बायोगैस ठीक से नहीं बना पाया उसको बाहर निकालेगा जिसको आप एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो गांव खेड़े के इलाकों में यह गोबर गैस प्लांट लगते हैं जो खाना पकाने के लिए और एक तो बल्ब जलाने के लिए मोर देन इनफ हैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन ने इस प्रोटोटाइप की नींव रखी थी जो आज के दिन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहां तक क्लैरिटी भैया जी यहां तक क्लैरिटी एक बार देखते हैं कितने सवाल आए हुए हैं इस चीज पे आए भी हैं या नहीं ये देख लेते हैं पहले भाई बताओ गोबर गैस प्लांट पे सवाल ही नहीं है पिछले पांच साल में दिल से बुरा लगता है भाई दो इतने अच्छे अच्छे टॉपिक और वो दो ही टॉपिक है जो कंप्लीटली इस चैप्टर के हैं बाकी तो सारा इधर उधर का माल है यार कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है बाकी सारा कंटेंट तो हम लोगों ने इस चैप्टर के तो दो ही टॉपिक है पूरे पूरे बायोगैस और आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और दोनों से भाई पांच साल में एक क्वेश्चन आया है यार बताओ अच्छा नहीं लगा भैया देख के यहां तो सारे के सारे मैथ द फॉलोइंग क्वेश्चन ही आए हुए हैं बस दुनियादारी में है ना चलो अच्छा एनटीए ने गोबर नहीं डाला <laughs> अरे यार क्या या भाई तुम भी सर क्या खा रहे आईक्यू तुम लोगों की आर पार है दोस्त मस्त मौज यार इतना खुश हो जाता हूं ना तुम लोगों को देख के जान हो तुम मेरे सारे के सारे क्या खा रहे सर सवाल देखकर ही समझ में आ जाता है कि क्यों यहां मैं आता हूं भैया पांच पांच छह छह घंटे सुसु रोक के क्यों पढ़ाता हूं तुमको क्यों <laughs> जीवन का पर्पज यहां आके क्लियर होता है मेरा कि पहले तो तुम्हें खाने पीने में फर्क समझाया जाए आराम से एक दिन बैठा करके भाई पटिए पे तुमको पढ़ाया जाए कि खाना क्या है पीना क्या है सेब और संतरा में फर्क पता है ना भाई अच्छे से है ना फिर बोलते हैं क्वेश्चन नहीं बन रहे सर <laughs> पढ़ते तो बहुत है सर सवाल नहीं बनता ऐसा <laughs> मत करो यार है ना मजाक करता हूं मैं तुम्हारे तो साथ ऐसे बहुत सीरियस नहीं लेना है दिल में सर ब्रेक दे दीजिए ब्रेक नहीं देंगे भाई हमारी गाड़ी में ब्रेक है नहीं आज तक ही ब्रेक नहीं लिया है इस पूरी मैराथन सीरीज में तो अभी जाकर के अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करेंगे मुझे लगता है ये रिकॉर्ड खराब करने की जरूरत पड़ सकती है मॉलिकुलर बेसिस में पर मैं होने नहीं दूंगा अगर आप लोग हमारे साथ हो सात घंटा लगे आठ घंटा लगे भाई रोक के पढ़ाएंगे लेकिन अगर बिना ब्रेक के पूरी सीरीज निकाल दी एक कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा है ना ऐसा लगेगा भाई कुछ कुछ खतरनाक हमने मचा दिया है क्योंकि अभी तक वी हैवन टेकन एनी ब्रेक एनी सिंगल ब्रेक है ना काम की बातें हुई हैं सिर्फ और यही तो हमारे लेक्चर की खास बात है दोस्त है ना अब देखो भाई कुछ बहुत जनरल जनरल बातें हैं इतनी जनरल बातें हैं कि आपको पता ही होंगी सर हमें पता है तो बहुत ही जनरल होंगी यस सुप्रीमली जनरल अब मैं थोड़ा सा ज्ञान देता हूं आपको थोड़ी सी भाषणबाजी करेंगे है ना आराम से देखिए माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट नाम से क्या समझ में आ रहा है माइक्रोब्स यहां पर बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं बायो कंट्रोल मतलब किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं अगर मेरा एक खेत है और उसमें मैं खेती करता हूं कोई फसल मैंने उगाई है तो जाहिर सी बात है उस फसल के आसपास वीड भी उगेंगे उस फसल के ऊपर अलग अलग कीड़े भी लगेंगे यानी इंसेक्ट पेस्ट भी अटैक करेंगे अब मैं नहीं चाहता कि मेरी फसल को कोई हानि हो तो मैं क्या करता हूं इंसेक्ट मारने के लिए इंसेक्टिसाइड छिड़क देता हूं पेस्ट मारने के लिए पेस्टिसाइड छिड़क देता हूं वीड हटाने के लिए वीडिसाइड छिड़क देता हूं इतने सारे केमिकल्स का मैं इस्तेमाल करता हूं जिससे कि मेरी जो मिट्टी है खेत की उसके अंदर भी ये सारे केमिकल मात्रा में बढ़ जाते हैं अगर मेरे सारे कि सारे पौधे जो मैं वहां पर उगा रहा हूं फसल जो मैं उगा रहा हूं उनको उसी मिट्टी में रख रहा हूं हायर केमिकल है तो मेरी फसलों में भी कुछ केमिकल चला जाएगा उस फसल को मैं खा रहा हूं काट करके यानी कि मेरे अंदर भी वो केमिकल कहीं ना कहीं आएंगे यानी मेरी सॉइल भी पॉल्यूट होती है इन एक्स्ट्रा केमिकल्स की वजह से मेरी जेब भी खाली होती है क्योंकि ये केमिकल हमारे मामा की दुकान तो है नहीं ये आते हैं भैया पैसे में और थर्ड अगर आप देखें तो ओवरऑल हम लोग बीमार भी हो सकते हैं क्योंकि हम इतने सारे केमिकल्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक ऐसी स्ट्रेटजी पर जाएं जहां पर इंसेक्ट जो है उनका लेवल हम लोग मैनेजेबल कर दें और हम लोग उनका लेवल अगर मैनेजेबल कर रहे होंगे तो इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल भी डिसरप्ट नहीं हो रही होगी आराम से सुनिएगा दोस्त मैं एक इंसेक्ट हूं मैं आपकी फसल खा रहा हूं आपने मुझे मार दिया भाई इंसेक्टिसाइड आपने छिड़क दिया मेरे जैसे सारे कीड़े मर गए ऐसे कीड़े जो मुझ पर डिपेंड कर रहे थे जिनकी लाइफ साइकिल का मैं पार्ट था जो मुझे खा रहे थे वो भी तो मर जाएंगे वो भी तो मर जाएंगे ना क्योंकि मैं उनकी लाइफ साइकिल का हिस्सा हूं वो मुझे खा करके जिंदा थे अब अगर मैं ही नहीं रहा तो द इंसेक्ट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन मी द ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन मी दे विल ऑल्सो गेट एक्सटिंक्ट यानी मैंने क्या किया मैंने एक फसल को बचाने के चक्कर में किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को मारा और उस चक्कर में क्या हुआ उस इंसेक्ट पर डिपेंड करने वाले बाकी ऑर्गेनिजम्स भी मर गए यानी मैंने इकोसिस्टम का कबाड़ा कर दिया ऑर्गेनिक फार्मर्स की एक बात है वो कहते हैं वो मानते हैं कि बायोडायवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ यानी अगर एक इलाके में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं तो उससे पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ बरकरार रहती है यानी जितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म एक इलाके में रहेंगे उतना उस इलाके को अच्छा माना जाएगा बेहतर माना जाएगा और हम क्या कर रहे हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स को यूज करके वांटेड और अनवांटेड इंसेक्ट्स को मार रहे हैं अगर मैं इंसेक्टिसाइड यूज कर रहा हूं भाई यहां पर बैठा है आपका गोलू यहां बैठा है मोलू है ना इसका कलर चेंज कर देते हैं भाई मैंने यहां पर इंसेक्टिसाइड यूज किया तो यह तो मरा ही जिसको मुझे मारना था यह तो खत्म हो गया भाई ये भी तो मर रहा है ये भी तो आपका मर रहा है ना दोस्त इसकी क्या गलती थी इसकी तो कोई गलती नहीं थी यहां पर सो अल्टीमेटली आई वॉन्टेड टू किल दिस पर्टिकुलर पेस्ट बट आई हैड किल्ड दिस वन ऑल्सो तो मैंने बायोडाइवर्सिटी की बैंड बजा दी बजा दी इको को डिस्टेबलाइज कर दिया कर दिया तो so, क्या मैं अपनी फसल को लॉन्ग रन में बचा पाऊंगा अगर मैं पर्यावरण का ही नुकसान कर रहा हूं तो कल को मेरी फसल उग जाएगी नहीं उगेगी इसीलिए कहा जाता है कि आप बायोलॉजिकल प्रोसीजर्स पे ध्यान दो कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो खुद ही खुद कंट्रोल कर सकते हैं इन पेस्ट को और इनका मैनेजेबल लेवल रख सकते हैं कि ये आपके क्रॉप को भी हार्म ना करे और आप करो नो बेसिकली इनका लेवल भी मैनेज रख पाओ तो बायोडाइवर्सिटी को भी हार्म ना पहुंचे इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पेस्ट का एक ऐसा लेवल रखो कि वो आपको भी दिक्कत ना करे और खुद भी जिंदा रह सके जिससे कि इस पेस्ट को खाने वाला कोई और ऑर्गेनिज्म है तो उसको भी खाना मिलता रहे रेगुलर टाइम पे दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बात समझ में आई अब देखो यही चीज आप एनसीआरटी में देखो ज्ञान है भाई सवाल ववाल कुछ नहीं आएगा यहां से ज्ञान है प्योर आराम से देखो क्या हुआ भाई हमारे पास कई बायोलॉजिकल मेथड्स हैं हमारे पास कई बायोलॉजिकल मेथड्स हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं प्लांट डिजीज को और पेस्ट को राइट right? हम लोग इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं इंसेक्ट मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं पेस्ट मारने के लिए और वीडिसाइड यूज करते हैं वीड को किल करने के लिए अब ये सारे केमिकल अगर मैं मिट्टी में डाल रहा हूं अपनी फसलों पे छिड़क रहा हूं तो ये केमिकल्स टॉक्सिक है ना भाई तो ये तो हमारी फसलों के लिए भी लॉन्ग रन में हार्मफुल है और हम अगर उन फसलों को खाते हैं तो ये हमारे लिए भी हार्मफुल है और मिट्टी में ये केमिकल जा रहे हैं तो हमारे एनवायरमेंट के लिए हमारी सॉइल के लिए भी हार्मफुल है सॉइल पॉल्यूशन ये कॉज करेंगे सेकेंडली कोई ऐसा कीड़ा था कोई ऐसा कीड़ा था जिसको हम नेचुरल प्रोडेशन से ही मार सकते थे भाई ये है कीड़ा ए और ये है कीड़ा बी बी वाला कीड़ा ए को खाता है कितनी प्यारी चीज है मुझे इस ए वाले कीड़े को कम करना है इसकी मात्रा मुझे घटानी है तो मैं बी इंट्रोड्यूस कर दूंगा इस इलाके में अपने खेत के आसपास यह बी वाला जो कीड़ा है इसको ए कीड़ा मिल जाएगा खाने के लिए इसका पेट भर जाएगा बी वाले का और ए कम हो जाएंगे तो मेरी फसल भी बची रहेगी कितनी बढ़िया चीज है अच्छी चीज है ना दोनों का काम चल गया तो मैं ऐसा प्रोसेस क्यों ना लेकर के आऊं बायोलॉजिकल जो नेचुरल प्रिडेशन पे बेस्ड हो प्रिडेशन मतलब शिकार करने पे बेस्ड हो भाई अगर कोई कीड़ा मुझे तंग कर रहा है मैं उसका बाप पकड़ के ले आऊंगा उसको खाना मिल जाएगा जिसको मैं पकड़ करके लेके आया हूं और ये जो इंसेक्ट मुझे परेशान कर रहा था इसकी भी बैंड बच जाएगी और मुझे कोई इंसेक्टिसाइड कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करना पड़ रहा मैं केमिकल पे डिपेंड नहीं कर रहा हूं तो ऑर्गेनिक फार्मर्स का एक बिलीफ है ऑर्गेनिक फार्मर जो केमिकल यूज नहीं करते उनका एक बिलीफ है दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ जितने ज्यादा अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिज्म से एक इलाके में रहेंगे उतना एक इकोसिस्टम हेल्दी रहेगा तो यहां पर पेस्ट जो है इनको इरेडिकेट नहीं किया जाता इनको खत्म नहीं किया जाता हंड्रेड परसेंट इनके लेवल को मैनेज कर लिया जाता है इनकी मात्रा को कम कर दिया जाता है इतना कम कर दिया जाता है कि हमारी फसल को हार्म ना करें और इस बी वाले को भी खाना मिल सके क्योंकि जब आप केमिकल यूज करते हो ना केमिकल मेथड्स तो ये यूजफुल और हार्मफुल दोनों इंसेक्ट को ही मार देता है नॉन स्पेसिफिकली तो इससे हमारी बायोडायवर्सिटी की ओवरऑल बैंड बच जाती है इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज करें करेक्ट यहां देखिए Best जो है इनका इरेडिकेशन अगर आप करते हो तो ये अनडिजायरेबल है है ना मत करो इनका इरेडिकेशन क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन पे डिपेंड करते हैं इनका शिकार करते हैं कोई पैरासिटिक इंसेक्ट है जो इन पे डिपेंड करता है ये भी तो मर जाएंगे ये भी आपके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे भाई अगर मैं यहां पर इस इंसेक्ट ए को हमेशा के लिए खत्म कर दूं तो क्या ये इंसेक्ट बी सरवाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये तो ए को खाता था अगर मैंने ए ही खत्म कर दिया दुनियादारी से तो बी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा इस बेचारे की क्या गलती है इसीलिए मुझे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करनी चाहिए और इसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि मैं हर पेस्ट की लाइफ साइकिल को समझूं। तो मैं अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को समझूं और इनकी लाइफ साइकिल पैटर्न को समझूं अगर मुझे समझ में आ गया कि मस्कीटो को ड्रैगन फ्लाई खाती है तो जिस इलाके में मस्क्यूटो ज्यादा हो रहे होंगे वहां मैं ड्रैगन फ्लाई ला करके छोड़ दूंगा मस्क्यूटो भी कम हो जाएंगे ड्रैगन फ्लाई को भी खाना मिल जाएगा दिस इज कॉल्ड एज मास्टर माइंड स्ट्रैटेजी जो हम यहां पर यूज कर रहे होते हैं दिस इज मास्टर माइंड स्ट्रैटेजी ठीक है अब देखो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स है मेडिजी का टेबल निकाल लेते हैं भैया आराम से देखिए क्या हुआ आपने एक बीटल देखा होगा कुछ ऐसा सा बीटल होता है भैया रेड और ब्लैक मार्किंग के साथ है ना गोल मटोल आपके यहां पर मार्किंग होती है ऐसा ऐसा भाई सेम टू सेम बना दिया यार खतरनाक ड्राइंग भाई की खतरनाक है एकदम ये आपका बीटल है इट्स कॉल्ड लेडी बर्ड बीटल तो लेडी बर्ड बीटल किसको मारती है एफिड को मारती है स्पेसिफिकली तो अगर मेरे खेत में एफिड ज्यादा है मैं लेडीबर्ड बीटल ले आऊंगा खत्म कर देगा एफिड को लेडीबर्ड बीटल को खाना मिल जाएगा कहीं पर मॉस्किटो ज्यादा है मच्छर ज्यादा है किसको ले आऊंगा ड्रैगन फ्लाई को ले आऊंगा मॉस्किटो की छुट्टी कर देगा बायोटेक्नोलॉजी आपने पढ़ ली है कि नहीं एक चीज बताइए फटाफट हैव यू रेड बायोटेक्नोलॉजी हैव यू रेड बायोटेक्नोलॉजी अभी तक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक या एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक पढ़ ली है यस yes, पढ़ ली है बहुत शानदार अगर आपने बायोटेक पढ़ ली है तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट बीटी कॉटन बीटी कॉर्न बीटी ब्रिंजल सारी चीजें एनसीआरटी में गिवन है बीटी टी स्टैंड फॉर बेसिलस यानी आपका एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेसिलस थ्रिंजियंसिस बेसिलस का मतलब रॉड शेप है ये जो बैक्टीरिया है इसमें कुछ जीन्स होते हैं स्पेसिफिक जीन्स जिनको हम कहते हैं जीन्स जैसे एनसीआरटी में अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं क्राई वन ए सी क्राई टू ए बी एम्स वन तो इस बेसिलसूर में कुछ जीन है कॉल्ड एज जीन इस जीन को मैं क्या करता हूं प्लांट में इंसर्ट करा देता हूं अगर एक प्लांट के अंदर मैंने जीन डाल दिया है तो इस प्लांट को अगर कोई इंसेक्ट खाता है तो उस इंसेक्ट के गट में जाकर के जो टॉक्सिंस है जो बीटी टॉक्सिन्स है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और उस इंसेक्ट के गट में छेद कर देते हैं उसके इंटेस्टाइन में छेद कर देते हैं और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है तो इंसेक्ट जो है आगे से एक पर्टिकुलर प्लांट को खाना छोड़ देता है उसको पता लग जाता है भाई ये प्लांट खाकर मौत हो जाती है तो हम प्लांट्स को क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट इंसेक्ट्स यूजिंग बीटी तो या तो आप बीटी डायरेक्टली जीन इंसर्ट कर दो प्लांट के अंदर वाया बायोटेक्नोलॉजी वाया डीएनए टेक्नोलॉजी वाया जेनेटिक इंजीनियरिंग या आप क्या कर दो बीटी के स्पोर्स जो हैं इनके सेशे भी आते हैं पुड़िया भी आती है इस पुड़िया को आप खोलो पानी में मिलाओ और छिड़क दो स्प्रे कर दो अलग अलग प्लांट्स पे जैसे कि आपके ब्रासिका के प्लांट है राइट right, आपका मूली वगैरह है सरसों वगैरह है इसके अलावा कुछ फ्रूट प्लांट है तो इनके ऊपर आप अगर छिड़क दोगे बीटी के स्पोर्स को तो कोई इंसेक्ट जब उन स्पोर्स को खाएगा तो उसकी बॉडी में जाकर के टॉक्सिंस एक्टिवेट हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी उसके लार्वा की डेथ हो जाएगी करेक्ट है एकदम करेक्ट है दोस्त तो जो बेसिलस थ है बीटी ये जो है इसके आप जीन भी डाल सकते हो अलग अलग प्लांट में बायोटेक्नोलॉजी से या फिर आप क्या कर सकते हो बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए इसके सेशे आते हैं जिसमें ड्राई स्पोर्स होते हैं इनको आप पानी में मिक्स करो और आप अलग अलग प्लांट पे छिड़क दो जैसे ब्रेसिका के ऊपर छिड़क दो फ्रूट ट्रीज के ऊपर छिड़क दो तो जब कोई इंसेक्ट इनको खाएगा कोई इंसेक्ट का लार्वा इसको खा लेगा बीटी को तो उसके गट में परफोरेशन हो जाएंगी छेद हो जाएंगे और वो इंसेक्ट मर जाएगा अगला है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज ट्राइकोडर्मा कहीं सुना है दोस्त सर आज ही सुनेला लगता है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए बना रहा था ये वही ट्राइकोडर्मा है वही फंगस है ये आपका इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट भी बना रहा था और ये आपका रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है और फ्रीली पाया जाता है तो कई प्लांट पैथोजन को यह भी कंट्रोल करता है रूट में पाया जाता है फंगस अलग, अलग अलग प्लांट की रूट के साथ आपका उसके आसपास पाया जाएगा और इस फंगस के पास अगर कोई पैथोजन आता है तो उसकी भी बैंड बच जाती है इस एक लाइन से कई क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर आराम से सुनिएगा वायरस है भैया बकुलो वायरस और बेक्यूलो वायरस का एक स्पेसिफिक जीनस है जिसको कहते हैं न्यूक्लियो पोलीहाइड्रोवाइरस की क्या खास बात है न्यूक्लियो पोलीहाइड्रोवाइरस की न्यूक्लियो पोलीहाइड्रोवायरस जो है इट इज स्पीसीज स्पेसिफिक यानी नैरो स्पेक्ट्रम इसको एग्जैक्टली exactly पता है मैं किसको मारूंगा किसको नहीं तो अगर आपको नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन चाहिए अगर आप स्पेसिफिक जगह पर निशाना लगाना चाहते हैं देन यूज न्यूक्लियो पोलीहाइड्रोवाइरस एकदम जहां पर आपकी निगाह होगी वहीं पे निशाना मारेगा और आपका इंसेक्ट्स को स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को यानी स्पेसिफिक आर्थ्रोपोर्ट्स को ये क्या करता है आपका किल करता है एकदम स्पेसिफिक तो अलग अलग एग्जाम्पल क्या हुए लेडी बर्ड लाल काले कलर की किसको मारेगी एफिड को ड्रैगन फ्लाई किसको मारेगी मस्कीटो को आपका बीटी टॉक्सिन किसको मारेगा बटरफ्लाई कैटरपिलर को आपका ट्राइकोडर्मा एक बहुत बड़ी रेंज को मार सकता है एंड आपका बेक्यूलो वायरस जो है इसका स्पेसिफिक जीनस है न्यूक्लियो पोलिहाइड्रो वायरस को मारेगा ये आपका नैरो स्पेक्ट्रम है यानी आप जिस इंसेक्ट को मारना चाहते हो ये उसी को मारेगा सिर्फ इन पांच लाइन से एक सवाल आपका बनेगा और बेसिक जो ज्ञान था वो हमने एनसीआरटी से ले ही लिया है तो बेसिक ज्ञान अगर आप छोड़ दो कि क्यों आपको बायो कंट्रोल की जरूरत है तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि वाई डू यू नीड बायो कंट्रोल क्योंकि हमें भी खुद केमिकल से आजादी चाहिए हम कोई पैसा खर्च करके खुश नहीं है हम कोई बहुत ज्यादा केमिकल इस्तेमाल करके खुश नहीं है वी ऑल्सो वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ दैट सिस्टम वी ऑल्सो वॉन्ट की ऑर्गेनिक चीजें चले इसीलिए अगर आप देखोगे आई ऑर्डर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑनलाइन तो मैं पर्टिकुलरली काफी सारी वेबसाइट से अपने लिए सब्जी और बाकी सारी चीजें ऑर्डर करता हूं एंड अगर आप फर्क देखोगे आप नॉर्मल आलू ऑर्डर करो और आप ऑर्गेनिक आलू ऑर्डर करो दोनों के प्राइस में भी फर्क है सो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक चीजों की डिमांड आजकल बढ़ रही है लोग चाहते हैं कि वो केमिकल फ्री फूड खाएं तो उसका धीरे धीरे उत्पादन बढ़ रहा है ज्यादातर लोग खुद चाह रहे हैं कि अपने फार्म में फ्रेश वेजिटेबल्स को उगाया जा सके और इनकी डिमांड है मार्केट में आपको भी मौका मिलेगा मैं दो चॉइसेस आपके सामने रख दूंगा केमिकल वाली सब्जी खाओगे या बिना केमिकल वाली आप आंख मूंद करके बिना केमिकल वाली सब्जी उठा लोगे बिकॉज एवरी वन ऑफ अस वॉन्ट की सारी चीजें प्राकृतिक हों जैसी वो उगती थी पहले वैसी ही हों पहले जमाने में इतने केमिकल्स थे ही नहीं अब खात वात अलग अलग टाइप की आ गई राइट तो वी कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप फास्टर इन अ बेटर वे लेकिन उससे कहीं ना कहीं क्वालिटी तो हैम्पर हो ही रही है तो अगर आप देखें तो हम लोगों को उस क्वालिटी को मेंटेन करना है जिसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मस्ट राइट तो ये टेबल हमारा इंपॉर्टेंट है अगली चीज है माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर अब ये चीज भी एकदम ज्ञान बेस्ड है एकदम सिंपल ज्ञान देंगे भैया कोरा कोरा ज्ञान देंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर ऐसा फर्टिलाइजर जो मिट्टी की उर्वरता को उपजाऊ क्षमता को बढ़ा दे जिससे कि हमें एकदम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज ना करने पड़े मार्केट में पैसा देकर केमिकल ना खरीदने पड़े उसको मिट्टी में ना डालना पड़े अब आपको ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए सर हमको ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट जो चीज चाहिए वो है नाइट्रोजन क्योंकि प्लांट नाइट्रोजन खुद फिक्स नहीं कर सकते हमें पता है तो हमने क्या आज तक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में कहीं सुना है यस सर हमें सुना है हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में सुना है कहां सुना है भैया सर जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में बताया था और वहां आपने बताया कि एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ बाइंड कर जाता है लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ मतलब ऐसे प्लांट जो लेग्यूम्स कहलाते हैं जैसे मटर है बीन है दालें हैं यानी आपका फैमिली फेबेसी के प्लांट क्योंकि फैमिली फेबेसी अब हम पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर उसके प्लांट की रूट के साथ राइजोबियम एसोसिएट हो जाता है राइजोबियम प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है और बदले में प्लांट खाने पीने की चीजें दे देता है राइजोबियम को क्योंकि राइजोबियम इज हेट्रोट्रॉफिक इसको खाना मिल गया इसका काम हो गया प्लांट को नाइट्रोजन मिल गया उसका काम हो गया दूसरा हम लोग जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने एक चित्र भी देखा था और वो चित्र वो फिगर थी नोस्टॉक की और नोस्टॉक क्या है आपका फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है यानी ये जो साइनोबैक्टीरिया थे जैसे एनाबीना नो स्टॉक ऑसिलेटोरिया यह भी आपका नाइट्रोजन फिक्स कर पा रहे थे हा सर फिक्स कर पा रहे थे है ना चावल के खेत में यानी फील्ड में भी साइनोबैक्टीरिया आपका बहुत अच्छे से नाइट्रोजन फिक्स कर पाता है तो अगर आप ऐसी नेचुरल माइक्रोब्स का इस्तेमाल करो जो सॉइल में रह करके खुद सॉइल की उपजाऊ क्षमता बढ़ा देते हैं तो क्या आपको बाहर से केमिकल्स डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी सर खुद ही काम चल जाएगा एंड दैट्स वी आर डूइंग ओवर हियर भाई आपका राइजोबियम है ये क्या करता है राइजोबियम आपका लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ बाइंड करके नाइट्रोजन फिक्स करता है आपका एजोस्पाइर और एजोटोबैक्टर है ये फ्री लिविंग कंडीशन में जैसे राइजोबियम तो बाइंड कर रहा था प्लांट के साथ तब नाइट्रोजन फिक्स कर रहा था ये एजोस्पाइर और एजोटोबैक्टर फ्री में फ्री लिविंग कंडीशन में अकेले ही नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं माइकोराइजा जो है यह क्या था माइकोराइजा में माइको का मतलब क्या था फंगस और राइजा का मतलब क्या था रूट ऑफ प्लांट कौन से प्लांट की रूट थी ये सबसे कॉमन कौन सा प्लांट था जो कि आपका माइकोराइजा बना रहा था बताइए कौन सा हायर प्लांट था जो कि आपका बना रहा था यहां पर माइको राइजा था पाइनस विच वॉज अ जिम्नोस्पम तो अगर आप देखें तो माइको राइजा जो है इसमें पाइनस की रूट इसमें पाइनस की रूट फंगस के साथ एसोसिएट हो जाती है फंगस खाना नहीं बना सकता तो पाइनस इसको खाना दे देता है और फंगस क्या करता है फंगस आपका सरफेस एरिया बढ़ाता है क्योंकि इसमें लाइक स्ट्रक्चर -like होते हैं तो फंगस अगर सरफेस एरिया बढ़ा रहा है तो वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा येस yes. फॉस्फोरस एब्सॉर्ब कर रहा होगा यस, yes. तो अगर माइकोराइजा बना लेता है पाइनस तो फॉस्फोरस की झंझट खत्म खत्म क्या फॉस्फोरस फर्टिलाइजर के थ्रू लेना पड़ेगा नहीं फंगस खुद एब्सॉर्ब करके ला देगा तो फॉस्फोरस की टेंशन खत्म और ये पाइनस के रूट को कवर कर लेता है फंगस उसके बाहर जंजाल बना देता है तो कोई पैथोजन भी अटैक नहीं कर पाता फंगस के ऊपर इसको प्रोटेक्शन भी मिलती है इसको सूखने से भी बचाता है क्योंकि वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर सकता है फॉर लॉन्गर टाइम इसको सेलेनिटी से बहुत हायर सॉल्ट कंसेंट्रेशन से भी बचाता है सारी समस्या अपने ऊपर ले, ले लेता है पाइनस तक कुछ नहीं पहुंचने देता इसीलिए इनकी दोस्ती इतनी पक्की है कि पाइनस का सीड अगर उसे पता चलता है कि मेरे आसपास कोई फंगस नहीं है तो जर्मिनेट ही नहीं करता दिस इज एन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप अ कंपल्सरी रिलेशनशिप जब तक पाइनस को कंफर्म नहीं हो जाता कि मेरे आसपास कोई फंगस मौजूद है तब तक वो जर्मिनेट नहीं करता वो बोलता है फंगस होगा मेरे आसपास तभी मैं जर्मिनेट करूंगा क्योंकि यही मुझे सेलेनिटी से बचाएगा यही मुझे पैथोजन से बचाएगा यही मुझे फॉस्फोरस ला देगा यही वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्बन कराएगा और बदले में बेचारा ले ही क्या रहा है थोड़ा बहुत खाना वो तो मैं बना ही लूंगा मुझे इतनी चीज देगा तो इसीलिए यहां पर ये काम हो रहा होता है तो फंगस भी कौन से जीनस का ग्लोमस जीनस का यह पर्टिकुलर फंगस है ग्लोमस जो सबसे ज्यादा माइकोराइजा बनाता है साइनोबैक्टीरिया जो है यह पेडी फील्ड में यानी चावल की फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और कई सारे आपके फ्री लिविंग जैसे एनाबीना नोस्टोक और एसिलोटोरिया भी नाइट्रोजन फिक्स कर रहे होते हैं यह है आपका एज बायो फर्टिलाइजर आराम से देखिए क्या हुआ एनसीआरटी के अंदर आराम से देखिए भाई ये जो आपकी लेडी बर्ड बीटल है किसको मार रही थी ये आपका एफिड को मार रही थी आपका जो ड्रैगन फ्लाई है किसको मार रहा था ये आपका मस्किटो को मार रहा था आपका बेसिलसूरीन जेन्सिस जो है ये किसको मार रहा था बटरफ्लाई कैटरपिलर को मार रहा था अलग अलग ब्रेसिका के मेंबर्स को और फ्रूट ट्रीज को ये बचा रहा था आपका बटरफ्लाई कैटरपिलर से है ना तो कैटर कैटरपिलर जो है ये अगर किसी प्लांट पर फीड करते हैं जिस पे ऑलरेडी हमने थुरिंजेंसिस छिड़क रखा है तो ये आपके क्या हो जाते हैं किल हो जाते हैं इनके इंटेस्टाइन में छेद हो जाता है और आप जेनेटिकली भी अलग अलग प्लांट में बेसिलस थुरिंजेंसिस का जीन डाल सकते हैं वैक्यूलो वायरस जो है एकदम स्पेसिफिक है का जो जीनस है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस वायरस एकदम स्पीसी स्पेसिफिक होता है किसी अन यू you नो know, ऐसे मतलब कि अगर कोई नॉर्मल इंसेक्ट है तो उसको हार्म नहीं करता है ना सिर्फ आपका जो हमारे साथ छेड़खानी कर रहा है उसी को आपका मारता है करेक्ट है तो नॉन टारगेट इंसेक्ट्स को ही नहीं मारता सिर्फ टारगेट इंसेक्ट्स को ही मारता है इसे आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है कि जो पेस्ट है उसी को मारो और उसका लेवल भी मैनेजेबल रखो जिससे बायोडाइवर्सिटी बरकरार रहे so आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ समय से पॉल्यूशन का जिक्र बहुत होने लगा है हम जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं उससे सॉइल भी पॉल्यूट होती है तो हम भी यही चाहेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ें और केमिकल का यूज ना करें बायो फर्टिलाइजर का यूज करें यानी अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं आपके सॉइल में उन्हें हम पनपने दें जिससे कि न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो है सॉइल की या आपकी क्या हो सके इंप्रूव हो सके फॉर एग्जांपल अलग अलग बैक्टीरिया है अलग अलग फंगस हैं जैसे ट्राइकोडर्मा साइनोबैक्टीरिया है जैसे आपका एनाबीना नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया ये आपके ग्रो करते रहे जैसे कि राइजोबियम जो है ये रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के साथ एसोसिएट होकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है अगर आप फ्री लिविंग कंडीशन में देखें राइजोबियम तो प्लांट के साथ एसोसिएटेड था फ्री लिविंग कंडीशन में अगर आप देखें तो एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर आपका नाइट्रोजन फिक्स करते हैं अगर आप माइकोराइजा देखें तो पाइनस के रूट के साथ जीनस ग्लोमस का फंगस जो है यह एसोसिएशन करता है और प्लांट को फॉस्फोरस ला करके देता है प्लांट को कवर करता है तो पैथोजन से भी बचाता है आपका सॉल्ट से भी बचाता है और सूखने से भी बचाता है क्योंकि वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर सकता है साइनोबैक्टीरिया जो है अलग अलग टाइप के ये फील्ड में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का, का काम कर रहे होते हैं और एनाबीना नोस्टोक ऑसिलेटोरिया जो है ये भी आपका फ्री लिविंग केस में फर्टिलाइजर का, का काम कर रहे होते हैं यानी हम लोगों ने सारी चीजें वही देखी जो किसी ना किसी चैप्टर में पढ़ रखी थी राइजोबियम के बारे में हमने पहले से पढ़ रखा था इन चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑसिलेटोरिया के बारे में भी हमने पहले से पढ़ रखा था है ना माइकोराइजा के बारे में भी हमने पहले से पढ़ रखा था कुछ एक चीजें हैं जो हमने थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा पढ़ी एक आधा नाम हमारा एक्स्ट्रा आया बाकी सारी चीजें हमारी डन थी यहां तक सबको सारी चीजें समझ में आई तो तुनिक तुनिक इन द चैट सेक्शन प्लीज यहां तक सब तारा रारा हो चुका है सब बढ़िया सब शानदार एक बार फटाफट चैट सेक्शन को भर दो भाई लाल कलर के दिलों से मैं जानता हूं इट वॉज अ स्मॉल चैप्टर बट इट इज श्योरली गोन गिव यू एटलीस्ट फोर टू एट मार्क्स इन योर नीट एग्जामिनेशन विच इज अग थिंग यू शेल टेक ऑन दिस चैप्टर ये आपको भाई बहुत शानदार रिजल्ट बहुत शानदार स्कोर दे सकता है इग्नोरेंस का चैप्टर नहीं है इग्नोर नहीं करना बल्कि इसको तोड़ फोड़ देना है दो ढाई घंटे में आठ नंबर तैयार अगर आप कर पा रहे हो तो ट्रस्ट मी दिस इज वन ऑफ द हाइएस्ट इल्डिंग चैप्टर जिसमें आपने कुछ नहीं किया सिर्फ दो टॉपिक आपने नए पढ़े बाकी सारे टॉपिक तो किसी किसी चैप्टर में पढ़ ही रखे थे हमने उनका कंसोलिडेशन बस हम लोगों ने यहां पर कर लिया है करेक्ट है आइए कुछ सवाल कर लेते हैं जिससे साबित हो जाए कि हम लोग पढ़ चुके हैं हर चीज को ढंग से मैच द कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ड्रैगन फ्लाई किसको मारेगा Bacillus thuringiensis किसको मारेगा ग्लोमस क्या करेगा बैक्यूलो वायरस किसको करेगा बैक्यूलो वायरस क्या करता है पहले तो देखो बायो कंट्रोल एजेंट फॉर सेवरल प्लांट पैथोजन ये किसके लिए बात कही गई थी ट्राइकोडर्मा पॉलिसपोरम के लिए है ना ट्राइकोडर्मा के लिए इनफैक्ट तो ये तो अपना कहीं है ही नहीं इसको तो हटा ही दो एफिड एंड मॉस्किटो मॉस्किटो के लिए आपका ड्रैगन फ्लाई करेक्ट है एफिड के लिए नहीं इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं नैरो स्पेक्ट्रम या की कहानी थी बैसिलस क्या करता है का सर ये तो नहीं दिया हुआ बायोटेक में पढ़ना वहां दिया हुआ है और जीनस ग्लोमस ये फंगस क्या करता है आपका फॉस्फोरस एब्सॉर्ब करके लेकर आता है तो सी का टी हो गया सी का टी हो गया सी का टी एक ही जगह पर है उत्तर तीन आ गया उत्तर तीन आ गया बढ़िया यार आज तो किस्मत सेट चल रही है भाई जहां हाथ मार रहे हैं वहीं से उत्तर निकल जा रहा है। नाइनटी फाइव परसेंट लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है एकदम सही जवाब दिया है और आगे देखो विच ऑफ कैन बी यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज बायो कंट्रोल एजेंट इनमें से कौन सा है क्लोरेला का भैया नाम ही नहीं आया सिंगल सेल प्रोटीन बनाता है हालांकि है? है ना लैक्टोबैसिलस दही जमाता है एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मापोलिस्पोरम आपका इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए भी बना रहा था और आपका बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे भी काम कर रहा था रूट इकोसिस्टम में फ्रीली पाया जाता है और कई सारे आपके पैथोजन से छुटकारा दिलाता है लगभग अस्सी प्रतिशत ने सही जवाब दिया है हाँ, पिछले का उत्तर तीन था ना इसीलिए यहां पर कईयों का आंसर सी आया है पिछले का आंसर फैच कर लिया होगा अदरवाइज ये नाइनटी प्लस रहता श्योर sure. इतना तो मुझे आप पे पूरा भरोसा है ये पोल करेक्ट कर देना दोस्त सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट बैसिलस बायो कंट्रोल है बटरफ्लाई कैटरपिलर को मारता है टोबैको टोबैकोमोजैक वायरस नहीं है एफिड से तो हम कुछ छुटकारा चाहते हैं इसके लिए तो हम लोग लेडीबर्ड बीटल को पकड़ के लेके आते हैं ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट है वैक्यूलो वायरस नैरोपेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट है बैसिलस थी जेंसिस है बी वाला आपका सही है ऑसिलेटोरिया राइजोबियम ट्राइकोडर्मा सिर्फ ट्राइकोडर्मा है यहां पर ये दोनों तो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं नॉस्टॉक नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टॉक नाइट्रोजन फिक्सेशन एजोस्पाइर सिर्फ करेक्ट है सारे सारे के टू में करेक्ट है सारे के सारे किस में करेक्ट है टू में करेक्ट है नाइंटी टू परसेंट लोगों ने सही किया है यार शानदार बढ़िया लीडर बोर्ड देख लो आप फटाफट है ना लीडर बोर्ड में अगेन ऑन द टॉप पोजिशन एक बार नीचे से ढंग से खोल लेते हैं है ना आपने आउंग या भैया एकदम टॉप पे देन सानिया गुरुजी नेहा सवा ऐश्वर्या दही ऋतिक यादव सरस्वती कनिका पलक नेहा शिवानी ऋत्विका सुधा यशिका रचित वैष्णवी अंकुर मासूम भारद्वाज हिमांशी दिव्या नेहा प्रिया भानु इंद्रजीत आयकटान मयूरेश स्नेहा क्या है भाई एंटीमोनिक मानसी डॉक्टर नोआ है ना ये सारे हमारे दोस्त हैं डन है भाई ये है हमारा पोल काम क्या है आज आपके पास टाइम है भैया जल्दी छूट रहे हो डीपीपी सॉल्व कर लो फटाफट बिना किसी टेंशन के और एक बार एनसीआरटी रीडिंग लगा लो और मेड इजी प्रिंट होकर के आपने पूछा था सोलह तारीख को आ जाएगी कंफर्म हो चुका है सोलह सत्रह तारीख को मान लो फिर उसके बाद एमेजॉन पे आप जितने टाइम में कोई चीज मंगाते हो एक दो दिन का टाइम लगता है तीन दिन का डिपेंडिंग अपॉन पिन कोड उतना ही टाइम लगेगा राइट तो मेड इजी भी ऑर्डर कर लो मेड इजी ऑर्डर कर लो बहुत शानदार किताब है आप देखोगे कैसे कॉन्सेप्ट भैया उड़ते हुए चले जाएंगे है ना एकदम मजा आ जाएगा भैया अं भैया कर दोगे फिर हर चीज की नीट से एक दिन पहले पूरी की पूरी बॉटनी रिवाइज हो जाएगी डन है भाई यह है आपका आज का ग्रह कार्य डन अब हम लोग अगला चैप्टर जो करने वाले हैं दैट इज मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मैं आपको पहले ही बता रहा हूं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में काफी सारी चीजें मैं आपको हाथ से लिख करके पढ़ाऊंगा मैकेनिज्मिकीजें थ्योरिटिकल चीजें जो होंगी टेबल में मैं पहले से लेकर के आऊंगा उसको समझना इंपॉर्टेंट है नोट्स आपको मैं अपने बने बनाए दे दूंगा आप टेंशन मत लेना आराम से आप उसका प्रिंट निकाल लेना उससे बाहर एक शब्द भी नहीं आएगा नोट्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि वो चैप्टर इतना बड़ा है कि उसको अगर मैं डिटेल में पढ़ाने बैठा इट विल ईजिली टेक ट्वेल्व आवर्स मैं चाह रहा हूं कि मैं उस लेक्चर को सात से आठ घंटे में कवर करा दूं जिससे कि आप समझ पाए हर चीज को ढंग से बारह घंटे ना आप में पढ़ने की हिम्मत होगी एग्जॉस्ट हो जाओगे और फिर रिवीजन कैसे करोगे उस चीज का बारह घंटे का लेक्चर देख लिया जस्ट फॉर रेफरेंस है ना बैठ गए भाई पांच बजे से पांच बजे तक रिवाइज कैसे करोगे बारह घंटे के लेक्चर को रिवाइज करने में चार पांच घंटा तो चाहिए ना पेपर से पहले फिर मौत आ जाएगी वॉन्ट टू गिव यू द बेस्ट रिलायबल लेक्चर जिससे पेपर भी बने जो आपका इतना अच्छा लेक्चर हो इतना क्रिस्प लेक्चर हो जिसमें इन्फॉर्मेशन भी मिस ना हो आपको भी कोई डर ना रहे कि कोई पॉइंट छूट गया मुझे भी डर ना रहे कि मैंने इनजस्टिस कर दी चैप्टर के साथ लेकिन आपका भी काम हो जाए आपके भी पूरे नंबर आ जाए और मेरा भी काम हो जाए पर्पज सॉल्व हो जाए आपका रिविजन ढंग से हो जाए दैट इज द मेन मोटो ऑफ माई लेक्चर है बनाने को भाई बारह घंटे का लेक्चर में बना सकता हूं बनाए भी हैं लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर दैट लेक्चर मैं चाहता हूं ऐसा एक पूरा कोर्स बनाना कि ये प्रचंड बैच जब आप देखो तो आपको डर ना लगे कि भाई एक लेक्चर करने में मैं टाइम देख के ही घबरा जा रहा हूं आई डोंट वॉन्ट दैट आई वॉन्ट कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली किसी भी लेक्चर के अंदर आओ आराम से एक लेक्चर को पढ़ो और सारी चीजें सीख लो मिनिमम पॉसिबल टाइम में और वो मेरी एक्सपर्टीज है वो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसमें हम लोग बिल्कुल नहीं चूकेंगे सौ परसेंट अगर लेने आए हो इस लेक्चर से सौ परसेंट देकर भेजूंगा फॉर श्योर गारंटी के साथ राइट right? चलो भाई और बताइए क्या हालचाल है तो आज का लेक्चर छोटा था थोड़ा खाली खाली सा महसूस कर रहा हूं है ना साढ़े तीन घंटे में छूट गए <laughs> तो जब बहुत जब बहुत छोटा हो जाता है लेक्चर भाई तब भी ऐसा लगता है क्या कर दिया आज है ना पर हाँ ये चैप्टर तो इतना ही डिजर्व करता था इस चैप्टर में तो होना ही ये है और आगे लगभग दो चैप्टर और ऐसे हैं अब दो चैप्टर थोड़े ठीक ठाक बड़े हैं मॉलिकुलर बेसिस और ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम फिर इतना ही है, इतना ही ही है 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 छोटा छोटा ना तो अब ये चार घंटे में अपने और दो लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे मॉलिकुलर बेसिस विल टेक अराउंड एट आवर्स है ना सेवन एट आवर्स ज्यादा भी हो सकता है नौ घंटा भी हो सकता है एंड ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन विल टेक अराउंड फाइव सिक्स सिक्स आवर्स फाइव सिक्स आवर्स है ना सर रियल टेस्ट दे या नहीं बिल्कुल दो भाई पीडब्ल्यू का जो रियल टेस्ट है बिल्कुल देना चाहिए क्योंकि कम से कम यार लाख दो लाख तीन लाख बच्चा बैठेगा एकदम नीट की तरह रिजल्ट आएगा नीट जैसा पेपर होगा एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे एक बार अगर आप उस टेस्ट को देकर आ गए टेम्परामेंट सेट हो जाएगा कि भाई पेपर वेपर कुछ नहीं है हम एक बार देकर आ चुके हैं यूल गेट अ रियल आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स वर्क एंड वो सबसे बेस्ट चीज होती है आराम से देखे आओ मतलब अगर मेरा सजेशन आपके लिए मैटर करता है तो बिल्कुल के है ना सर जुलॉजी का रिविजन नोट दे दो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट मैं ये अभी कहना नहीं चाहता था लेकिन हाँ मैं कुछ कर रहा हूं आपको बहुत जल्दी मिलेगा नीट से पहले कुछ करते हैं दोस्त है ना सर जेनेटिक्स कब होगा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में जेनेटिक्स समाप्त है ना डीपीपी आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी चले भैया इट्स बीन थ्री आर थर्टी मिनट्स एग्जैक्ट मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बहुत ज्यादा ही ख्याल रखिए है ना मौसम बिगड़ रहा है भाई मैं भी बीमार चल रहा था अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर करना शुरू किया हूं अभी भी भाई जब वायरल फीवर आता है तो आपके शरीर को तोड़ करके चला जाता है अभी भी मतलब मैं काफी बार कोई लंबा लेक्चर लेता हूं तो हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है उसके बाद तो टैबलेट खा करके लेक्चर लेना पड़ता है ये लेक्चर भी टैबलेट खा करके लिया है क्योंकि रहती है भाई तबीयत खराब कुछ दिन और है ना बट हाँ अभी इतना है कि छः सात घंटा आराम से खड़े हो सकते हैं तो मुझे लगता है वापस रिकवर करने में पाँच चार दिन और लग जाएगा पूरा तो अपने आप को बीमार मत पड़ने देना दैट इज द ओनली सजेशन आई कैन गिव क्योंकि मैं अभी उस चीज से निकल ही रहा हूं बाहर अभी पूरा निकला भी नहीं हूं तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया है कि भाई बहुत तंग हो जाओगे है ना सात आठ दिन तो समझ लो गया तो अपने आप को उस ट्रैप में फंसने मत देना जितना हो सके अपने आप को बचा के रखो है ना सर्दी नहीं भी लग रही है गर्मी लग रही है तो भी मेक श्योर टू टेक अ ब्लैंकेट है ना आराम से एकदम अच्छा बनियान में नहीं आ जाना है धीरे धीरे जो चेंजेस हो रहे हैं नेचर में उसी हिसाब से खुद को भी धीरे धीरे बदलना है ऑल राइट right? चलो भाई थैंक यू सो मच लॉर्ड्स ऑफ लव जय हिंद बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मजा आया आज के लेक्चर को लेकर के एंड आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा इस लेक्चर को इस कंटेंट को कंज्यूम करके मिलते हैं आपसे अगले सेशन में जहां पर जेनेटिक्स की धजियां उड़ा रहे होंगे और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को एकदम जीरो से हीरो लेवल तक कवर कर रहे होंगे डन बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच गुड नाइट जय हिंद डीपीपी सॉल्व कर लेना और एनसीआरटी आज ही पढ़ के कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि कितना टाइम लगा इस चैप्टर की एनसीआरटी एंड टू एंड रिवाइज करने में तब जाकर आज सोना है आज यू हैव टाइम आज मैं नहीं बोलूंगा कि कल कर लेना आज ही करना रात को सोने से पहले काम कर लेने हैं डन चलो बाय 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 गुड नाइट